It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other, where you put your knowledge to test and battle it out with the best to bring out the best in you. Unacademy Combat is the most competitive gamified contest for gate till date, with the best of the questions by best educators, with detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now. हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। सो लेट्स क्रैक गेट एनी एसी विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। यू कैन गेट ए प्लस सब्सक्रिप्शन एंड एक्सेस अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज फ्रॉम इंडियाज बेस्ट एडुकेटर्स। ओके सो गाइस, डेफिनेटली आज हम काफी ज्यादा अच्छे से कवर कोर्स करने वाले हैं। ओके चलिए। सो डेफिनेटली काफी सारे स्टूडेंट आ चुके हैं। सो लेट्स क्रैक गेट एनी एसी विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म एंड यू कैन गेट ए प्लस सब्सक्रिप्शन एंड एक्सेस अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज फ्रॉम इंडियाज बेस्ट एडुकेटर्स। So, my name is Kuldeep Singh Rathod. I am graduated from Rajasthan Technical University, Kota. Currently pursuing M.Tech from IIT Delhi. In GATE 2020, I secured AR-29 in Mechanical Engineering Streams. In GATE 2019, I secured AR-478 in Mechanical Engineering Streams. I also qualify ISRO and Coal India written examinations and having a 2 years online teaching and guiding experience to the student. So, guys, आज हम पूरा complete करने वाले हैं computer aided drawing, computer aided manufacturing. ओके सिम का सिलेबस देखेंगे, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग देखेंगे, एनसी मशीन, सीएनसी मशीन, तो जो भी आपका कंप्लीट चीजें हैं वो सारी आपका क्या होगा, एक सिंगल वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। ओके सो आई होप यू गाइस विल डेफिनेटली एंजॉय फ्रॉम टुडेज वीडियो। ओके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हम सीखने वाले हैं और आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा इस पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से। ओके सो जब तक बाकी स्टूडेंट आते हैं, आई विल इंट्रोड्यूस लिटिल बिट अबाउट द अनअकैडमी। ओके दैट विल हेल्प यू अलॉट। ओके मे बी सम ऑफ द स्टूडेंट्स को ये इन्फॉर्मेशन हेल्प करे। So, अगर आप लोगों ने प्ले स्टोर से अभी तक अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किए तो आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए। मोर देन 3 लाख से ज्यादा यूजर्स अभी अनअकैडमी ऐप को यूज कर रहे हैं। ओके सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, जब आप डाउनलोड करेंगे रोजाना शाम को 10:15 से लेके 11:30 पर मैं आपको एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाता हूँ, तो आप मेरे साथ आके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। एप्टी और मैथमेटिक्स के सभी ब्रांचेस के क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाता हूँ, तो आप मेरे साथ आके प्रैक्टिस कर सकते हैं। फ्री क्लास होती है। ओके फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है, आपका कोई चार्ज नहीं है। बस आपको क्या करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और इस वीडियो के लिंक में मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल की लिंक है जिसको आप फॉलो कर सकते हो। वहां पे 30 क्वेश्चन डेली आपको प्रैक्टिस करवाता हूं विद सॉल्यूशन और रोजाना शाम को 3 बजे मैं फुल लेंथ टेस्ट कंडक्ट करवा रहा हूं, तो यू कैन प्रैक्टिस फुल लेंथ टेस्ट अलोंग विद मी। ओके और सारी क्वेश्चन के बाद मैं क्वेश्चन को डिस्कस करता हूं कि आपको कहां पे गलत हो रहा है, क्या मिस्टेक्स हो रही है, क्या आपको शॉर्ट ट्रिक्स ध्यान रखना चाहिए, क्या आपको इंप्रूवमेंट करना चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग आई विल डिस्कस। ओके सो ये भी आप अटेंड कर सकते हैं, रोजाना 3 PM से होता है अनअकैडमी ऐप पर। आपको अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना है और जो भी फ्री कोर्स है अगर आप उसको अनलॉक करना चाहते हैं तब आपसे एक अनलॉक कोड मांगा जाएगा, वहां पे आपको कुलदीप वन कोड अप्लाई कर देना, देन डेफिनेटली यू गेट यहाँ पे सारी चीजें हो जाएगा। ओके चलिए तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर कीप सपोर्टिंग अस। ओके
सो अनअकैडमी कॉम्बैट की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे 26 जनवरी को 6 PM पे अनअकैडमी कॉम्बैट का इवेंट हो रहा है, जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, दैट विल हेल्प यू अलॉट। ओके दोस्तों, अभी अगर आप देखोगे बैच ए जो है उसका बैच स्टार्ट हुआ है, न्यू बैच है, बैच बी का नया बैच स्टार्ट हुआ है, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे वेरायटी ऑफ बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं जो कि प्रीवियसली हाईली एक्सपीरियंस फैकल्टीज के द्वारा है, तो इनमें से आप किसी भी फैकल्टीज से अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। ओके अगर आप कोचिंग करते हो तो ओके अगर आपका एम है कि सर मुझे कोचिंग करना है, काफी सारे स्टूडेंट का एम होता है, अदरवाइज यूट्यूब पे सारा कंटेंट फ्री होता है, लाइक मेरी जो क्लास है वो आपको सब फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, स्पेशल क्लास भी मेरी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। तो अगर आपको कोचिंग करना है कि सर मुझे कोचिंग करना है, देन यू कैन प्रिफर इट। ओके एंड 6 मंथ 12 मंथ 18 मंथ ये सारे जो प्लान है आप इनमें से कोई भी प्रेफर कर सकते हो। कुलदीपन कोड का यूज करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट अवेल हो जाएगा, इनमें से आप कोई भी प्लान अवेल कर सकते हो अगर आपको आगे जाके तैयारी करना है या डिटेल में पूरा कोर्स कंप्लीट करना है। ओके सिमिलरली दोस्तों, प्लस पे आपको डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है, जो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। एंड इंडिया के टॉप एडुकेटर से आप क्वालिटी कंटेंट पढ़ सकते हैं, दैट विल हेल्प यू अलॉट। ओके चलिए, सो गाइज डेफिनेटली काफी ज्यादा चीजें आपको बेनिफिट मिलती है। आइकोनिक में कोच मिलते हैं जो आपको गाइड करते हैं, आप उनसे डिटेल गाइडेंस ले सकते हैं, डेली आप उनसे असिस्टेंस ले सकते हैं। ओके चलिए, सो दोस्तों आज हम पूरा कवर करने वाले हैं कंप्यूटर एडेड ड्राइंग। अब हम केवल कंटेंट पे फोकस करेंगे, तो कंप्यूटर एडेड ड्राइंग के जितने भी टॉपिक है, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग के जितने भी टॉपिक है, ओके एनसी सीएनसी के बारे में पढ़ेंगे, उनकी प्रोग्रामिंग को भी सीखेंगे, प्रोग्रामिंग विज आल्सो इम्पोर्टेंट। ओके वेरियस कोड वगैरह होते हैं जो आपको पूछ लिए जाते हैं, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग जो नया टॉपिक एड हुआ है इसको भी हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो ये सारा का सारा जो कंटेंट है आज एक सिंगल वीडियो में आएगा, यू कैन डेफिनेटली कंप्लीट योर सिलेबस विद दिस पार्ट, दैट विल हेल्प यू अलॉट। ओके काफी ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल साबित रहेगा और आप इससे अपना पूरा कंप्लीट सिलेबस कर सकते हैं। ओके तो जिन स्टूडेंट ने एक बार भी कैड गेम नहीं पढ़ा है, ये वीडियो उनके लिए भी बेनिफिशियल है, बिकॉज मैं आपको क्वेश्चन भी करवाने वाला हूँ आज और आपको काफी सारी चीजें सिखाने वाला भी हूँ। ओके सो जो स्टूडेंट एक बार भी नहीं पढ़े वो भी कवर कर सकते हैं, जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ रखा है उनका काफी अच्छा रिविजन हो जाएगा। एंड जो शॉर्ट नोट्स है दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो में जो भी है वो आपको लीड गेट पे मिल जाएंगे। बाकी सिमिलरली मैंने प्रोडक्शन के सारे टॉपिक कवर कर दिए, प्रोडक्शन के जितने भी सब्जेक्ट है आपको सारे कंप्लीटेड है, थर्मल ब्रांच के जितने भी सब्जेक्टेड है, थर्मल जितने भी सब्जेक्ट है थर्मल ब्रांच, थर्मल के लाइक आप देखेंगे हीट ट्रांसफर, थर्मोडायनेमिक्स, पावर प्लांट, आरएसी, आईसी इंजन, ये सारे मैंने कंप्लीट कर दिए। आपको उस सब्जेक्ट का नाम डालना है, यूट्यूब पे डालना है थर्मोडायनेमिक्स बाय कुलदीप सिंह राठौड़ AR29, आपको वीडियोज मिल जाएंगे। 2-3 आवर्स में मैंने सारा रिविजन करवा दिया है। एंड शॉर्ट नोट जो है वो लीड गेट टेलीग्राम चैनल पे आप जाएंगे, वहां पे गूगल ड्राइव लिंक मिलेगी, उसमें से आप सारे नोट डाउनलोड कर सकते हो। ओके चलिए, तो कैड गेम का डिटेल सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा, ईच एंड एवरी टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा, डू नॉट वरी फॉर दैट। ओके एवरीथिंग विल बी कवर्ड। ओके चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ेंगे, आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं पूरी एनर्जी के साथ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। जैसा कि आपको सबको पता है कि कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग जो है वहीं से हमारा बेसिक शुरू होता है। इसके बाद हम कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग को जैसे ही कवर करेंगे, आपको नोट्स बनाने की नीड नहीं है, मैं साथ में आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, BLU वगैरह सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, जी कोड, एम कोड, सारे हम देखने वाले। देन ट्रांसफॉर्मेशन के काफी सारे क्वेश्चन जो आए हुए हैं ऑलरेडी, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। एंड देन लास्ट में हम एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग को कवर करेंगे। सो अप्रोक्सीमेटली 2-3 आवर्स के आसपास का लेक्चर होगा, 2 hours 30 minutes के आसपास, जिसमें हम सारे टॉपिक कवर कर देंगे। ओके चलिए तो गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, व्हाट इज द कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। एक्चुअली मैं पुराने टाइम में क्या हुआ करता था कि जो भी लेथ मशीन वगैरह थी, जो भी हमारी मशीन थी, वो मैन्युअली काम होता था उस पर। तो उसकी वजह से क्या होता था कि कोई भी अगर मशीन मैन्युअली काम कर रही है तो उसकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं आएगी, उसकी स्पीड अच्छी नहीं आएगी। ओके यू गाइस नो अबाउट इट कि अगर कोई भी जो मशीन है अगर उसको हम मैन्युअली काम करेंगे तो हो सकता है उसकी इतनी अच्छी एक्यूरेसी नहीं आए, इतना अच्छा उसका प्रिसीजन नहीं आए, क्योंकि उसमें ह्यूमन एरर आने के बहुत ही ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। ओके तो ह्यूमन एरर आने के बहुत ही ज्यादा चांसेस हो जाते हैं, दैट्स व्हाई हमें कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग की नीड हुई। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि दुनिया का जो सबसे पहला कंप्यूटर था वो एक मैकेनिकल इंजीनियर ने बनाया था, एक मैकेनिकल इंजीनियर ने ही सबसे पहले कंप्यूटर डिजाइन किया था। और उस कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग की अगर हम बात करें दोस्तों, तो वहां पे जो भी कंप्यूटर है वहां पे आपको क्या करना है, वहां भी क्या करना है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग में, उसमें उसने क्यों बनाया, क्योंकि उसने चाहा कि सेम टाइप का एक ही ऑपरेशन को बार बार एक इंसान कर रहा है। लाइक हमने देखा होगा कि एक दूध पैकिंग, मिल्क पैकिंग इंडस्ट्रीज है, अब उसमें रोजाना एक ही काम करना है, मिल्क के पैकेट को पैक करना है। तो उसने ऐसा सोचा कि क्या इस चीज को ऑटोमेशन कर सकते हैं, क्या ये जो प्रोसेस है इसको ऑटोमेशन कर सकते हैं। सो उसने क्या किया कि उसने ऐसा एक कोडिंग करना शुरू किया और उसने सोचा कि चलिए मैं एक ऐसा प्रोग्राम बनाता हूं या फिर एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर ऐसी मशीन बनाता हूं जो क्या करेगी, कंप्यूटर से कंट्रोल होगी। ओके सो दैट्स व्हाई जो डेली वर्क है वो स्मूथ हो जाए और हम ह्यूमन जो है उनकी लाइफ को ईज कर सके।
तो दैट्स व्हाई वी विल स्टार्टेड द कंप्यूटर मैकेनिकल इंजीनियर ने कंप्यूटर बनाया एंड देन उस कंप्यूटर में बहुत ज्यादा ग्रोथ हुई और एक कंप्यूटर इंजीनियरिंग की अलग ही ब्रांच बन गई. ओके तो दोस्तों इसीलिए हम इसी को पढ़ेंगे. कंप्यूटर आपको प्राउड फील होना चाहिए कि दुनिया का पहला कंप्यूटर मैकेनिकल इंजीनियर ने बनाया था. ओके एंड अब इसके बाद दोस्तों अपने सिलेबस में आते हैं. ये तो आपका एक ओवरव्यू हो गया कि कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग होती क्या है. तो दोस्तों जो भी हमारा मैन्युफैक्चरिंग है अगर हम उसमें कंप्यूटर का यूज करके हम स्मूथनेस एक्यूरेसी ये सब इंप्रूव कर दें या फिर जो हमारा ऑपरेशन है उसको काफी ज्यादा अच्छे से कवर कर दे. ओके जो भी ऑपरेशन है उसको काफी एक्यूरेसी और प्रिसीजन के साथ कवर करे विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स देन दैट विल बी कॉल्ड कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग. ओके तो इसमें पहला टॉपिक आपका आएगा एनसीएनसी मशीन. What is the NC and CNC machine? The NC machine will be counted as a numerical control machine. What is the NC machine? देखिए दोस्तों एक चीज मैं आपको बताने वाला हूँ इस मैराथन सेशन के बाद में आपको कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग जो आपके ट्रांसलेशन वाली जो जो भी प्रॉब्लम होती है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग जो छोटे छोटे टॉपिक से सारे के आपका एक भी क्वेश्चन नहीं अटकेगा बिकॉज इन टॉपिक को इतना ही पढ़ना होता है और इसमें से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन कवर हो जाएंगे. ओके सो बी पेशेंस एंड डेफिनेटली दिस लेक्चर विल हेल्प यू अलॉट. ओके सो वन बाय वन वी विल कवर इट ईच एंड एवरीथिंग. फर्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों एनसी मशीन की, एनसी मशीन क्या होती है? न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन. ओके इसका फुल फॉर्म आपको बताना चाहिए. इसमें क्या होगा कि जो भी आप प्रोग्राम दोगे ना वो एक लिमिटेड फंक्शन होता है जो कि पंच टेप से कवर किया जाता था. इनिशियली क्या था कि कोई ऐसा नहीं होता था कि हम प्रोग्रामिंग कोड की फॉर्म में करें. पंच टेप एक हुआ करती थी, उस पंच टेप में हम वेराइटी ऑफ होल्स कर दिया करते थे. उन होल्स को जो मशीन थी वो रीड करती थी और उन हर एक होल्स का एक अलग मतलब होता था कि इस होल का मतलब है मुझे ये प्रोसेस करना है, इस होल का मतलब है मुझे ये प्रोसेस करना है. तो जो पंच टेप होती थी उस पर वेरियस पंच किए जाते थे, उस पंच के हिसाब से जो एनसी मशीन है वो काम किया करती थी. ओके तो हम क्या करते थे, वन टाइम पंच कर लेते थे और एक पंच टेप प्रिपेयर कर लेते थे. देन हम डायरेक्टली जब भी कोई मशीन में हमें प्रोडक्ट बनाना है हम उस पंच टेप को लगा दिया करते थे तो ऑटोमेटिकली मशीन वो सेम प्रोसीजर को रिपीट करने लग जाती थी. तो दैट विल बी कॉल्ड अ न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन. ओके अब इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, इससे भी क्या हुआ कि हमें बार बार पंच टेप बनाना पड़ेगा और एक बार हमारी पंच टेप बन गई. आप एक बात समझिए कि आप एक बार आपने पंच कर दिया तो उसको रिमूव नहीं कर सकते. तो हमने क्या किया, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल को अंदर लेके आए. कंप्यूटर न्यूमेरिकल का मतलब क्या है कि मान लो कोई एरर भी आ गया तो हम उसको रिमूव कर सकते हैं. ओके मान लीजिए आपने कोई एरर भी आ गया तो उसको हम रिमूव कर सकते हैं, इजीली हम उसको रिमूव कर सकते हैं. ओके तो कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल को हम अंदर लेके आए और कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल में क्या हुआ कि कंप्यूटर के अंदर हम सारी की सारी प्रोग्रामिंग को बना के रखने लग गए. ईच एंड एवरी प्रोग्रामिंग जो हमारी होती है उसको कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल में हम बना के रखने लग गए. और जैसे ही हमने कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल का यूज करना शुरू किया हमारी जो हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन इतना ज्यादा फास्ट ग्रो किया. जो आप लास्ट का जो एरा देखोगे जब से आप पैदा हुए हो तब से लेके अभी तक का जो एरा देखोगे कंप्यूटर का, जैसे ही इन मशीनों वगैरह में यूज हुआ इतने सारे आप जो देखते हो मोबाइल देखते हो फोन देखते हो लैपटॉप देखते हो, लेकिन अगर आप किसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जाओगे वहां पे देखिएगा आप इतना ज्यादा ऑटोमेशन होता है. व्हाई? बिकॉज द कंप्यूटर जो है उसने पूरा कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल से सारे प्रोडक्ट आने लग गए और उसने पूरे जो युग है उसको ही चेंज कर दिया. तो दोस्तों इसमें आपका क्या होगा, इसमें आप कंप्यूटर के द्वारा प्रोग्रामिंग करना शुरू कर दोगे. यू विल इक्विपाइड द कंप्यूटर विद द प्रोसेस. ओके आपने एक प्रोसीजर से लगा दिया है, उस प्रोसीजर में आपने प्रोग्रामिंग कर दी, उस प्रोग्रामिंग को वो प्रोसीजर जो होते हैं वो अंडरस्टैंड करके उसके हिसाब से मशीनिंग ऑपरेशन करना शुरू कर देते हैं. ओके तो डेफिनेटली दैट विल हेल्प यू लोट, आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा. दोस्तों पूरा मैं आपको एक ही वीडियो में सारे टॉपिक कवर करूंगा और काफी इंटरेस्ट के साथ आप पढ़ोगे. ओके अब देखिए अगर हम बात करें दोस्तों जो सीएनसी मशीन है उसने एनसी मशीन से क्या इंप्रूव किया, बिकॉज एनसी मशीन भी ऐसे ही काम किया करती थी, वो बस पंच टेप पे करती थी. जो सीएनसी मशीन है वो किस पे करती है, प्रोसीजर या प्रोग्राम पे करती है. ओके क्योंकि कंप्यूटर के थ्रू होता है. तो अब हमें क्या, हमने क्या देखा कि जो सीएनसी मशीन है उसमें कुछ और भी ज्यादा चीजें आ जाती है. वो क्या है, इनहेंसमेंट हुए थे कुछ ना कुछ सीएनसी मशीन में. वो कौन से थे, पहला था आपका कैनेट साइकिल, दूसरा आपका था सब प्रोग्रामिंग, तीसरा था आपका कटर कंपनसेशन, चौथा आपका था वर्क कोऑर्डिनेशन, एंड देन जो फोर्थ वन इज कोऑर्डिनेट सिस्टम रोटेशन, बी स्प्लाइन इंटरपोलेशन, चैम्फरिंग एंड ऑटोमेटिक कॉर्नर राउंडिंग. ओके तो देखिए जो सीएनसी मशीन में हमने कंप्यूटर का यूज किया तो उसमें ऑटोमेटिक कॉर्नर राउंडिंग जो है वो होने लग गई थी. ऑटोमेटिक कॉर्नर पे राउंडिंग प्रोसीजर होने लग गया था. चैम्फरिंग जो प्रोसीजर हमारा होता है आपने देखा होगा, डायमंड शेप पैटर्न हम देखते हैं. 2019 के सेट 2 में ये क्वेश्चन आया था, व्हाट इज नर्लिंग. ओके ऐसे चैम्फरिंग का आपको क्या पता होना चाहिए, चैम्फरिंग का जो प्रोसीजर है वो होने लग गया था. इसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम रोटेशन आपके आए थे, आगे हम डिटेल में देखेंगे इन सभी चीजों को. कटर जो होता है उसमें कंपनसेशन को ये ऐड कर लेता था. सब प्रोग्रामिंग इसमें पॉसिबल थी.
ओके एंड वर्क कोऑर्डिनेशन भी आपको पॉसिबल थी. ओके सो ये डेफिनेटली यू नीड टू नो अबाउट इट ईच एंड एवरीथिंग. ऑटोमेटिक कॉर्नर राउंडिंग भी आपको वहां पे पॉसिबल थी. तो लाइक दैट अगर हम इस प्रोसीजर को देखें दोस्तों, जो कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग है इसमें हमें सबसे पहले एनसी मशीन को समझने की नीड हुई, फिर हमें सीएनसी मशीन को समझने की नीड हुई. अब हम इसको करेंगे कैसे? लाइक जैसे कंप्यूटर हमारा आ चुका है, कंप्यूटर में हमने क्या किया, ब्लॉक डायग्राम ऑफ सीएनसी मशीन टूल अगर हमने देखा है उसमें हमने अपना प्रोग्राम बनाया जिसमें हमने सारा प्रोसीजर लिख दिया कि इसमें ऐसे ये वाला पर्टिकुलर इतना मूवमेंट होना चाहिए, इस वाले पे इतना मूवमेंट होना चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग हमने अच्छे से वहां पर डिस्कस कर दिए. ओके ईच एंड एवरीथिंग हमने क्या कर दिया, अच्छे से वहां पर डिस्कस कर दिया. उसको फिर अगर हम आगे देखेंगे दोस्तों, गुड इवनिंग एवरीवन, देखिए काफी अच्छे से हम पूरा कवर करने वाले हैं सीएनसी एनसी और मशीन. ओके यू इट विल बी द बेस्ट लेक्चर और आपको सिंगल वीडियो में सारा कंप्लीट मिल जाएगा. ओके तो कंप्यूटर क्या होता है आपका, कंप्यूटर के अंदर हमने कोई भी प्रोग्रामिंग किया, अब वो क्या करेगा, आप उसका क्या करोगे, रैम में डालोगे या फिर जो डिस्प्ले मॉनिटर आपके सामने है उसमें वो प्रोग्राम दिखेगा. उस डिस्प्ले मॉनिटर से आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि जो आपका ऑपरेशन चल रहा है क्या सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, या उस ऑपरेशन में कोई फॉल्ट है क्या, ये सारी चीजें आपको ऑब्जर्वेशन हो रही होगी. ओके देन अगर आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो मशीन टूल के अंदर क्या होगा, वो आपका जो प्रोग्राम है वो फीड होगा. वॉट एवर प्रोग्राम यू मेड, आपने कोई भी प्रोग्राम किया, प्रोग्रामिंग का कोड भी मैं बताऊंगा, प्रोग्राम बनता कैसे वो भी बताऊंगा क्योंकि गेट में आते हैं ये क्वेश्चन. ओके अभी मैं आपको ये वाली चीजें भी करवाऊंगा जब मैं एनसी सीएनसी मशीन करवाऊंगा तो उसमें मैं आपको प्रोग्रामिंग कोड भी सिखाने वाला हूँ. ओके और आपको इतने अच्छे अच्छे शॉर्ट ट्रिक्स सिखाऊंगा कि आपको याद भी हो जाएंगे सारे. ओके तो जो भी आपने प्रोग्राम बनाया दोस्तों उस प्रोग्राम को क्या करोगे, आप किसी भी मशीन टूल के अंदर फीड कर दोगे. जैसे ही आपने किसी भी मशीन टूल के अंदर उस प्रोग्राम को फीड किया, दैट मशीन विल बी ऑपरेट, वो स्टार्ट करेगी अपना ऑपरेशन करना उस कोड को समझ के. वो मशीन जो है वो फेमिलियर है उस कोडिंग लैंग्वेज से, उसको पता है कि अगर ये कोड मेरे पास आया है, रेम क्या करेगी, उसको कन्वर्ट कर देगी वेरियस इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट कर देगी या फिर वेरियस इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में कवर कर देगी. तो उससे क्या होगा, मशीन उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल को समझ के और उस वेरियस सिग्नल को समझ के अपना ऑपरेशन स्टार्ट करेगी और देन आपका कंट्रोल लूप होगा जो क्या करेगा कि आप चेक करते जाओगे, फीडबैक लूप चलता जाएगा. मतलब मान लीजिए जो ऑपरेशन चल रहा है क्या वो सही से हो रहा है या रुक गया बीच में. ओके ईच एंड एवरीथिंग वी विल ऑब्जर्व. ओके तो क्या अभी तक सबको क्लियर हुआ माइंड में व्हाट इज एनसी एंड सीएनसी मशीन? थ्योरेटिकल पार्ट था इसलिए मैंने ज्यादा फास्ट करवाया है क्योंकि आपको केवल इसमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, रेदर देन दिस इसमें क्वेश्चन थ्योरेटिकल आ सकता है, अदरवाइज ज्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसमें नहीं बनेगा. क्या ईच एंड एवरीथिंग यू एंजॉय गाइज? आपको समझ में आ रहा है ईच एंड एवरीथिंग? सारे पॉइंट आपको क्लियर हुए? सभी स्टूडेंट को सारे पॉइंट क्लियर हो गए? चलिए तो मैक्सिमम स्टूडेंट को सारे पॉइंट क्लियर है, आई होप सभी लोगों को समझ में आ रहा है. चलिए क्या बात है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आ गया, ग्रेट गोइंग गाइस, क्या बात है, मजा आ रहा है. ठीक है चलिए आगे बढ़े. आगे हम देखेंगे दोस्तों एनसी भी आ गया, सीएनसी भी आ गया, उसके बाद अगला क्या आता है आपका, डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल. डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल आपका आया. ठीक है या इंजीनियर जी बाद में मैं आसानी से चलूंगा. ओके सर केड वर्क स्टेशन और ग्राफिक्स करोगे? डेफिनेटली सारे टॉपिक कवर करेंगे आज हम. ठीक है डू नॉट वरी, जो भी आपके सिलेबस में सारा कवर करेंगे, ज्योमेट्रिक मॉडलिंग ईच एंड एवरीथिंग वी विल ऑब्जर्व, डू नॉट वरी. ओके जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसको मैं फास्ट करूंगा, जो आपके न्यूमेरिकल आएंगे या फिर जो कॉन्सेप्ट आएंगे जिनमें क्वेश्चन आते हैं उसको मैं थोड़ा इजी थोड़ा स्लो करूंगा. ओके डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल आपका क्या होता है? डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल आपकी एक ऐसी मशीन है जिसमें अगर आप यूज करते हो सेंट्रल कंप्यूटर टू कंट्रोल सर्वाइवल मशीन एट ए सेम टाइम. तो डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल क्या है कि एक मान लीजिए आपने एक कंप्यूटर एक मशीन बनाई, फिर आपने एक और मशीन बनाई, तो डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल एक ऐसा मशीन था जो क्या कर रहा था कि सारी की सारी मशीन को सेम टाइम पे क्या कर सकता है, ऑब्जर्व कर सकता है. तो एक ऐसा कंप्यूटर है जितनी भी उसमें मशीनें काम कर रही है उन सबको कंट्रोल कर सकता है. ओके जैसे मान लीजिए आपकी क्लास है उसमें एक टीचर है, फिर दूसरी क्लास है उसमें भी एक टीचर है, लेकिन उन सभी टीचर के ऊपर क्या होता है, एक प्रिंसिपल होता है. ओके तो सभी टीचर के ऊपर क्या होता है, एक प्रिंसिपल होता है. तो लाइक दैट अगर जो जितने भी कंप्यूटर है जितनी भी मशीन है उसके ऊपर कौन होगा, एक सेंट्रल कंप्यूटर होगा जो सारी मशीनों के काम को ऑब्जर्व करेगा. ओके सारी मशीनें के काम को क्या करेगा, वो ऑब्जर्व करेगा. तो सभी मशीनों के ऊपर एक ऐसा कंप्यूटर होगा जो सारी मशीनों के काम को क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा. ओके आप देखेंगे कंपोनेंट क्या होंगे, जो आपका डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन है उसमें वेराइटी ऑफ कंपोनेंट्स क्या है. पहला आपका आएगा सेंट्रल कंप्यूटर, दूसरा आएगा आपका बल्क मेमोरी फॉर स्टोरिंग प्रोग्राम,
कम्युनिकेशन नेटवर्क एंड सीएनसी मशीन। इट मींस जो भी आपका कंपोनेंट होगा डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल में, एक सेंट्रल कंप्यूटर होगा जो बाकी सारे कंप्यूटर को क्या करेगा, मैनेज करेगा। एक सेंट्रल कंप्यूटर क्या करेगा, बाकी जितने भी कंप्यूटर होंगे उनको मैनेज करेगा। ओके, उनको वो मैनेज करेगा। अगला क्या आएगा, बल्क मेमोरी फॉर स्टोरिंग प्रोग्राम। अगला क्या आएगा आपका, बल्क मेमोरी फॉर स्टोरिंग प्रोग्राम। ओके, तो अगला हमारा पॉइंट कौन सा आएगा, बल्क मेमोरी फॉर स्टोरिंग प्रोग्राम। ओके, तो बल्क मेमोरी मतलब एक ऐसा मेमोरी का स्टोरेज होगा जिसमें जितने भी प्रोग्रामिंग है, जितने भी कोड है, सारे के सारे क्या होंगे वहां पे स्टोर हो जाएंगे, सारे के सारे वहां क्या हो जाएंगे, स्टोर हो जाएंगे। ओके, अब आपका आएगा मशीनिंग सेंटर। व्हाट इज द मशीनिंग सेंटर, मशीनिंग सेंटर आपका क्या होता है, ये भी आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। कई बार मेज द कॉलम क्वेश्चन आ जाते हैं। ये सारे नोट्स आपको लीड के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। मैंने पूरा प्रोडक्शन कवर कर दिया सेम तरीके से, पूरा मशीन डिजाइन थर्मल सारे टॉपिक सब आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। आफ्टर दिस वीडियो लेक्चर मैं आपको वहां पे प्रोवाइड कर दूंगा, लीड के टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, तो अगर हम बात करें दोस्तों, जितने भी सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट चाहिए सब आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। कंसिस्ट ऑफ सिंगल बट समटाइम टू मशीन टूल्स विद स्पेसिफिक फीचर ऑफ ऑटोमेटिक टूल चेंजर एंड केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग नंबर ऑफ ऑपरेशन। तो मशीनिंग सेंटर आपका क्या होता है, एक ऐसा कंसिस्ट ऑफ सिंगल बट समटाइम टू मशीन, या तो कोई एक मशीन को मिक्सचर होगा मशीनिंग सेंटर, या फिर कोई दो मशीन से मिलके बना होगा। ठीक है, उसमें क्या होता है, इसमें ऑटोमेटिक टूल चेंजर लगे होंगे जो टूल को ऑटोमेटिक चेंज कर देंगे। बार बार इंसान जाके थोड़ी चेंज करेगा, मशीन ऑटोमेटिकली टूल चेंज कर लेगी जो इसको ऑपरेशन चाहिए। ओके, और आप नंबर ऑफ वेरायटी ऑफ ऑपरेशन कर सकते हैं। अगर आप लेथ मशीन को देखो तो लेथ मशीन पे आप टर्निंग भी कर सकते हो, टेपर टर्निंग भी कर सकते हो, लेथ मशीन पे आप थ्रेडिंग भी कर सकते हो, बोरिंग भी कर सकते हो, तो वेरायटी ऑफ ऑपरेशन पॉसिबल है। इट मीन्स आप उसको भी एक मशीन सेंटर का नाम दे सकते हो, लेकिन वो ऑटोमेटिक नहीं है। अगर आपकी कंप्यूटर न्यूमेरिकल जो सीएनसी मशीन होती है वो ऑटोमेटिक होती है। ओके, TPMG, आई विल अपलोड ऑल द PDF, डू नॉट वरी। आपको सारे PDF, सारे स्टोरेज मिल जाएगा, डू नॉट वरी फॉर दैट, डू नॉट वरी। ओके, एंड अगला आपका आएगा मशीनिंग सेंटर क्या करता है, मेजर एडवांटेज इज दैट द जॉब न्यूड डैम्पिंग इन वर्क होल्डिंग सरफेस ओनली वंस द मशीन देन परफॉर्म वेरायटी ऑफ मशीनिंग ऑपरेशन ऑन ऑल द जॉब फेसेस एक्सपेक्टेड द बेस। क्या होता है, इस मशीनिंग सेंटर आपका एक ऐसा सेंटर होता है जिसमें आपने किसी भी मशीन को रख दिया, उसके बाद में उस पर जितने भी ऑपरेशन होते हैं सारे के सारे ऑपरेशन कौन करेगा, अपने आप टूल चेंज होंगे, सारा करेगा। बस एक बार फिक्स करना एक इंसान का काम है, ह्यूमन का काम है, उसके बाद सारा काम वो मशीनिंग सेंटर पे ऑटोमेटिक टूल चेंज हो जाएंगे, सारा जो जो ऑपरेशन करना है ऑटोमेटिकली परफॉर्म होगा, और दैट विल बी द मेजर एडवांटेज ऑफ द कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन। ओके, सो आई होप आप सभी स्टूडेंट को फर्स्ट वाला पेज बिल्कुल क्लियर हो गया है। अब हम चलेंगे स्टेपर मोटर में। दोस्तों यहां से आपको बिल्कुल स्लोली समझना है, बहुत ही ज्यादा गेट में क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक में से। आपने वेरायटी ऑफ क्वेश्चन देखेंगे BLU वाले, ठीक है, स्टेपर मोटर BLU, ये सारे क्वेश्चन आपने वेरायटी ऑफ देखेंगे। पिच पूछा जाता है कई बार BLU पूछा जाता है। तो आई विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग दोस्तों, और आपको काफी ज्यादा शॉर्ट ट्रिक्स भी मैं सिखाने वाला हूँ, आपको मजा आ जाएगा। ओके, तो इस टॉपिक में से गेट में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं अगर आप देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्टेपर मोटर। व्हाट इज द स्टेपर मोटर, स्टेपर मोटर आपका क्या है, टाइप ऑफ सिंक्रोनस मोटर विच इज डिजाइन टू रोटेट थ्रू ए स्पेसिफिक एंगल कॉल्ड स्टेप फॉर ईच इलेक्ट्रिक पल्स रिसीव फ्रॉम द कंट्रोल यूनिट। आप सिंक्रोनस मोटर की अगर बात करें दोस्तों, मान लीजिए ये आपकी सिंक्रोनस मोटर है। अब आपने क्या किया कि जैसे ही कंट्रोल यूनिट जो होगी उसके अंदर सारे सिग्नल होंगे अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम, वेरायटी ऑफ प्रोग्राम के अंदर हिसाब से क्या होगा, कंट्रोल यूनिट के अंदर सारे के सारे क्या होंगे, सिग्नल जनरेट होंगे, पल्स जनरेट होंगे। उस पल्स को क्या करेगी, ये जो मोटर है वो उसको रीड करके कितना किसी स्पेसिफिक एंगल पे मोशन करेगी, ये क्या करेगी किसी स्पेसिफिक एंगल पे रोटेट करेगी। इसको बोलते हैं जितने भी स्पेसिफिक एंगल पे रोटेट करती है इसको बोलते हैं स्टेप। ओके, तो जो भी सिंक्रोनस मोटर है उसको इस तरीके से डिजाइन किया जाता है, जब वो किसी स्पेशल एंगल से, किसी स्पेसिफिक एंगल से रोटेट करे उसको हम बोलते हैं स्टेप। और ये क्यों रोटेट कर रही है, क्योंकि कंट्रोल यूनिट से उसको कोई ना कोई इलेक्ट्रिक पल्स मिल रहा है जिस पल्स से ये स्टडी करेगी कि मुझे घूमना है। आपके माइंड ने आपके हाथ को दिया एक पल्स, उस हाथ के पल्स को आपने माइंड से जो पल्स जनरेट हुआ आपका, आपको आपके हाथ को क्या पता चला, मुझे घूमना है, मुझे मोशन करना है। ऐसे ही जो मशीन है उसको कंट्रोल यूनिट जब मोशन देगी तब उसको पता चलेगा मुझे किसी एंगल पे घूमना है। वो क्या होता है, जिस एंगल पे, किसी स्पेसिफिक एंगल पे घूमना है उसको हम बोलते हैं स्टेप्स। ओके, सो यू नीड टू नो अबाउट इट। आई होप आप सभी को ये वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे स्टेपिंग मोटर प्रोवाइड ओपन लूप, ओपन लूप पे काम करता है। जो भी स्टेपिंग मोटर होता है ये ओपन लूप पे, मतलब जब जब आपको स्टेपर मोटर बोले तो उसमें ओपन लूप ही पॉसिबल है, मतलब आप फीडबैक नहीं ले सकते कि मशीन कितना घूमी है।
तो ओपन लूप का ये डिजाइन होता है, ओपन लूप मतलब कोई फीडबैक नहीं आएगा कि आपका मशीन कितना घूमी है, बस वो उसको सिग्नल मिला, क्या पता उसने जितना चाहिए था उतना घूम गई, क्या पता उतना घूमे ही नहीं हो। ओके तो स्टेपर मोटर प्रोवाइड करती है आपको ओपन लूप ओनली, इट प्रोवाइड प्रोड्यूस इंक्रीमेंटल मोशन थ्रू इक्वल पल्स, ये आपका हमेशा ब्रेक नहीं आएगा, जैसे स्टेपर मोटर जो होती है ना एक बार आगे चली गई वापस पीछे नहीं आएगी, हमेशा इंक्रीमेंटल मोशन देगी आपको। सर्वो मोटर पीछे भी आ सकती है, सर्वो मोटर को आप उल्टा भी घुमा सकते हो सीधा भी घुमा सकते हो, स्टेपर मोटर हमेशा आगे घूमेगी पीछे नहीं घूमेगी वापस। ओके तो मान लीजिए ये आपका कंट्रोल यूनिट है, उस कंट्रोल यूनिट में क्या लगा है, कंट्रोल यूनिट से आपका शुरू होगा, अभी मैं आपको न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा जो गेट में बहुत बार आएगा, अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 क्वेश्चन इस टॉपिक में से आते हैं गेट में ऑलरेडी। ओके थे अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 टॉपिक इस क्वेश्चन में से आते हैं अगर इफ यू ऑब्जर्व। ओके तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये आपका क्या है, पल्स ट्रेन में से जो इनपुट आ रहा है उसको हम डिफाइन करेंगे, ये आपका स्टेपिंग मोटर को डिफाइन कर रहा है, जो भी आपका स्टेपिंग मोटर है, देन ये आपका क्या वर्क हेड है, ये आपका वर्क टेबल है, ये आपका लीड स्क्रू है। ओके सो पल्स ट्रेन से क्या होगा दोस्तों, कंट्रोल यूनिट से जो भी प्रोग्रामिंग हमने की उस हिसाब से कंट्रोल यूनिट पल्स ट्रेन यूनिट इनपुट को क्या बोलेगा, बेटा सिग्नल जनरेट कर, बेटा प्लस जनरेट कर, बेटे बेटे काम नहीं चलेगा। तो कंट्रोल यूनिट पल्स को, पल्स ट्रेन इनपुट को क्या बोलेगा, पल्स बनाओ। जैसे ही पल्स ट्रेन इनपुट में पल्स बना वो कहां जाएगा, स्टेपिंग मोटर पे। स्टेपिंग मोटर को पता चलेगा कि अच्छा इतना पल्स आया है तो मुझे इतना घूमना है, इतना आगे बढ़ना है, तो वो इसी हिसाब से क्या करेगी, इस लेड स्क्रू को मोशन कर देगी। इस लेड स्क्रू के मोशन में अगर हम देखें कोई भी टूल हमने फिक्स कर दिया है और यहां पे कोई भी वर्क हेड लगा हुआ है तो आपका ऑटोमेटिकली काम हो जाएगा। ओके चलिए तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इन रोबोटिक्स दिस मोटर यूज फॉर लाइट ड्यूटी एप्लीकेशन। जो रोबोटिक्स को अगर आप देखोगे ना तो ये मोटर आप हमेशा उन चीजों में काम करते हो जब आपको लाइट ड्यूटी एप्लीकेशन करना है, मतलब हल्के फुल्के आपको मोशन चाहिए, हल्के फुल्के आपको मोशन चाहिए, उस केस में आप क्या करते हो इसको यूज करते हो स्टेपर मोटर को। मैक्सिमम हम कौन सा यूज करते हैं दोस्तों, सर्वो मोटर। मैक्सिमम कौन सा यूज करते हैं, सर्वो मोटर। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दिस सर्वो मोटर, दैट विल बी गिव यू द वेरी गुड रिजल्ट, क्योंकि ये प्रोड्यूस करती है प्रिसाइज डिग्री ऑफ रोटेशन। व्हाट इज गिव, इस विल गिव यू द प्रोड्यूस करती है प्रिसाइज डिग्री ऑफ रोटेशन, मतलब जितना आपको रोटेशन चाहिए उतना ही ये मशीन आपको करके देगी, जितना प्रिसाइज मोशन आपको चाहिए उतना ही प्रिसाइज मोशन ये आपको क्या करेगी, करके देने वाली है। ओके तो डेफिनेटली दोस्तों ये आपके लिए काफी ज्यादा एडवांटेज है, जितना मोशन आपको चाहिए ये उतना ही मोशन आपको क्या करेगी, करके देगी। ओके बोथ वेलोसिटी एंड पोजीशन आर मेंटेन। ओके तो इसमें आप वेलोसिटी भी मेंटेन रखोगे, पोजीशंस भी मेंटेन रहोगे, वेलोसिटी एंड पोजीशन दोनों की दोनों आप मेंशन कर सकते हो, मतलब आपको कौन सी पोजीशन पे लेके आना है, कौन सी वेलोसिटी, दोनों को मॉनिटर कर सकते हो आप। मॉनिटर करने से क्या फायदा होगा, अगर आप उसको मॉनिटर करोगे आप क्या फीडबैक लगा सकते हो कि जो आपने किया क्या वो सही हुआ, तो ये क्लोज लूप के अंदर काम करती है, मतलब फीडबैक लेके हम चेक कर सकते हैं कि जो मोशन हमने दिया था क्या वो मशीन लिया या नहीं। शुभम शर्मा जी बिल्कुल पढ़ने की नीड नहीं है, मैं आपको इतना प्रॉमिस कर सकता हूं कि ये लेक्चर आप देख लेना, कंप्यूटर एडेड केड केम एनसी सीएनसी प्रोग्रामिंग और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में आपको कोई कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा आप केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, कुछ क्वेश्चन मैं भी करवा रहा हूं आपको आज, इसमें क्वेश्चन भी कवर करवाऊंगा मैं आप, इसके अलावा आपका कभी नहीं पढ़ना। अभी अभी जो स्टूडेंट देखना शुरू किए हैं, फर्स्ट स्लाइड चल रहा है, सेकंड स्लाइड है, तो कंटिन्यू कर सकते हो आप यहां से। ओके अगला हम देखेंगे इनकोडर्स। व्हाट इज द इनकोडर्स, यूज टू कन्वर्ट लीनियर और रोटेशनल मोशन इन्फॉर्मेशन इंटू इलेक्ट्रिक और डिजिटल सिग्नल। मान लो कि एक जो मशीन है ये बोतल जो है वो गोल गोल घूम रही है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें रोटेशन हो रहा है। फॉर एन एग्जाम्पल मुझे कोई ये बता देगा कि जो आप बाइक चलाते हो उससे जो आपका बाइक का जो स्पीड मेजर करने वाला डिवाइस है स्पीडोमीटर, उसमें ऑटोमेटिकली कैसे आ जाता है कि इतनी बाइक इतनी स्पीड से चल रही है। वो क्या करता है, जो पहिया आपका है उस पहिए के रोटेशनल मोशन को किसमें कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिक और डिजिटल सिग्नल में। उस इलेक्ट्रिक और डिजिटल सिग्नल से क्या होगा दोस्तों, वो सिग्नल कैच करेगा और उस फीडबैक लूप से क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली बता देगा कि इतनी स्पीड से आपकी गाड़ी चल रही है। ओके तो दोस्तों इनकोडर काफी बड़ा प्ले रोल करता है जब हम फीडबैक डिवाइस के बारे में बात करें, तो इनकोडर एक ऐसा फीडबैक डिवाइस है, और अगर इसमें क्या होता है लीनियर और रोटेशनल पोजीशन की जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको वो इलेक्ट्रिक और डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है।
जितने भी सब्जेक्ट के सारे मैंने मैकेनिकल के सारे सब्जेक्ट कंप्लीट कर दिए, आपको सब्जेक्ट का नाम डालना है यूट्यूब पर, थर्मोडायनेमिक्स बाय कुलदीप सिंह राठौर, प्रोडक्शन, कास्टिंग, वेल्डिंग, जो पढ़ना है सबके नाम डालिए और इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मैं यहाँ पे आज इस लेक्चर के बाद में सारे सब्जेक्ट के नोट शेयर कर दूंगा, ऑलरेडी मैंने किए हुए हैं बट एक बार और कर दूंगा, आप लोग वहां पे जाकर डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, श्योर। चलिए अगला हम देखेंगे दोस्तों, बेसिक्स लेंथ यूनिट, व्हाट इज द बेसिक्स लेंथ यूनिट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, गेट में इसके 4 से 5 क्वेश्चन आए हुए, मिनिमम 4 to 5 क्वेश्चन इस वाले टॉपिक में से आए हुए। अगर आप देखेंगे बीएलयू, बीएलयू आपने काफी सुना होगा, बेसिक लेंथ यूनिट, ओके, 4 से 5 क्वेश्चन इसमें आए हुए, ओके, प्रतीक खंडेलवाल जी, आई विल कवर इट एज सून एज पॉसिबल, डू नॉट वरी फॉर दैट, ओके। सो व्हाट इज बेसिक लेंथ यूनिट, एन एनसी मशीन डिस्प्लेसमेंट लेंथ पर वन प्लस आउटपुट फ्रॉम मशीन इज कॉल्ड बीएलयू। अगर कोई भी एनसी मशीन है, समझना ये, अगर डेफिनेशन समझ में नहीं आया ना बहुत दिक्कत हो जाएगा, स्लोली समझना इसको। अगर कोई भी एनसी मशीन है, डिस्प्लेसमेंट पर पल्स आउटपुट फ्रॉम द मशीन इज कॉल्ड बीएलयू, क्या समझे इससे, अगर एक पल्स आ रहा है उसमें जो आपकी मशीन है उसमें कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। बीएलयू क्या होता है, बेसिक लेंथ यूनिट क्या होता है, अगर हमने उस मशीन को 1 पल्स दिया तो वो 1 पल्स में उस मशीन के अंदर कितना टोटल डिस्प्लेसमेंट आपको मिल रहा है। तो बीएलयू क्या होता है, अगर आपने कोई भी मशीन को डिस्प्लेसमेंट लेंथ पर 1 प्लस, 1 प्लस में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दैट विल बी डिफाइंड एज द बीएलयू। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है दोस्तों, और इसमें से थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं, ओके। अब हम देखेंगे दोस्तों इन सीएनसी कंप्यूटर, ईच बिट रिप्रेजेंट 1 बीएलयू। अगर किसी सीएनसी कंप्यूटर की बात करें तो दोस्तों आपने देखा होगा 4 बिट 4 बिट 5 बिट 6 बिट ऐसे देखा होगा, तो हर एक बिट का मतलब क्या होता है, 1 बीएलयू के इक्वल होता है वो, हर एक बिट। आपने बाइट्स भी देखा होगा कंप्यूटर में, काफी सारी फाइल्स वगैरह जब आप ट्रांसफर करते हो तो मेगाबाइट्स, गीगाबाइट्स ऐसे देखे होंगे, तो जो सीएनसी कंप्यूटर में 1 बिट होता है उस बिट का मतलब 1 बीएलयू है, ओके। अगर मान लो, अब मैं एक आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, इससे आप क्लियर होगा। अगर मान लीजिए 1 पल्स में के सर्वोमीटर टू रोटेट बाई 1 डिग्री, देन मान लीजिए टेक मूव बाय 0.1 डिग्री, तब बीएलयू क्या आएगा, मुझे ये बता दीजिए। क्या अगर मैं एक सर्वो मोटर जो है उसको 1 डिग्री रोटेशन कर रहा है, 1 डिग्री रोटेशन कर रहा है, उसमें भी 0.01 mm उसने डिस्प्लेसमेंट लिया। अब कई बोलेंगे सर ये आया कहां से 0.001, ये केस है, आपको निकालना भी सिखाऊंगा मैं, ओके। अभी एग्जाम्पल को देखो, क्या समझाना चाह रहा हूँ इस एग्जाम्पल से, कि मान लो कोई भी जो सीएनसी मशीन है उसमें सर्वो मीटर मान लो 1 डिग्री घूमी, उस सर्वोमीटर में 1 डिग्री घूमने से अगर जो आपका जो मोशन है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वो 0.01 mm हो रहा है, इसका मतलब 1 बीएलयू कितना होगा, 0.011 mm। इसी केस में मुझे हर एक बच्चा मुझे आंसर करके बताइएगा कि मान लीजिए कि जो आपने 1 डिग्री घुमाया उसके अंदर जो डिस्प्लेसमेंट आपको मिला 0.005 मिला, कितना मिला, 0.005 आपको mm क्या मिला, डिस्प्लेसमेंट मिला, अगर आपने 1 डिग्री क्या किया, रोटेट किया सर्वो मोटर को, तब बीएलयू क्या आएगा, कोई बताएगा मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर आने दीजिए, तब 1 बीएलयू का आंसर क्या आएगा जो मैंने पूछा आपसे, फास्ट कीजिए, ट्राई कीजिए, जल्दी से आंसर आए आपका, आई होप आप लोग मैक्सिमम लोग आंसर निकाल दे। क्या आंसर आएगा, ओके, सो डेफिनेटली उमेश जी, इंजीनियर जी, सभी ने आंसर कर दिया, 0.055 mm आएगा, मतलब 1 डिग्री के अंदर आप जितना भी डिस्प्लेसमेंट ले रहे हो वो 1 बीएलयू के इक्वल होता है। क्या ये चीज आपको समझ में आ गई, ओके, चलिए। अब दोस्तों केस फर्स्ट आपका यहां से शुरू हो रहा है, बिल्कुल पूरे जान से समझना है, मैं 3 से 4 केस कवर करवाने वाला हूं और इन केस को आप पढ़ लोगे आपका सारे क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपका अटकेगा, नोट एंड सिंगल क्वेश्चन आपका अटकेगा अगर आपने ये केस फर्स्ट पढ़ लिया। व्हाट इज द केस, मान लीजिए ये आपका स्टेपर मोटर है, ये आपका क्या है, स्टेपर मोटर है, इस स्टेपर मोटर को आप देख सकते हो, यहां से मान लो ये लीड स्क्रू लगा हुआ है जिसके ऊपर ये वर्क टेबल लगा हुआ है। अब मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, आपने इसको बोला 150 स्टेप्स, ये मोटर का आपको बता देगा 150 स्टेप की मोटर है, या फिर आपको क्वेश्चन में दे देगा कभी 250 स्टेप्स की मोटर है, या फिर कभी बोल देगा 500 स्टेप्स की मोटर है, तो ये आपको क्वेश्चन में लिखा होगा मशीन कितने, आपकी जो मशीन है वो कितने स्टेप्स की है। इट विल बी क्लियरली मेंशन ऑन योर मशीन कि जो आपकी मशीन है वो कितने स्टेप्स की मशीन है,
ओके तो यहाँ पे आपका 150 स्टेप्स की क्या होगी, मशीन होगी। तो इट इज ए 150 स्टेप मशीन स्टेपर मोटर, इट रिक्वायर एक 150 पल्स फॉर ए वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ मोटर विच इज इन टर्न रोटेट लेड स्क्रू बाय वन रोटेशन। इसका मतलब क्या है, अगर कोई मोटर 150 स्टेप की लिखी हुई है ना, इसका मतलब क्या है कि वो 150 पल्स लेगी एक रोटेशन को कंप्लीट करने के लिए। कितने लेगी, कितने रोटेशन लेगी, बताइए जल्दी से कितने रोटेशन लेगी। अगर हमें 150 स्टेप चाहिए तो कितने रोटेशन ले रही होगी वो, डेफिनेटली वो वन रोटेशन हो रही होगी। अगर मैं आपको बोलू 500 स्टेप की मोटर है तो मतलब 500 स्टेप मतलब 500 पल्स की रिक्वायरमेंट होगी एक कंप्लीट रोटेशन करने के लिए। तो इससे आपको यह पता चल जाएगा कि जो आपकी मोटर है ना वो एक रोटेशन में टोटल कितने पल्स ले रही है। इट मींस 150 स्टेप अगर क्वेश्चन में बोला है, इसका मतलब 150 पल्स है और 150 पल्स जो होता है वो वन रोटेशन के इक्वल होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे। मान लो कि जो आपकी मशीन है वो 300 स्टेप्स की मशीन है, ओके 300 स्टेप्स की मशीन है। आप ये मुझे बता दीजिए, आपको आपको 6000 पल्स चाहिए किसी ऑपरेशन को करने के लिए, 6000 पल्स चाहिए किसी ऑपरेशन को करने के लिए, कितने टोटल रोटेशन होंगे उसमें, जल्दी से आंसर बताइए। अगर 300 स्टेप की मोटर है, आपको किसी भी ऑपरेशन को कंप्लीट करने के लिए 6000 पल्सेस चाहिए, तो उस पर्टिकुलर ऑपरेशन को कंप्लीट करने में सर्वो मोटर को कितना रोटेशन करना पड़ेगा, जल्दी से आंसर बताइए। ओके चिन में होलकर जी, यू कैन टेक्स्ट मी ऑन द अकेडमी में, आपको मैसेज कर दीजिए, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। अदरवाइज टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। कितने रोटेशन होंगे जल्दी से कोई बताएगा, अगर 300 स्टेप की मोटर है, आपको किसी भी ऑपरेशन को करने के लिए 6000 पल्स चाहिए, तो आपको टोटल कितने रोटेशन मिलेंगे सर्वो मोटर के अंदर, 20 मिलेंगे ना, 300 है तो 26000 है, ये 600 नहीं है। ओके तो आई होप मैक्सिमम स्टूडेंट को ये वाला क्लियर हो गया होगा केस फर्स्ट। अब इस केस फर्स्ट से हम क्या समझना चाह रहे हैं, तो जो पी होगा ये क्या होता है, पिच ओप लीड स्क्रू। ये आपको यहां से क्वेश्चन शुरू होते हैं बहुत खतरनाक लेवल के। पी क्या होता है आपका, पिच ऑफ द लीड स्क्रू, मतलब मूवमेंट जो होगा एक पल्स में कितना होगा, क्योंकि आपकी जो सर्वो मोटर है ना दोस्तों, सर्वो मोटर जो है वो कितना रोटेट कर रही है, 1/50 इंटू पी कर लोगे आप, जितना उसका स्टेप होगा उसको 1/स्टेप करके पी से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता चल जाएगा BLU। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, चार से दो से एक दो क्वेश्चन देता हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अगर देखिए ऐसे क्वेश्चन आए हैं गेट में, देखा होगा आपने 300 स्टेप्स की मोटर है, ठीक है, एंड द पिच जो है वो आपका कितना गिवन है, पिच जो है 3 mm गिवन है, 3 mm लीड स्क्रू का पिच है, तो मुझे ये बताइए BLU कितना आएगा, मुझे ये बताइए BLU कितना आएगा, जल्दी से आंसर बता दीजिए। अभी मैं आपको एक जुगाड़ भी बताऊंगा, उस जुगाड़ से आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। अगर 300 स्टेप्स की मोटर है, इफ यू हैव ए सर्वो मोटर ऑफ ए 300 स्टेप्स एंड द पिच ऑफ द लीड स्क्रू इज 3 mm, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BLU, ट्राई टू आंसर इट। फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, केस फर्स्ट पे ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, डिफरेंट केस में बताऊंगा, ये केस फर्स्ट का क्वेश्चन है, केस फर्स्ट पे ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, कितने लेंगे टोटल BLU कितना आएगा, कोई आंसर बताएगा लाइव चैट में जल्दी से, ट्राई टू आंसर इट। ओके ट्राई टू आंसर इट, व्हाट आंसर वैल्यू वी विल गेट। अगर मान लीजिए कोई भी जो पिच है, पिच ऑफ द लीड स्क्रू अगर आपको बोला है, तो मूवमेंट टेक फॉर वन पल्स कितना आ जाएगा, 1/150 × P। ओके सो ईच एंड एवरी स्टूडेंट आई होप दे आर गेटिंग द आंसर, कितना आंसर आएगा, 0.01 mm। व्हाट वैल्यू यू गेट, 0.01 mm। ओके सो कैसे निकालेंगे, आपको पता है 300 स्टेप्स की मोटर है, सो व्हाट इज द फर्स्ट प्रोसीजर, आपको क्या करना है, जो वन है उसके नीचे आप जो भी जितने भी स्टेप्स की मोटर है 300 इसको इक्वल टू किसके इक्वल कर दोगे आप, जो भी आपका पीछे, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना मिल जाएगा, 0.01 mm। ओके तो यही इसको आपको आंसर मिल जाएगा। ओके डेफिनेटली विशाल त्यागी जी, आई एम वेरी फाइन, हाउ आर यू, आप कैसे हो। ओके चलिए सो डेफिनेटली दोस्तों काफी खतरनाक तरीके से आपको ये सीखना है,
ओके काफी खतरनाक तरीके से आपको सीखना है कि 1 BLU इज इक्वल टू कितना आएगा 1 डिवाइडेड बाय 150 इनटू पी। और आप सभी को मैं बताना चाहूंगा लीड गेट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आपको सारे सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स चाहिए, आई विल शेयर दैट। ओके लीड गेट यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां पे भी अच्छे अच्छे एजुकेटर्स के कंटेंट आते हैं, ये भी आप देख सकते हैं। ओके चलिए अब अगर हम 1 BLU की बात करें तो कितना आएगा 1 डिवाइडेड बाय 150 इनटू पी। ओके अभी मुझे ये बता दीजिए कि जो पी वाला वैल्यू अगर आप देख रहे हो इसमें एक ऑब्जर्वेशन आपको करना है, एक ऑब्जर्वेशन आपको करना है, स्टेप जो होता है उसका कोई भी यूनिट नहीं होता है, स्टेप जो होता है उसका कोई भी यूनिट नहीं होता है, वो यूनिट लेस आप उसको समझ सकते हो। तो BLU का यूनिट कितना होता है MM, BLU का यूनिट कितना होता है MM, ये बताइए BLU का कितना यूनिट होता है MM और पिच का कितना यूनिट होता है MM। तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि केवल जो फॉर्मूला है 1 BLU उसमें क्या आता है, केवल पिच आता है और 1 डिवाइडेड बाय स्टेप्स आते हैं या 1 डिवाइडेड बाय पल्स भी बोल सकते हो इसको। क्या केस फर्स्ट ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स को कवर हुआ या नहीं हुआ? देखिए दोस्तों मैं पूरा आपको उड़ा रहा हूं, सारी चीजें कंप्लीट करा रहा हूं खतरनाक तरीके से। ओके इतना फास्ट आपको केड केएम के सारे टॉपिक कोई नहीं करवाएगा। ओके एक सिंगल लेक्चर में केड केएम एनसी सीएनसी कोडिंग सारा सब कुछ कवर करूंगा। देखिए जी कोड एम कोड भी आने वाले अभी, बी पेशेंस। ओके ईच एंड एवरीथिंग वी विल कवर। क्या समझ में आया केस फर्स्ट सबको? अरे बच्चा लोग केस फर्स्ट में आग लगा दोगे नहीं लगा दोगे? थैंक यू सो मच विशाल त्यागी जी, आपका इतना अप्रिशिएशन है, आई रियली अपोलाइज कि अगर आपने इतना टाइम दे रहे हैं। ओके चलिए अगर हम देखेंगे दोस्तों केस टू, व्हाट इज द केस टू, केस टू के बारे में अगर हम देखेंगे तो स्टेपर मोटर जो होती है उसकी वैल्यू कितनी आएगी? टेबल यहाँ पे अगर आप देखोगे टेबल लगा हुआ, ये आपका क्या लीड स्क्रू, इतना डायग्राम सेम रहेगा। कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में स्टेपर मोटर की स्टेप्स ना देखे, आपको एंगल दिया होता है कि वन अल्फा स्टेप डिग्री में दे दिया कि 360 स्टेप्स की मोटर है, 60 स्टेप एंगल की मोटर है, 6 डिग्री स्टेप एंगल की मोटर है, 3 डिग्री स्टेप एंगल की मोटर है। कभी कभी क्वेश्चन में स्टेप नहीं देगा, स्टेप एंगल दे देगा डिग्री में, तो उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो। हाउ टू कन्वर्ट दिस? ओके मैं अभी बताता हूं आपको, स्टेप एंगल का मतलब क्या होता है, एंगल टर्न बाय स्टेपर मोटर व्हेन इट रिक्वायर्ड रिसीव वन पल्स। मतलब स्टेप एंगल आपका वो डिफाइन करता है कि जब एक पल्स आपने उस स्टेपर मोटर को दिया तब वो कितना एंगल उसने रोटेशन कर लिया। इट मीन्स वन पल्स इज इक्वल टू अल्फा रोटेशन ऑफ देयर मोटर, क्योंकि एक पल्स में जो जितना रोटेशन उसने कर लिया उसको हमने अल्फा बोल दिया, तो वन पल्स इज इक्वल टू अल्फा रोटेशन ऑफ मोटर। ओके वन पल्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अल्फा रोटेशन ऑफ मोटर के इक्वल हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? ईच एंड एवरी स्टूडेंट ट्राई टू आंसर इट, क्या ये हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? जल्दी से बता दीजिए क्या ये हो जाएगा या नहीं। चलिए तो आई होप सभी स्टूडेंट को ये क्लियर हो गया कि स्टेपर मोटर मींस एंगल टर्न बाय द स्टेपर मोटर व्हेन इट रिसीव वन पल्स, जब वो वन पल्स को रिसीव करेगी तब उसका कितना एंगल उसने क्या किया, रोटेट किया, कितना एंगल उसने रोटेट किया। तो मैं अभी आपको एक बात बताता हूं, अगर मैं आपसे पूछूं अब एक बात बताइए फुल रोटेशन होने के लिए कितना डिग्री रोटेट करना पड़ेगा, 360, तो 360 डिग्री का मतलब क्या है, फुल रोटेशन ऑफ ए लीड स्क्रू। लीड स्क्रू का पूरा एक रोटेशन कब कंप्लीट होगा, जब 360 डिग्री एंगल हो जाएगा। तो मान लीजिए आपको अल्फा डिग्री अगर क्वेश्चन में गिवन है तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो, कैसे, अल्फा रोटेशन मतलब 360 डिग्री, अल्फा डिवाइडेड बाय 360 आप कर दोगे तो आपको रोटेशन मिल जाएगा, कितना रोटेशन किए उस अल्फा एंगल के लिए। अभी मैं आपको बोलूं कि जो आपकी मोटर है वो आपकी कितना 3000 स्टेप एंगल की मोटर है, मैंने बोल दिया, चलो मैंने ये बोल दिया 3000 स्टेप एंगल की मोटर है, तो कितने रोटेशन करने पड़ेंगे कोई बता सकता है मुझे? अगर आपकी जो मोटर है वो 3000 स्टेप एंगल की मोटर है, मैंने स्टेप एंगल 3000 दे दिया आपको, ठीक है, तो मुझे कोई बता सकता है क्या कितना रोटेशन उसको कवर करना पड़ेगा, कितने रोटेशन उसको कवर करने पड़ेंगे कोई बता सकता है क्या मुझे? ठीक है जल्दी से बता दीजिए, अगर कोई मोटर ऐसी है जिसमें 3000 आपका क्या है स्टेप एंगल है तो उसको कितना रोटेशन कवर करना पड़ेगा आपको, अगर आप ऑब्जर्वेशन करें जल्दी से बता दीजिए कितने रोटेशन करने पड़ेंगे, अभी तक किसी का भी आंसर नहीं आया। चलिए तो जो भी डाउट है निराकर जी आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे आपको पता चलेगा कितना निराकर जी वो भी कवर करेंगे, डू नॉट वरी, गियर रेशियो का टॉपिक भी अभी आएगा, आप आगे बढ़ रहे हो, आपने पढ़ रखा है तो पेशेंस रखिए, गियर रेशियो वाले क्वेश्चन भी देखेंगे अभी, डू नॉट वरी।
ओके okay, सो क्या अगर आप यहां पे देखोगे जो स्टेप एंगल है वो कितना आएगा, स्टेप एंगल मींस एंगल टर्न बाय स्टेपर मोटर व्हेन इट रिसीव वन पल्स। ओके वन पल्स वो कब रोटेट करेगी, जब आपको क्वेश्चन में गिवन 8.33 डेफिनेटली। अगर दोस्तों यहां तक आपको सबको क्लियर है ना, तो यू आर एबल टू सोल्व ईच एंड एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन, आप हर एक टाइप का क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। हाउ, अगर मैं आपको बोलूं वन पल्स का वैल्यू कितना आएगा, अल्फा रोटेशन ऑफ मोटर के इक्वल आ रहा है। वन पल्स की वैल्यू कितनी आ रही है, अल्फा रोटेशन ऑफ मोटर के इक्वल आ रही है वन पल्स की वैल्यू। ओके एंड 360 डिग्री मतलब वन फुल रोटेशन, मतलब अल्फा डिग्री अगर आपको गिवन है तो 1/3 डिग्री रोटेशन होगा। अब मैं आपको बोलूं जो आपकी मोटर है उसमें, अब आपसे ये थोड़े पूछेगा, आपसे पूछेगा बीएलयू, मैक्सिमम क्वेश्चन में आपसे बीएलयू पूछेगा। तो जब आपका रोटेशन आ गया है तब आप क्या करोगे, जो भी आपका यहाँ पे रोटेशन आया है इसको डायरेक्टली किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, पिच से, तो आपको बीएलयू आ जाएगा। सबसे पहले जो आपको अल्फा एंगल गिवन है उसको आप रोटेशन में कवर करोगे, रोटेशन में कवर करने के लिए आपको जो भी अल्फा एंगल स्टेप एंगल की मोटर दी हुई है उसको 1/360 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर लोगे। इफ यू मल्टीप्लाई बाय 1/360 यू विल डायरेक्टली गेट हाउ मच रोटेशन विल बी गोइंग ऑन टू कंप्लीट दिस पर्टिकुलर टास्क। ओके तो यहां पे आपको अगर पिच क्वेश्चन में गिवन है तो 1 BLU आपका आ जाएगा। एक क्वेश्चन में फॉर्म कर रहा हूं, जल्दी से मुझे आंसर बताना। अगर आपकी जो मोटर है वो जो मोटर है वो 6 डिग्री स्टेप्स एंगल की मोटर है, 6 डिग्री स्टेप्स एंगल की आपकी क्या है मोटर है, 6 डिग्री स्टेप्स एंगल की मोटर है। अगर आपको गिवन है जो पिच है, पिच ऑफ द लीड स्क्रू वो कितना है, आपको दे दिया है 2 mm, पिच ऑफ लीड स्क्रू भी दे दिया आपको क्वेश्चन में 2 mm, तो मुझे ये बताइए BLU कितना आएगा। जल्दी से आंसर आना चाहिए, आग की तरह आंसर आना चाहिए। क्या आंसर आएगा, जल्दी से आंसर बता दीजिए, क्या आंसर आएगा, जल्दी से आंसर बता दीजिए, क्या आंसर आएगा, आग की तरह आंसर आना चाहिए सबका, आग की तरह। देखते हैं कितने लोग आंसर कर देते हैं। अगर यहां तक जाइए, छोटे छोटे क्वेश्चन क्वेश्चन आते ही ऐसे, वहां पे अगर डाटा लिख देगा बड़ा सा आप डर जाओगे डाटा देख के, कॉन्सेप्ट तो मैं आपको सारे कवर करवा ही रहा हूं ना, तो डाटा लिख दोगे आप जल्दी से, बताइए क्या आंसर आएगा, 0.0333। क्या मजा आ रहा है, नहीं आया, बीएलयू का क्वेश्चन आएगा उड़ा दोगे या नहीं उड़ा दोगे। देखिए सारे जो क्वेश्चन है सब में आपसे मैक्सिमम में बीएलयू ही पूछता है आपसे। तो ये जो केस फर्स्ट है केस सेकंड काफी इजी है। अगर आपको स्टेप एंगल का दिया है डायरेक्टली पिच से मल्टीप्लाई कर लो, अगर आपको स्टेप एंगल वाली के हिसाब से डाटा गिवन है तो उसको क्या करोगे 1/360 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपको मिल जाएगा रोटेशन, उस रोटेशन को पिच से मल्टीप्लाई कर लोगे मिल जाएगा बीएलयू। ओके पूरा का पूरा केड केम एनसी सीएनसी का एक क्वेश्चन अटक जाए ना दोस्तों इस लेक्चर के बाद में, आप मुझे आके बोल दीजिएगा सर मैं आपकी सर ये वाला लेक्चर मेरे क्वेश्चन अटक रहे, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा मैं। ओके अगला हम देखेंगे दोस्तों केस टू, ये मैराथन सेशन है बट इट विल हेल्प यू कंप्लीटली, कवर हो जाएगा आपका सिलेबस। ओके केस टू जो है वो आपका क्या आएगा, एग्जाम्पल इफ ए फ्रीक्वेंसी ऑफ पल्स इज 1000 हर्ट्ज। अभी का होता है कि आईआईटी वाले जो पेपर बना रहे हो तो उनको मजा नहीं आता है, ये तो बच्चा बच्चा कर देगा, केस फर्स्ट भी बच्चा कर देगा, केस सेकंड भी बच्चा कर देगा, तो केस थर्ड लेके आओ, इसमें काफी सारे बच्चे क्या करेंगे, गलती करेंगे। तो वो क्या लेके आए, उन्होंने बोला कि हर्ट्स में दो इनको, हर्ट्स में दो, तो हम डरते थोड़ी हम पढ़े हुए। अगर उसने बोला कि 1000 हर्ट्स उसकी क्या है फ्रीक्वेंसी, वो प्लस है, आपको क्या बताया 1000 हर्ट्स का मतलब क्या है, 100 पल्स प्रोड्यूस होंगे 1 सेकंड में, ये पढ़ लिया मजा ही आ गया, अरे ये पढ़ लिया मजा ही आ गया। 1000 पल्स का मतलब क्या है, 1 सेकंड में आपकी 1000 पल्स मतलब 1 सेकंड में 1000 पल्स आ रही है, अरे मजा आ गया नहीं आ गया। इसका मतलब 1 पल्स को आने में कितना टाइम लगेगा, 1/1000 सेकंड लगेगा या नहीं लगेगा, ये बता दो। कि अगर जो 1 पल्स आ रहा है, एक पल्स को आने में 1/1000 सेकंड लगेगा या नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पता है हर्ट्स होता ही क्या है, फ्रीक्वेंसी होती क्या है, 1 सेकंड में वो जो कोई भी चीज है वो कितना रिपीट हो रही है, 1 सेकंड में वो कितना रिपीट हो रही है। तो 1000 अगर हर्ट्ज दिया है फ्रीक्वेंसी और प्लस का मतलब 1 सेकंड में 1000 पल्स आ रही है, तो 1000 पल्स जब 1 सेकंड में आ रही है तो एक पल्स कितने सेकंड में आएगी, 1/1000 सेकंड। होप आर यू गाइज आर गेटिंग माई पॉइंट, आपको ये वाला चीजें क्लियर हो गई हुई, जिसको भी ये क्लियर आ गया होगा। अब मैं आपको समझाता हूं, आपसे कई बार क्वेश्चन में टेबल वेलोसिटी फीड पूछेगा, क्या पूछेगा आपसे, टेबल वेलोसिटी फीड पूछेगा। तो जो भी बीएलयू अभी तक आप निकाल रहे थे ना फर्स्ट और सेकंड मेथड में, उसमें जो भी ये टाइम आएगा उसका डिवाइड कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, आपका टेबल वेलोसिटी फीड आ जाएगा। कई बार क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है,
तो इसका मतलब अगर आपने ऑब्जर्वेशन से देखा तो एक चीज आप देखो, BLU को डायरेक्टली अगर आप फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दोगे तब भी आपको आंसर मिल जाएगा, आपको ये सब करने की नीड है ही नहीं। ओके ये आपको पढ़ने की नीड है ही नहीं, क्यों? क्योंकि देखो ससुर आप कितना ही कर लो वन सेकंड नहीं रहेगा अर्थ, ऐसा तो नहीं है। एक अर्थ में क्या होता है, 2 सेकंड लाने के लिए कितने पल्स लाने हैं, 3000 पल्स, 2 सेकंड के 3000, ऐसे तो नहीं होगा। हर्ष मतलब 1 सेकंड का ही देखेंगे तो डायरेक्टली जो BLU है, ये जो टेबल है फॉर्मुला दिख रहा है ना, ये आग लगा देना आप इससे, एक भी क्वेश्चन अटक जाए मेरे को आके बोल देना सर क्वेश्चन अटक गया ये वाला, ठीक है। टेबल वेलोसिटी फीड क्या आएगा, क्या वीडियो बफर हो रहा है क्या, जो वीडियो इज बफरिंग गाइस, क्या जो वीडियो है वो बफर हो रहा है क्या? ओके चलिए, तो अभी ये सबको आई होप सभी के माइंड में बिल्कुल परफेक्टली क्लियर हो गया है कि क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। अरे धुरंधर हो या नहीं हो, एक क्वेश्चन को उड़ा दोगे या नहीं उड़ा दोगे, अभी एक क्वेश्चन आप उड़ा के दिखाओ मुझे, मजा ही आ जाए तब। अब मैं आपको ऐसा क्वेश्चन दे रहा हूं आप हिला के रख दोगे क्वेश्चन को, कैसे क्वेश्चन है यहां पे देखना साइड में, केवल डाटा लिखूंगा मैं। क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको ये बोल दिया कि जो ससुरी जो आपका फ्रीक्वेंसी है ना हर्ट्ज की, फ्रीक्वेंसी ऑफ हर्ट्ज ये जो कितना है 2000 मैंने बोल दिया, 2000 हर्ट्ज तो क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ पल्स है, फ्रीक्वेंसी ऑफ पल्स है। मैंने आपसे 2 क्वेश्चन पूछा, गेट में देखना 2-3 क्वेश्चन आए हुए हैं, गेट में 2 से 3 क्वेश्चन आए हुए हैं। ओके तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या हुआ, जो फ्रीक्वेंसी है वो 200 हर्ट्ज से आपको गिवन है। पहला क्वेश्चन क्या है, स्टेप एंगल आपको गिवन है, स्टेप एंगल जो मोटर का है वो कितना है आपका, स्टेप एंगल है 30 डिग्री स्टेप एंगल है। ओके और आप आपको बोल दिया जो पिच है ना, पिच पिच की वैल्यू भी दे दी, पिच कितना है आपका 5 mm, पिच भी दे दी आपको 5 mm। मुझे ये बता दो टेबल वेलोसिटी फीड कितना आ जाएगा, टेबल वेलोसिटी या फिर फीड भी बोल सकते हैं, दोनों सही है। कई बार क्वेश्चन में टेबल वेलोसिटी के नाम से आएगा, कई बार फीड आएगा, दोनों का मतलब तो एक ही है, फीड मतलब आगे बढ़ना, टेबल वेलोसिटी मतलब टेबल कितना बढ़ रही है। तो जल्दी से आंसर करके बता दो इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा, पूरा मिक्स कर दिया मैंने जो भी अभी तक पढ़ाया है, जो भी अभी तक मैंने पढ़ाया है सारे कॉन्सेप्ट को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया मैंने। ट्राई टू आंसर इट एज सून एज पॉसिबल। अगर आपको स्टेप एंगल दिया है 30 डिग्री, पिच जो है वो 5 mm दिया है, तो टेबल वेलोसिटी जो आ रही है उसका क्या आंसर आएगा, जल्दी से आंसर करने की कोशिश कीजिए, जल्दी से आंसर करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्या पता है सभी स्टूडेंट सोल्व कर दें, आई होप मैक्सिमम स्टूडेंट का आंसर आ जाए। चलिए तो कितना आ रहा है, क्या 83.33 आ रहा है सबका, क्या 83.33 आ रहा है सबका, क्या 83.33 आ रहा है सबका, यूनिट क्या आएगी, एमएम पर सेकंड आएगी या मिनट आएगी, यूनिट बताओ जल्दी से। कई लोगों ने एमएम पर मिनट बोल दिया, गलत है उनका, यूनिट भी तो बोलोगे, एमएम पर सेकंड आएगी यूनिट। उमेश जी इंजीनियर जी यूनिट आपकी सही है, फ्रोजन राय जी आपकी यूनिट गलत हो गई है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो सेकंड में थी ना, तो सेकंड में है तो सेकंड में यूनिट आएगी, एमएम पर सेकंड आएगा, 833 नहीं आएगा आदर्श जी, 83.33 आएगा, 83.33 आ रहा है आई थिंक। चलिए तो आई होप यहां तक सबको क्लियर है। अब दूसरा सेम है, स्टेप एंगल की जगह आपको बोल दिया है, स्टेप एंगल वाला जो है ना इसको हटा दो, केवल सेम क्वेश्चन है, स्टेप एंगल को हटा दो। आपको मैंने इसे बोल दिया कि 500 स्टेप्स की मोटर है, मोटर के स्टेप्स कितने हैं, 500 स्टेप्स की मोटर है, मोटर के स्टेप दे दिया आपको कि जो आपकी मोटर है कितने स्टेप्स की मोटर है, 500 स्टेप्स की मोटर है, जो आपकी मोटर है कितने की है, 500 स्टेप्स की मोटर है आपकी, तो बताइए क्या आंसर आएगा। अगर 500 स्टेप्स की मोटर दे दी, सेम है बाकी डाटा सेम है, आपको फ्रीक्वेंसी भी सेम गिवन है, पल्स भी सेम गिवन है, टेबल फीड पूछा है, ठीक है। तो केवल ये स्टेप एंगल की जगह पे आप क्या कर लोगे, 500 स्टेप्स की मोटर है, जो पहला वाला मेथड सिखाया था सीधा, पिच से इसको 1/50 करके मल्टीप्लाई कर दोगे आ जाएगा आपको कितना आएगा, क्या 2 mm पर सेकंड आ रहा है सभी का आंसर, क्या सभी का आंसर 2 mm पर सेकंड आ रहा है क्या, 500 स्टेप्स की मोटर है तो अगर आप BLU निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 5/500 यानी कि 0.001। ओके अब इसको आप किससे, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आएगा, 2 mm पर सेकंड। अरे समझ में आ गया नहीं आ गया, अरे BLU के क्वेश्चन जाके कर लेना अभी गेट में जाके,
जो भी प्रीवियस में क्वेश्चन आए ना सारे लगा लेना, आपका एक गलत हो जाए तो बता देना। अरे मजा आ गया नहीं आ गया, दिमाग में बिल्कुल फिट हुआ या नहीं हुआ ये वाला कॉन्सेप्ट। चलिए अब हम देखेंगे कई बार क्वेश्चन जो होता है उसमें केस फोर, कई बार क्वेश्चन जो होता है उसमें आपको बोल दिया कि मोटर रोटेट एट एन आरपीएम, मोटर का आरपीएम दे देगा ना तो उसका स्टेप एंगल देगा। अगर मान लो उसका स्टेप एंगल ना दे आपको, मोटर का स्टेप एंगल नहीं देगा आपको, चौथा कैसे, चार टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। फोर्थ टाइप कौन सा आ गया कि अगर मोटर का ना तो पल्स दिया आपको ना स्टेप एंगल दिया, सॉरी ना तो स्टेप्स दिया ना आपको क्या दिया, स्टेप्स भी नहीं दिया और स्टेप एंगल भी नहीं दिया, दोनों नहीं दिया, आरपीएम दे दिया। तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, टेबल वेलोसिटी फीड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेबल फीड वेलोसिटी कितनी आएगी, कोई आंसर बता सकता है क्या मुझे? तो टेबल वेलोसिटी फीड की वैल्यू आएगी एन इज इक्वल टू पिच। ओके ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन में पिच तो दिया ही होगा। अब अगर मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल क्वेश्चन से समझाऊं तो यहाँ पे देखो 41 रोटेशन 200 प्लस रिक्वायर्ड, अगर एक रोटेशन आपको कराना है तो उसमें कितने पल्स रिक्वायर्ड है, 200 पल्स रिक्वायर्ड, ये क्वेश्चन में दे दिया आपसे। क्वेश्चन में बोला कि पल्स फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, पल्स की फ्रीक्वेंसी पूछ ली, क्या पता ऐसा क्वेश्चन आ जाए। अगर आप देखो एंड मोटर को ये भी रोटेशन दे दिया कि एंड मोटर रोटेट 500 आरपीएम, मतलब एक रोटेशन में 200 पल्स आपको चाहिए और मोटर जो है वो आपको 500 आरपीएम में रोटेट कर रही है, इट मींस वन मिनट में, क्योंकि ये आपका आरपीएम में कर रही है ना, ये देखो आरपीएम में कर रही है, आरपीएम में कर रही है, ठीक है। इस मींस अगर आप देखोगे एक रोटेशन में कितना मिल रहा है आपको, एक मिनट में कितना मिलना चाहिए, 500 इंटू 200 पल्स रिक्वायर्ड होगा, क्यों, क्योंकि मान लो एक एक पल्स कब प्रोड्यूस होता है, जब एक रोटेशन आपका हुआ, तो इट मीन 500 से आप 200 को मल्टीप्लाई करोगे एक मिनट में मिल जाएगा, एक सेकंड में कितना होगा 60 से डिवाइड कर लोगे तो आपको मिल जाएगा हर्ट्ज, पल्स की फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। मतलब जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि एक रोटेशन में 200 पल्स आ रहा है 500 आरपीएम पे मोटर रोटेट कर रही है, तो आपको क्या करना है, जो भी पल्स आ रहा है उसको जो आरपीएम है उससे मल्टीप्लाई कर देना, आपको मिल जाएगा पल्स रिक्वायर्ड एक मिनट में, उस पल्स में अगर आप 60 का डिवाइड कर दोगे तो एक सेकंड में जो पल्स रिक्वायर्ड आएगा वो मिल जाएगा, फ्रीक्वेंसी आपसे पूछेगा, आंसर कर दोगे। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ पल्स गवर्न टेबल स्पीड डू नॉट इफेक्ट ऑन बीएलयू, तो जो बीएलयू है उसमें कोई इफेक्ट नहीं करती फ्रीक्वेंसी, वो केवल जो टेबल का फीड है ना, टेबल को जो आप स्पीड दे रहे हो उस पे इफेक्ट करती है। क्या सबको समझ में आ गया बीएलयू वाले क्वेश्चन, क्या लगा डालोगे? अब हम चलेंगे एनसीसीएनसी मशीन, नया टॉपिक शुरू हो रहा है, जो अभी अभी देखना शुरू किए हैं अभी से कंटिन्यू कर सकते हो, एनसीसीएनसी मशीन कोडिंग में घुसने वाले हैं। ओके हमारा क्या कवर हो चुका है अभी तक, अभी तक हमने देख लिया है कि जो आपके बीएलयू वाले जो मेथड्स आते हैं ना जिसपे वेस्ट क्वेश्चन आते हैं, वो अगर आप देखो गेट के प्रीवियस में आपको 3-4 क्वेश्चन दिखेंगे इस पे। क्या क्रिस्टल क्लियर हो गया है? अगर मजा आना है ओके इसका केस भी, अगर क्वेश्चन लेना है क्या इसका केस, केस फोर्थ एक बार देखो। अगर मैंने आपको बोला कि मैंने आपको क्या बोला, एक मशीन है, मैंने आपको बोल दिया इफ द जो स्टेपर मोटर है वो 300 आरपीएम पे घूम रही है, 300 आरपीएम पे घूम रही है, मैंने आपको क्वेश्चन में बोल दिया, और एक रोटेशन में 500 पल्स आ रहे हैं, वन रोटेशन में कितने पल्स आ रहे हैं 500, तो मुझे फ्रीक्वेंसी बताओ, जल्दी से कैलकुलेट करके बता दो, आंसर आ जाएगा। जो बच्चा देख रहा है उसको क्लियरली होगा, फिर आगे बढ़ते हैं, नया सिस्टम आएगा कोऑर्डिनेट्स, एनसीसीएनसी मशीन के कोड देखने वाले, जो स्टूडेंट अभी अभी देखने आया अभी से कंटिन्यू कर लेना, बीएलयू वाला वापस बाद में देख लेना। 300 आरपीएम का मतलब क्या आएगा, 500 पल्सेस, 300 आरपीएम का क्या मतलब आएगा, 500 पल्सेस। क्या समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसका जल्दी से भर करके बताओ मुझे क्या फ्रीक्वेंसी आएगी, सबका आंसर का वेट कर रहा हूं मैं, क्या आंसर आएगा इसका जल्दी से बताइए। 250 आ रहा है कई लोगों का, क्या 250 हर्ट्ज आएगा, देखो 300 आरपीएम में 5 इसको मल्टीप्लाई कर लो आपस में, तो 300 डिवाइड इंटू 500 इसमें किसका मल्टीप्लाई कर दोगे, 60 का काट दोगे 5, कितना आ जाएगा, कितना आ रहा है, 2500 हर्ट्ज आ रहा है या नहीं आ रहा, 2500 हर्ट्ज, क्या 2500 हर्ट्ज आ रहा है क्या आंसर सभी का, तो ईच एंड एवरीबडी इज गेटिंग द 2500 आपका क्या आएगा, हर्ष आएगा। चलिए तो वीडियो पे कितने लाइक हो चुके हैं, वीडियो पे कितने लाइक हो चुके हैं, 69 लाइक हो चुके हैं, चलिए 70 हो गए, 69 लाइक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, 69 मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, या तो 70 करो या एक जना लाइक हटा लो, ठीक है। 69 इज द मैकेनिकल इंजीनियर के लिए, 69 इज डजंट मैटर,
ओके तो 69 मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए कोई इंपोर्टेंस नहीं रखता है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम देखेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब हम क्या देखेंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट सिस्टम, इस पे बेस क्वेश्चन कैसे आते हैं, वैरायटी ऑफ आपने क्वेश्चन देखे होंगे जिसमें आपको जी कोड, एम कोड और ऐसे कोडिंग सिस्टम दे रखा होता है। ये क्वेश्चन तो आपने बहुत देखा होगा, ये ग्राफिकल फॉर्म के बहुत सारे क्वेश्चन आपने देखे होंगे, इस तरीके से क्वेश्चन देखे होंगे जिसमें आपको एक डायग्राम बना के दे दिया है, फिर आपसे पूछ लिया जा रहा है कि इसका ये बताओ कि ये जो मोशन हो रहा है ये कैसे मोशन हो रहा है, क्या मोशन हो रहा है, ये आपसे पूछ लिया जाता है कई बार क्वेश्चन। ओके तो यहां पर डेफिनेटली आपको सारी नॉलेज आपको पता होनी चाहिए। तो अब अगर हम बात करें दोस्तों कोऑर्डिनेट सिस्टम्स की, क्या है कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, आपके टू टाइप के होते हैं, मैं आपको दोनों बताऊंगा। पहले आप स्पिंडल एक्सेस जो भी लोगे, मान लो कि जो भी आपका स्पिंडल जो है उसकी एक्सेस जेड एक्सेस है, आपने मान लिया, तो जेड एक्सेस की तरफ आप क्या रखोगे, मिडिल फिंगर। अबे ससुरो वो वाली मिडिल फिंगर नहीं है जो आप दिखाते हो अपने दोस्तों को, ये दूसरी मिडिल फिंगर है, कई लोग इसी को समझ रहे हैं। ओके तो यहाँ पे स्पिंडल एक्सेस क्या है, जेड एक्सेस की तरफ आप लोगे, तो जो भी आपकी मान लीजिए मिडिल फिंगर है और जो इंडेक्स फिंगर है और जो थंब है, ठीक है, इन तीनों को अगर आप मोशन करोगे तो कुछ इस तरीके से शेप बनेगा। देखो कुछ इस तरीके से शेप बन रहा है, एक डायरेक्शन मान लो इस मिडिल फिंगर को आपने जेड डायरेक्शन स्पिंडल एक्सेस दिया, तो ये इंडेक्स फिंगर होगी एक और एक होगा आपका क्या थंब, तो ये आपका राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं इसको, एक्स वाई जेड को। ओके अब हम इसको क्या ये इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद ही नहीं रखना है, याद यहां से रखना है, यहां से ही आपका गेम बजना शुरू होता है सभी स्टूडेंट का। एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट क्या होता है, ऑल पॉइंट लोकेटेड विद रेस्पेक्ट टू ओरिजन, जितने भी पॉइंट है अगर उसको ओरिजन के रेस्पेक्ट में ही देखा जा रहा है बार बार, तो आपका क्या आएगा, एब्सोल्यूट आएगा। अगर मान लो जितने भी आपको सिस्टम दिए हुए हैं वो आपके ओरिजिन से ना देख के उसके लास्ट वाला जो प्रीवियस पॉइंट है उसके रेस्पेक्ट में देखा जाता है, तब आता है इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट। कई बोल रहे हैं सर क्या बोल रहे हो, कुछ समझ नहीं आया, अभी समझा देते हैं, आप खुद मुझे निकाल के बताओगे, क्योंकि ये जब नहीं निकालना चाहोगे तो कर नहीं पाओगे क्वेश्चन। मान लो कुछ इस तरीके से ग्राफ है, इस वाले का कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने आपको दे दिया कि ये जो ये है कितना है, वन और वन है। अब मैंने एक और इसको आगे लेके चला गया यहां तक, कुछ ऐसा लेके गया, और यहाँ के जो कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर आपसे पूछूं कि एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम में मान लो ये वाला 4 है पॉइंट और ये वाला पॉइंट इस सीध में है जो 5 है, ये वाला 5 है, मान लो मैंने आपको दे दिया ये कि ये 4 पॉइंट है और ये 5 पॉइंट है, ओके यहाँ पे जिसके ये यहाँ पे लाई कर रहा है, तो एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैं इसके कोऑर्डिनेट आपसे पूछूंगा कि मुझे बताइए कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, कोई बता सकता है कमेंट सेक्शन में जल्दी से, कमेंट सेक्शन में जल्दी से कोई आंसर बता सकता है कितना आएगा, कितना आंसर आएगा कमेंट सेक्शन में, कोई जल्दी से फास्ट से मुझे आंसर बताएगा कितना आंसर आएगा, ट्राई टू आंसर एज सून एज पॉसिबल, कितना आंसर आएगा, एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर मैंने आपको बोला नहीं नहीं, अगर मान लो ये वाला कोऑर्डिनेट आपका वन और वन है, ये वन और वन है आपका एब्सोल्यूट में, ठीक है, और मैंने आपसे पूछा ये मुझे बताओ इसका यहां जो x एक्सिस है वहां पे 4 पे काट रहा है, y एक्सिस पे 5 पे काट रहा है, कितना आंसर आएगा, क्या 4 और 5 आएगा एब्सोल्यूट में, कोऑर्डिनेट तो 4 और 5 आएगा ना, फ्रिजन जी आपने भी 1 1 बता दिया, इसका नहीं पूछ रहा हूं मैं, इसका पूछ रहा हूं इसका इसका इस वाले पॉइंट का 4 और 5 आएगा या नहीं आएगा, सभी लोग बता दीजिए क्या 4 और 5 आएगा इस वाले पॉइंट का, सबको क्लियर है ना कैसे आया, क्योंकि यहां से 4 ले लोगे x एक्सिस पे, यहां से 5 ले लोगे तो इसका कोऑर्डिनेट 4 और 5 हो जाएगा। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं कि इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम में बताओ, तो अब क्या करते हो आप, इसको ओरिजिन से नहीं देखोगे, फिर आप इसको इस वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम के रेस्पेक्ट में देखोगे, यही गेम है। समझ पाए नहीं समझ पाए जो गेम है, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आपने इसको ऐसे लाइन जारी आपकी, तो अगर आपने एब्सोल्यूट का देखा तो हमेशा आप क्या ओरिजिन के रेस्पेक्ट में दोगे, बट अगर आपने इंक्रीमेंटल मॉडल देखा तो इंक्रीमेंटल मॉडल में आप किसके रेस्पेक्ट में देखने वाले हो, इंक्रीमेंटल मॉडल में किसके रेस्पेक्ट में देखोगे, जो इसका प्रीवियस पॉइंट है, तो उसमें बताइए मुझे क्या कोऑर्डिनेट आएगा जल्दी से, इंक्रीमेंटल में क्या कोऑर्डिनेट आएगा इस 4 और 5 का, कोई बता सकता है मुझे, उसमें आपका 1/1 के रेस्पेक्ट में देखेंगे अब हम, ट्राई टू आंसर इट गाइज, आप लोग करेंगे, देखिए अभी सीएनसी मशीन की कोडिंग में इंटर करने वाले बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक में से, बताइए जल्दी से। फ्रोजन रेजी आपने उल्टा लिख दिया, अच्छा सही लिखा 3 और 4 सही है, कैसे निकालोगे, जो लास्ट वाला पॉइंट है 1, इससे इस एक्स का कितना बढ़ गया, ये कितना बड़ा इससे
तीन बड़ा है ना उससे, तो एक्स का मतलब तीन कोऑर्डिनेट आएगा, वाई वाला कितना बड़ा है इससे, चार बड़ा है ना, तो नया कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, तीन और चार। मतलब जब क्वेश्चन में आपने इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम का कोड अप्लाई करोगे तब आपको थ्री और फोर कोड डालना पड़ेगा, तब मशीन आपकी यहां पे आके रुकेगी। अगर आपने वहां पे इंक्रीमेंटल का कोड अप्लाई कर दिया और गलती से आपने क्या किया कि यहां पे आप खड़े रहे, आपका माथा काट के चला जाएगा टूल, वो आपका सर उड़ा देगा टूल वो, ठीक है। अगर मान लो मिलिंग कटर कट के आ रहा है और आपने इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम का कोऑर्डिनेट डाला तो आपने एब्सोल्यूट का कोऑर्डिनेट है और कोड लगा दिया इंक्रीमेंटल का, मशीन को क्या लगेगा कि इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम में मुझे आगे जाना है, वो यहां रुकेगी नहीं, वो आगे चली जाएगी। फोर फाइव इसका, फोर फाइव यहां होगा, फिर इंक्रीमेंटल का यहां होगा फोर फाइव, कब जब ये फाइव हो जाएगा और जब ये वाला वाई एक्स वाला सिक्स हो जाएगा, मशीन आके यहां रुकेगी, यहां रुकेगी नहीं क्योंकि कोड आपने गलत लगा दिया है। इंक्रीमेंटल का कोड अलग होता है और एब्सोल्यूट का कोड बिल्कुल अलग होता है। मशीन आएगी, मिलिंग मशीन का वो गोल गोल घूमता हुआ आएगा, क्या पता आप यहाँ पे बैठे बैठे खड़े खड़े चेक कर रहे हो मशीन आके रुक रही है कि नहीं रुक रही है, पता चले गर्दन उड़ा के चली गई, ठीक है। तो इसलिए कोड जो होता है, एक कोड ने पूरा प्रोग्राम खराब कर दिया। ओके, तो डेफिनेटली दोस्तों आपको ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए एब्सोल्यूट क्या होता है। एब्सोल्यूट जब होगा जब आप ओरिजिन के रेस्पेक्ट में देखते हो, और इंक्रीमेंटल लास्ट वाले पॉइंट के रेस्पेक्ट में दिया जाता है। समझ में आया या नहीं आया? अरे सबके माइंड में फिट हो गया नहीं हो गया, ठीक है। आई होप सबके माइंड में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर फिट हो गया होगा व्हाट इज एब्सोल्यूट एंड व्हाट इज इंक्रीमेंटल। ओके, अब हम दोस्तों थोड़ा सा मैं आपको मजे दिलाता हूँ और इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन सोल्व सीएनसी के ऊपर थोड़े से। ओके, एक दो मैं न्यूमेरिकल बताऊंगा, ये गेट का क्वेश्चन है, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द गेट एग्जामिनेशन। गेट के अंदर 2016 के समथिंग आए हुए हैं दो चार क्वेश्चन एनसीसीएनसी के। ओके, तो अभी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, पहले कोड भी सिखाऊंगा, कोडिंग करते कैसे बनाते कैसे वो भी सीखूंगा मैं आपको। यहाँ पे एक दो क्वेश्चन करूंगा जिसमें देखो इस प्रोग्राम का कोड बनाया हुआ है। आई विल टोट यू कि हाउ टू मेक ए प्रोग्राम फॉर पर्टिकुलर कोड, क्योंकि कई बार गेट में आ जाता है थ्योरिटिकल क्वेश्चन में। ओके, तो अब हम देखेंगे मशीन कंट्रोल यूनिट फंक्शन। जो भी मशीन कंट्रोल यूनिट होती है वो क्या काम करती है, रीड करेगी, डिकोड करेगी द कोडेड इंस्ट्रक्शन। तो मशीन कंट्रोल यूनिट क्या करेगी, जो भी उसको उधर से मिला, कंट्रोल यूनिट ने उसको बोला ले बेटा ले, तू ले, तेरा काम शुरू हो गया है, तो मशीन कंट्रोल यूनिट बोलेगी कि आने दो आने दो, वो उसको पढ़ लेगी और उसको क्या करेगी, डिकोड कर लेगी, उसको बोलेगी अच्छा तूने मुझे ये बोला, ठीक है। जैसे मान लो कि आपने अपने दोस्त को क्या किया, आपने अपने दोस्त को कुछ उल्टा सीधा बोला, उसने उसको रीड किया, उसने कोड डिकोड किया और फिर वो क्या करेगा, एक्शन लेगा, क्या पता आपने कुछ उल्टा ही बोल दिया, उसने चाटा धर दिया आपका, तो उसने क्या किया, रीड करके डिकोड किया उसने कि अच्छा इसने ये बोला इसका मतलब ये है अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। तो मशीन कंट्रोल यूनिट भी क्या करेगी कि उसके अंदर जो उसको सिखाया गया है वो सामने वाला जब प्रोग्राम उसके अंदर आएगा वो उसको रीड करेगी, अच्छा जी कोड है, तो जी कोड है या फिर एम कोड है या फिर क्या कोड है। तो जब भी तो मैंने बोला इंक्रीमेंटल का कोऑर्डिनेट में एब्सोल्यूट लगा दोगे मशीन को नहीं पता चलेगा, उसको तो ऐसे लगेगा इंक्रीमेंटल करना है मुझे, ठीक है। तो ऐसे ही वो क्या करेगी, रीड करेगी और डिकोड कर देगी इंस्ट्रक्शन को, फिर क्या करेगी, जो भी आपने जो इंस्ट्रक्शन दिए थे उनको इंप्लीमेंट करेगी इंटरपोलेशन में और एक्सेस का मोशन को कमांड करेगी किसको, मशीन को। मशीन कंट्रोल यूनिट मशीन के जो पर्टिकुलर जितने भी पार्ट होंगे उसको कमांड देगी कि मुझे ये वाला मोशन करवाओ। ओके, ये वाला सिग्नल आया है, ये मोशन मुझे करना है। ओके, अब क्या होगा, फीड एक्सेस मोशन कमांड टू एम्पलीफायर ड्राइव एक्सेस मैकेनिज्म। तो फीड एक्सेस मोशन जो होता है वो क्या कमांड करता है एम्पलीफायर को विद रेस्पेक्ट टू ड्राइवर एक्सेस मैकेनिज्म। ओके, तो मशीन कंट्रोल यूनिट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि एक ऐसी मशीन है जो फीड एक्सेस मोशन को कमांड करती है एम्पलीफायर को कि आपको यही एक्सेस मोशन करना है, रोटेट करना है, क्या करना है, सब कुछ उसको पता चलता है। अब क्या होगा, रिसीव करेगी फीडबैक को कि जो हमने घुमाया क्या वो सही से लगा या नहीं लगा। फीडबैक भी तो लोगी, जैसे आपने अपने दोस्त को धर दिया कान के नीचे, उसने कुछ बोला, ठीक है, तो आपका दोस्त भी हो सकता है फीडबैक दे दे आपको, वापस फीडबैक दे देगा ना कि क्यों मार रहा है, ये फीडबैक ही तो है, फिर आप रुक जाओगे मारना। अगर उसने नहीं बोला, उसने और कुछ उल्टा सीधा बोला, फीडबैक उल्टा आया, आपने और तपेट तपेट तीन चार और धर दिए उसके, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, जब आप जो फीडबैक लूप है उसका इंपॉर्टेंस, फीडबैक लूप जैसा उस मशीन से फीडबैक मिलेगा वो मशीन क्या करेगी, अच्छा ऑपरेशन सही से नहीं हुआ है, चलो ठीक है वापस से करती हूँ हल्का सा उसको, उस वाले प्रोसेस को सही से करती हूँ, जहां मेरे को रुकना था क्या मैं वहां नहीं रुकी, वापस आके रुकेगी।
सो आई होप क्या करेगा, ये फीडबैक सिग्नल जो पोजीशंस होता है, स्पीड होता है, वो सभी का वो उसको बताता है। इस हिसाब से मशीन को पता चलता रहता है कि जो उसका ऑपरेशन चल रहा है क्या वो सही चल रहा है नहीं चल रहा। कुछ जैसे कोड होते हैं, जैसे कि मान लो कूलेंट जो है ऑन ऑफ कर दिए, टूल का चेंज कर दिया, ये भी मशीन खुद ही कर लेती है। अब ऐसा तो नहीं करेंगे पूरा ऑपरेशन भी खुद ही कर रही है, सब कुछ खुद ही कर रही है, खाली हम उसको कूलेंट जा जाके दे रहे हैं कि ले चल कूलेंट ले दू, कूलेंट भी मशीन ही दे ले, हम कोड दे देंगे ना उसका कि कूलेंट ऑन ऑफ कब करना है, टूल चेंज भी मशीन को एक बोलेंगे तो खुद कर ले, उसमें वैरायटी ऑफ टूल्स लगा देंगे, हर एक टूल का एक कोड लगा देंगे, वो मशीन ऑटोमेटिकली वहां रुक के उस टूल को पिक करेगी और ऑपरेशन करने लग जाएगी। क्या माइंड में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया ये वाले सारे पॉइंट? ओके, तो इंपोर्टेंट जी कोड प्रिपेटरी फंक्शन कोड आपके क्या होते हैं, इंपोर्टेंट जी कोड प्रिपेटरी कोड होते हैं, आपको याद रखना है। G01 का क्या मतलब होता है, रेपिड ट्रांसवर्स मोशन, मतलब अचानक से उस पोजीशन पे जाके रुक जाना। अगर आपने G0 लगाया मतलब जहां पे भी आपकी मशीन पहले थी ना, रेपिडली जाके जो पॉइंट आप उसमें कोऑर्डिनेट एक्सेस डालोगे वहां जाके खड़ी हो जाएगी। फॉर एन एग्जाम्पल अगर आपको मैं इस कोड का यूज बताऊं, तो मान लो ये जो कोड है कहीं पे भी इसका यूज कब होगा, जब मान लीजिए आपने इसको देखा आपका क्या है, मान लीजिए ये वाला टूल है यहाँ रखा हुआ था, ये मशीन का टूल यहाँ था, यहाँ पहुंचाना था, आपने इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम डाल दिया कि G00, ठीक है, एक्स की वैल्यू 1.0, वाई की वैल्यू 2.0, तो मान लो इसका कोऑर्डिनेट ये, मशीन का टूल जितना जल्दी हो सके स्पीड से जाके यहाँ पे जाके रुक जाएगा। ओके, सो G01 क्या दिखा रहा है, रेपिड ट्रांसमिशन। G01 किसको डिफाइन करता है, लीनियर इंटरपोलेशन, मतलब जहां पे भी वो जाएगा लीनियर शेप में जाएगा, फिर वहां पे जहां पे भी जाएगा ना लीनियर जाएगा। मैं आपको मोशन बना बना के दिखा देता हूँ, इट विल हेल्प यू अलॉट, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन में ये मोशन की नीड पड़ेगी आपको। ओके, तो मान लो आपने G01 कोड लगाया, तो इस कोऑर्डिनेट से ये लीनियर मोशन में जाएगा, लीनियरली जाएगा। अगर आपने G02 लगाया, तो मान लो कि ये जो पॉइंट आपने फाइनल कोऑर्डिनेट जो दोगे ना, उस पे किसी एक आपको सेंटर पॉइंट देना पड़ेगा, उसके रेस्पेक्ट में ये मोशन क्लॉकवाइज सर्किल बनाता हुआ जाएगा। तो इसको बोलते हैं सर्कुलर इंटरपोलेशन, मतलब आपने क्लॉकवाइज डाला तो ये इसके रेस्पेक्ट में क्लॉकवाइज यहां पहुंच जाएगा, और अगर आपने गलती से G01 की जगह G02 लगा दिया, ये वाला इसका नया रेफरेंस पॉइंट ये बनेगा और ऑटोमेटिकली ये घूम के यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इतना डिफरेंट करता है मशीन के अंदर कोड का, एक कोड जो होता है वो पूरे मोशन को चेंज कर सकता है। अगर आपने G01 कोड डाला तो क्या पता है उसका सर्कुलर मोशन किधर होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और इधर डाला तो कौन सा होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज मोशन, ये एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है ना। तो सर्कुलर मोशन देने के लिए हम G02 और G03 कोड का क्या करते हैं, यूटिलाइजेशन करते हैं। सर्कुलर मोशन देने के लिए हम क्या करते हैं, सर्कुलर मोशन देने के लिए G01 G02 कोड का अप्लाई करते हैं। अब अगला आपका क्या आएगा दोस्तों, कुछ और कोड है जो आपको याद रखने, पहला कौन सा कोड आएगा, G04। G04 क्या डिफाइन करता है, ड्यूल डीले को डिफाइन करता है। G017 क्या डिफाइन करता है, एक्स वाई प्लेन को डिफाइन करता है। G08 एक्स जेड प्लेन को डिफाइन करता है। G019 वाई जेड प्लेन को डिफाइन करता है। ओके, तो ये आपको वेराइटी ऑफ प्लेन्स के बारे में पता होना चाहिए कि कौन किस प्लेन को डिफाइन करता है। G04 जो होता है वो ड्यूल को डिफाइन करता है डीले, G017 जो है वो एक्स वाई प्लेन को डिफाइन करता है, G08 जो है वो वाई जेड प्लेन को डिफाइन करता है, G19 जो है वो वाई जेड प्लेन को डिफाइन करता है। ओके, तो यू नीड टू नो अबाउट इट, मतलब क्या बात कर रहे हैं, अगर आपने G17 कोड दिया तो जो भी फंक्शन होगा वो एक्स वाई प्लेन के अंदर मोशन होगा जो भी, क्योंकि मशीन के लिए तो तीन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, वो एक्स में भी जा सकती है, वाई में भी जा सकती है, जेड में भी जा सकती है। G17 का मतलब क्या है, उसको एक्स वाई प्लेन में मोशन करना है। G18 का मतलब एक्स जेड मोशन में। कई बोलेंगे सर ये कोड याद रखने हैं क्या, बिल्कुल सारे कोड याद रखने हैं, क्योंकि कई बार गेट में क्वेश्चन आते हैं, कोड आपसे चार कोड दिया जाता है, एक कोड पूछ लिया जाता है। ओके, तो G0 क्वेश्चन आपका ड्यूएल को बताया, और ये सारे 17, 18, 19 आपको बताना चाहिए। G28 क्या होता है, ऑटोमेटिक रिटर्न टू द रेफरेंस पॉइंट। ओके, ऑटोमेटिक रिटर्न टू द रेफरेंस पॉइंट। ओके, तो यू नीड टू रिमेंबर इट कि जो ऑटोमेटिक अगर उसको रिटर्न करना है रेफरेंस पॉइंट पे, तब हम कौन सा कोड अप्लाई करेंगे उसके अंदर, G028, मतलब जो उसका रेफरेंस पॉइंट था ना वहां ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगी वो, इसको बोलते हैं G28। अगर कटर के अंदर कुछ कंपनसेशन देने हैं आपको, कटर कंपनसेशन मतलब मान लो कि आपने एक मुझे बात बताओ, ये बोतल जो है इसके अंदर आपने ड्रिलिंग करना है, तो क्या टूल को आप यही लाके छोड़ दोगे या थोड़ा आगे तक लेके जाओगे? क्या आपने टूल को यहीं तक लाके छोड़ दिया तो कटिंग हो गया क्या पूरा, इसको आगे तक लेके जाओगे या यहीं लाके छोड़ दोगे? इतना जब हम किसी भी चीज में ड्रिलिंग करते हैं, मैंने इसकी सरफेस में ड्रिलिंग करना शुरू किया, क्या यहीं पे आके रोक दूंगा या आगे तक लेके जाऊंगा अगर मुझे आर पार का होल चाहिए तो?
बताइए मुझे, आर पार का होल चाहिए तो क्या आर पार करूंगा तो कितना आगे लेके जाना है इसको, ये होता है कंपनसेशन। ओके, क्योंकि अदरवाइज वो टूल जो है पूरा होल ही नहीं करेगा, अपना काम ही नहीं करेगा पूरा। तो ये कटर में कंपनसेशन जो आपने ऑलरेडी दिया है उसको कैंसिल करने के लिए G40 यूज करेंगे। कटर कंपनसेशन के लिए कौन सा कोड यूज करेंगे? G40। ओके, G41 कौन सा यूज करेंगे? कटर कंपनसेशन लेफ्ट, अगर लेफ्ट साइड में कंपनसेशन देना है तो कटर कंपनसेशन लेफ्ट आपका G21 होगा, अगर राइट साइड में कब देना है तब आपका G42 होगा। काफी सारे स्टूडेंट बोले सर कब यूज होगा, अभी एक देखो आगे क्वेश्चन दिख रहा है आपको, इसी स्लाइड में एक क्वेश्चन दिख रहा है, मैं बताऊंगा इसका एग्जाम में आया हुआ, गेट में क्वेश्चन आए हुए, ठीक है, वहां डायग्राम नहीं बनाया हुआ, कोऑर्डिनेट लिखे हुए आप देखोगे प्रीवियस में जाके। G23 क्या है? पॉजिटिव टूल हाइट कंपनसेशन। G43 क्या डिफाइन करेगा? पॉजिटिव टूल हाइट कंपनसेशन। ओके, तो पॉजिटिव टूल हाइट कंपनसेशन को कौन डिफाइन करके दे रहा है आपको? G23। ओके, G44 क्या है? नेगेटिव टूल हाइट कंपनसेशन। G44 क्या है? नेगेटिव टूल हाइट कंपनसेशन। G44 आपका नेगेटिव टूल हाइट कंपनसेशन को देखता है। G49 आपका क्या है? कैंसिल टूल हाइट कंपनसेशन, जो भी आपका टूल हाइट कंपनसेशन है उसको कैंसिल करता है ये G49। G49 क्या करता है? कैंसिल करता है जो टूल हाइट कंपनसेशन आपने ऑलरेडी दे रखा था, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए हर एक कोड का क्या मतलब है। G90 मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं, G90, G91, G04, ये तो याद होनी चाहिए, बीच वाले आपको एक दो हल्के हल्के याद होंगे तो भी काम हो जाएगा। और G01, G02, G03, G04, ये चार कोड, ये वाले और जो चार कोड मैंने आपको यहाँ बताए G90, G91 और G04, सबसे ज्यादा G04 पूछा गया अभी तक। ये सारे कोड आपको याद होने चाहिए, अगर आपको ये कोड याद है तो आप इजीली इन चीजों को याद कर पाओगे। अब मान लो जो आप प्रोग्राम लिखोगे ना उसका ब्लॉक फॉर्मेट कैसे होगा, कैसे होगा प्रोग्राम का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, तो इसमें ये इसका वे कौन सा, तरीका कौन सा होता है, किस तरीके से लिखना है इस प्रोग्राम को। सबसे पहले क्या आएगा, इसका रिप्रेजेंटेशन का क्वेश्चन आ सकता है, अच्छे से आ सकता है, डेफिनेटली काफी इजीली आ सकता है, यू नीड टू नो अबाउट इट। ओके, तो क्या आएगा, मान लीजिए कि ये आपका एन है, ये आपका G है, ये आपका X है, ये आपका Y है, ये Z है, I J K F S T M। ओके, तो यहां पे अगर आपने देखा तो जो N है वो किसको डिफाइन करता है? सीक्वेंस नंबर को। N किसको डिफाइन करता है? सीक्वेंस नंबर को। ओके, एंड G किसको डिफाइन करता है? प्रिपेटरी फंक्शंस को। ओके, G किसको डिफाइन करता है? प्रिपेटरी फंक्शन को। N किसको डिफाइन करता है? सीक्वेंस नंबर को। ओके, एंड एक्स वाई जेड ये किसको डिफाइन करता है? आपका डेजिग्नेशन कोऑर्डिनेट को। ओके, जो भी आप कोऑर्डिनेट सिस्टम देना चाहते हो ये आपको पता होना चाहिए। एन आपका बताएगा वो सीक्वेंस, जैसे मान लो एक लाइन आपने लिखी, फिर आपने दूसरी लाइन लिखी, फिर तीसरी लाइन लिखी, कंप्यूटर को कौन सा पता चलेगा कि पहले कौन सी लाइन पढ़ू, तो वो एन के साथ आप लिखोगे N01, कंप्यूटर को बोलेगा ये वाली लाइन पहली है, उसको नहीं पता चलेगा आपने सारा लिख दिया, उसको ये नहीं पता पहले वाली पहली होती है दूसरी वाली दूसरी होती है। अगर आपने N01 लिखा वो समझ जाएगा पहली लाइन है, N03 लिखा मतलब तीसरी लाइन है। ओके, जी क्या होता है, जो आपको फंक्शन कराने हैं, जो यहाँ पे जितने भी फंक्शन है आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे, ये सारे जो फंक्शन कराने हैं वो आप लगाते हो। एक्स वाई जेड आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम जहां आपको मोशन कराना है। आई जे के आपका इंक्रीमेंटल, आपको क्या है कि जो भी आर्क वगैरह बनानी है उसको शो करते हैं, मतलब जब आप आर्क बनाओगे ना सर्कुलर तो उसमें आपको आई जे के कोऑर्डिनेट अलग से भी देने पड़ेंगे, मतलब आपको रोटेशन करवाना है या कोई आर्क करवाना है तो उस केस में ये क्या करेगा, आपको आईजेके किस शेप से लेके कहां तक आपको आईजेके में लेके जाना है उसको, क्योंकि उसमें आपको ये आईजेके देना पड़ता है जब रोटेशन लेते हैं। ओके, फिर आपका एफ एफ के एफ लगाओगे तो एफ का मतलब फीड रेट, जो आपका टूल जा रहा है ना ऑपरेशन करते हुए वो कितनी स्पीड से जाना चाहिए वो होता है फीड रेट, तो फीड रेट का कोड होता है एफ के साथ, आप जो भी लगाओगे उतनी स्पीड से वो जाएगा। ओके, देन आपका आता है एस, व्हाट इज द एस, एस का मतलब स्पिंडल की स्पीड कितनी होनी चाहिए, जो घूम रहा है ना, अब मान लो टूल का फीड भी चल रहा है, मिलिंग मशीन कर रहे हैं, मिलिंग में तो टूल घूमता है ऐसे गोल गोल। ओके, तो मान लो कि मिलिंग मशीन में जो नीचे स्पिंडल इसका गोल गोल घूम रहा है ना वो कितनी स्पीड से घूमना चाहिए, ये भी तो कोड में दोगे अपने आप थोड़ी घूमेगा वो, और ये कितनी स्पीड से आगे पीछे जाएगा ये क्या हो गया, ये तो फीड हो गया, ठीक है, और ये कितनी स्पीड से गोल गोल घूम रहा है ये कौन सा हो गया, स्पिंडल स्पीड। और टी का क्या मतलब है आप बताओगे, टूल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी, टी का मतलब हो जाएगा टूल, टूल को डिफाइन करता है टी। ओके, तो आई होप गाइज यहां तक आपको सबको क्लियर है, जस्ट गिव मी वन सेकंड आई कम बैक। ओके, एक बार आप इस स्लाइड को पूरा देख लीजिए, ये कोड याद करने की कोशिश करिए, मैं जस्ट 10 सेकंड में वापस आ रहा हूँ लैपटॉप को चार्ज लगा के। ओके, तो जब तक आप इसको 10 सेकंड में पूरा देख लीजिए स्लाइड पे जो भी आपको दिख रहा है।
सो यहां तक आई होप सभी को क्रिस्टल क्लियर चल रहा है जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया ईच एंड एवरीथिंग. आई होप यू गाइस आर एबल टू अंडरस्टैंड, सारे पॉइंट आपको समझ में आ रहे हैं अभी तक जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है. ओके तो डेफिनेटली दोस्तों अब हम क्या करेंगे, हमने पूरा पैटर्न देख लिया कि ब्लॉक का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, डायग्राम जो है वो हमारा कैसा होना चाहिए, जो हम पर्टिकुलर जो भी ऑब्जेक्ट देख रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग हमने अभी तक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर लिया है. तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसी के साथ आगे भी हमें कुछ कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि अब हम एक प्रोग्राम बनाने वाले हैं. इस प्रोग्राम पे बेस गेट में एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस प्रोग्राम. ओके ये आपको समझ में आना चाहिए. ओके तो बी रेडी फॉर दैट. आपको कोडिंग समझ में आ गई है, प्रोग्राम का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा वो भी समझ में आ गया है. तो अब हम एक क्वेश्चन करते हैं अच्छे से, उससे आपको काफी सारी चीजें क्लियर होगी. ओके चलिए तो यहाँ पे हम देखेंगे टूल रेडियस कंपनसेशन. टूल रेडियस कंपनसेशन कैसे दिया जाता है, अगर मान लो जो आपका प्रोग्राम है, इट मेक पॉसिबल टू प्रोग्राम डायरेक्टली फ्रॉम ड्राइविंग एंड दिस एलिमिनेंट टूल ऑफसेट कैलकुलेशन. ओके तो फॉर्मेट अगर आपका इसका लगोगे तो ये डी एक्स एक्स अगर आपने लगा दिया तो मतलब रेडियस ऑफ टूल को डिफाइन करता है फॉर राइट हैंड कंपनसेशन. मतलब अगर मान लो कई बार ऐसा होगा कि आपका टूल जो है उसकी रेडियस भी डिफाइन करनी होती है तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो. इसको हम देखेंगे टूल रेडियस कंपनसेशन. मतलब कई बार क्या होता है कि जब आप मोशन कराओगे, आपने मिलिंग कटर ले रखा है, इतना बड़ा मिलिंग कटर है आपका, ठीक है, और ये आपका ऑब्जेक्ट है. अगर मान लो आपको इसको आर पार कराना है तो इस टूल रेडियस के जितना आगे इसको क्या करना पड़ेगा, आगे लेके जाना पड़ेगा, तभी तो इसकी सरफेस को छोड़ेगा. अदरवाइज अगर आपने क्या किया, यहाँ पे इसका सेंटर पहुंचा और आपने लगा दिया तो इधर इस मेटल को काटते हुए चला जाएगा. अगर हमें इसको दूर करना है तो इस टूल की रेडियस से थोड़ा ज्यादा हमें दूर करना पड़ेगा. इसको हम बोलते हैं टूल रेडियस कंपनसेशन, जो हमें ज्यादा उसको आगे लेके जाना पड़ता है. ओके सो डेफिनेटली ये आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग ये पॉइंट आपको क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए. ओके अब दोस्तों एक आपको एग्जांपल बताता हूँ, राइट हैंड कंपनसेशन. अगर मान लो टूल का डायमीटर आपको 20 mm गिवन है, यहाँ पे बोला है कि टूल का डायमीटर 20 mm है, कैसे होगा इस डायग्राम को समझो. ये वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, 0 0 ओरिजिन है. ये वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम मान लो उस सरफेस जो बॉडी हम लिए हैं जिसका हमें ऑपरेशन करना है कितना है, 100 × 0. ओके वाई एक्सिस पे अगर हम इसका कोऑर्डिनेट देखते हैं तो ये कितना है, 0 and 50. ओके इस वाले का कोऑर्डिनेट एक्सिस अगर हम देखते हैं तो कितना है, 100 and 50. ओके अगर अब आप गाइज इसको ऑब्जर्व करोगे तो आपको क्या बोला है, राइट हैंड कंपनसेशन. राइट हैंड कंपनसेशन के मतलब क्या है, राइट हैंड से घूमोगे. अगर आप यहां खड़े हो जाओ, अगर इस ए पॉइंट पे खड़े हो जाओ और बी की तरफ देखो, मतलब आप कहां खड़े हो, ए पॉइंट पे खड़े हो और बी की तरफ देख रहे हो, तो आपका राइट हैंड किधर की साइड होगा, नीचे होगा, और अपर हैंड किधर होगा, अपर होगा या नहीं होगा, तो मतलब आपका टूल जो है वो राइट हैंड से चलना शुरू करेगा. और राइट हैंड में आपको कितना कंपनसेशन देना है, जितना इस टूल की रेडियस है, कितना दोगे, 10 mm. कितना कंपनसेशन दे दोगे, 10 mm. ओके 10 mm आपको क्या करना पड़ेगा, कंपनसेशन देना पड़ेगा. अगर नहीं दोगे तो वो टूल जो है वो वर्कपीस के अंदर ही जाके फंस जाएगा, अटक जाएगा, उसको पूरा मशीन वर्कपीस को काटता हुआ जाएगा. मान लो हम केवल उसकी सरफेस फिनिशिंग करना चाहते हैं, समझ में आया तो एक बार यस लिख दीजिए जल्दी से. इफ यू गाइज आर एबल टू अंडरस्टैंड, एक बार यस लिखेंगे जल्दी से कि आपको सबको समझ में आ गया ये वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है. आई होप यू गाइज आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, आपको ये वाला क्रिस्टल क्लियर माइंड में बिल्कुल फिट हो गया है क्या समझाना चाह रहा हूं मैं. ओके तो राइट हैंड का मतलब जब आप ए पे बैठते हो और बी को देखते हो ना, तो बी की तरफ देखोगे तो जो राइट हैंड वाली साइड है उसमें आप कंपनसेशन दोगे और उधर से मोशन करना शुरू कर दोगे. ओके सो आई होप आपको ये वाला क्लियर हो गया. अब हम इसका प्रोग्रामिंग करते हैं. प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे, सबसे पहले आपने कोड डाला G042. मुझे जल्दी से अब पीछे मत जाना, कोई भी चिटिंग मत करना. G42 का क्या मतलब है, G42 पहले हमने डाला, N01 डाल दिया, ये बीच में से कह रहा हूं ये कंपनसेशन वाला है. स्टार्टिंग के कोड लिखे ही नहीं है मैंने, इसमें स्टार्टिंग के कोड यहाँ पे लिखे हुए नहीं है. ओके तो अभी आपको G42 को अगर आप इसको ऑब्जर्व करते हो, G42 को अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो इसका मतलब क्या है, कोई बताएगा मुझे लास्ट वाली स्लाइड में से देख के, G42 का मतलब क्या है, कटर कंपनसेशन आपको राइट देना है. अब ये राइट क्यों दिया आपने, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ था राइट हैंड कंपनसेशन लेंगे, क्वेश्चन में लिखा हुआ था ना राइट हैंड कंपनसेशन लेंगे, इसलिए हमने कोड कौन सा दिया, G42 दिया या नहीं दिया, समझ में आया नहीं आया ये G42 कैसे आया. अब हमने इसको D10 रखा. D10 का मतलब क्या है, जो भी आपका इसमें आपको डायमीटर दिया ना, इसमें जो डाया देगा उसका आधा लेना है, रेडियस लिखना है. कोड में हम D लिखेंगे, कोड का मतलब तो D होगा. अब वहां डाया मत रख देना 20 mm, 20 नहीं रखेंगे वहां पे, रेडियस रखेंगे. तरीका होता है ये राइट हैंड कंपनसेशन और ये तरीका होता है. ओके तो यहाँ पे आप क्या करोगे, D के साथ रेडियस रखोगे, तो यहाँ आपका D10 आ गया.
क्या क्लियर है या नहीं है। अब आपने क्या किया, अब आपका कंपनसेशन भी लग गया, सब लग गया, अब हम कोड देना शुरू करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मान लो हमने अगला एन का कोड लिखा, कोई भी N03 होगा या N04 होगा, जो भी पैटर्न होगा। G01 का कोई मतलब बताएगा क्या होता है G01 का, जल्दी से मैं बता दूं मुझे G01 का मतलब क्या होता है जल्दी से। लास्ट वाली स्लाइड में मैंने बताया था G01 का मतलब क्या होता है, लीनियर इंटरपोलेशन करेगी आपकी जो मशीन होगी। कितना लीनियर, मतलब आपको लीनियरली जाना है, कोई आर्क वार्क नहीं बनाना है। क्या करना है आपको, लीनियरली जाना है, कोई आर्क वगैरह वहां पे क्रिएट नहीं करनी है, तो आपको वहां पे लीनियर मोशन करना है। ओके, तो ये L01 किसको डिफाइन करेगा, लीनियर। G01 किसको डिफाइन करेगा, आपको लीनियर मोशन चूज किया आपने, पहला कोऑर्डिनेट आपने यहाँ पे डाला, देखो एक्स 100 पे आपको रखना है, वाई को 0 पे रखना है। तो जो भी आपका यहाँ पे ब्रेकेट में यहाँ पे कितना था, यहाँ तो वो ऑलरेडी था, तो अगला कोऑर्डिनेट डाला कि यहां तक हमें लीनियर मोशन में जाना है 10 mm का कंपनसेशन लेते हुए। अगर आपने 10 mm का कंपनसेशन नहीं दिया ना, तो ये टूल ऐसे जाएगा, फिर आधा इधर और आधा इधर ऐसे जाएगा टूल, इसको काटते हुए बीच में आधा मटेरियल उड़ा देगा ऊपर ऊपर से, ठीक है। तो हमने कंपनसेशन मतलब उसको नीचे, टूल नीचे आके रुकेगा फिर वो कंपनसेशन देने से। ओके, तो यहां से यहां तक वो आपका आ जाएगा, आप अगला कोऑर्डिनेट डालोगे क्योंकि G00 पे तो वो ऑलरेडी है। ओके, देन इसके बाद अब आपका बी पे पहुंच गए, पहली लाइन के आपने जैसे लिखी तो आपने क्या किया, X00Y00 फीड भी लिख दिया आपने 100, फीड मतलब 100 mm की स्पीड से वो चल रहा है, 100 mm/s आपने फीड भी दे दिया। अब अगला कोड लिखोगे G01, उसका क्या मतलब है, लीनियरली जाना है, कहां जाना है आपको, कहां जाना है इस वाली बॉडी से बताइए, यहां से यहां पे क्या जाना है, कोई कोड आपको इस वाली बॉडी से उठ के यहां पे जाना है, इस वाली बॉडी से उठ के यहां पे जाना है। ओके, तो यहाँ के कोऑर्डिनेट दोबारा नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली इस वाले के कोऑर्डिनेट लिख देंगे, मशीन समझ जाएगी कि यहां से यहां पहुंचना है मुझे 150 पे। तो आप क्या करोगे, सेम G01 लगा दिया, x की वैल्यू 100, y की वैल्यू 50, f की वैल्यू 100, वापस कहां पहुंच गया वो, बी पे पहुंच चुका है आपका टूल, कहां पहुंच गया वो, बी पे। ओके, तो डेफिनेटली दोस्तों पूरा का पूरा केड के एमएनसी सीएनसी सारा कवर करूंगा, लीड गेट पे जाके सारे लेक्चर भी देख सकते हो, पूरा मैकेनिकल मैंने कवर करवाया रिवीजन शॉर्ट नोट्स में, दो दो तीन तीन घंटे में, ऑलरेडी प्रोडक्शन थर्मल के सारे टॉपिक्स कंप्लीट है। ओके, चलिए लीड गेट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां से शॉर्ट नोट्स डाउनलोड कर लीजिएगा सारे सब्जेक्ट के, और मैं रिवीजन वीडियो इसी चैनल पर पढ़े हैं। ओके, तो एन कितना आएगा, G01 इज इक्वल टू अल्फा की एक्स की वैल्यू 100, वाई की वैल्यू 50, एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100। ओके, अगर आप एन को देखोगे तो एन की वैल्यू कितनी आएगी, G01 एन की वैल्यू कितनी आएगी, G01। तो यहाँ पे अगर आप G01 देखते हो, एन की वैल्यू को G01 देखते हो, तो अगला कोऑर्डिनेट आपको क्या आना है, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 50, एफ ने फीड, क्या ये वाला समझ में आ गया, अगला फिर आप वापस एंटर पे आ जाओगे, और फिर आपने क्या डाला, G40 क्या डाला, ये G40 क्यों डाला, कोई बताएगा मुझे, व्हाट इज द मीन ऑफ G40, सबसे आखिर में जो हमने G40 लिखा है, G40 का क्या मतलब है, कटर कंपनसेशन जो हमने दे रखा था ना, आप उसको कैंसिल भी तो कर देंगे, हमेशा ही थोड़ी देके रखेंगे उसको, अगला ऑपरेशन करेंगे क्या बताओ उसमें कितना कटर कंपनसेशन चाहिए, तो वो कटर कंपनसेशन जो आपने दे रखा था उसको कैंसिल कर दोगे। ओके, तो क्या सबको ये क्लियर हुआ, इस वाले का प्रोग्राम आप बना दोगे। अब मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम देता हूं, आप मुझे प्रोग्राम बना के दिखाओ, मुझे कोड लिख के बताना। सबसे पहले मान लो मैंने आपको ये डायग्राम बना के दिया, चोको ये आपका कुछ रेक्टेंगल शेप है, यहाँ वाला जो कोऑर्डिनेट है वो आपको 50 दिया हुआ है, ये वाला 20 दिया हुआ है, ये वाला कोऑर्डिनेट आपको 100 दिया हुआ है, ये आपको 70 गिवन है, और ये कोऑर्डिनेट मान लो आपको कितना गिवन है, सॉरी ये उल्टा लिख दिया मैंने, पॉसिबल ही नहीं होगा, ये तो ये 100 होगा, ये 0 होगा, ये 100 होगा, ये 0 होगा, ये आपका 0 और 70 दिया हुआ है, और ये आपको 0 गिवन है। इसका मुझे जल्दी से प्रोग्रामिंग का कोड लिख के बता दो, फर्स्ट लाइन क्या आएगी, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, यहां से लेके मुझे यहां जाना है, क्या कोड आएगा जल्दी से बताओ, फर्स्ट लाइन, यहां से मेरा टूल जो है, मैंने कंपनसेशन दे रखा 20 mm का, मैंने ये भी लिख दिया 20 mm का कंपनसेशन। तो सबसे पहला क्या करोगे आप, कंपनसेशन दोगे कितना, G42। अब इसका डायमीटर 20 mm गिवन है, इसका मतलब आपको यहाँ रेडियस लिखना है, यानी 10 देखो, ये आपका पहला कोड आ गया, ये मैंने बना दिया। अब मुझे दूसरा कोड बना के बताओ क्या आएगा, दूसरे कोड की लाइन बना के बताओ जल्दी से, G01 के साथ क्या आएगा, G01 आगे क्या आएगा, x का कोऑर्डिनेट कितना है, ये कितना है x का कोऑर्डिनेट, 100 है, ये देख लेना 100 है, ये नहीं दिख रहा है तो ये 0 है, क्या लिखोगे इसको। ओके, पहला वाला लिख दिया, बिल्कुल करेक्ट फ्रोजन जी, हाँ ऐसे कोड लिखो जो फ्रोजन जी ने लिखा ना, ऐसे लिख के दिखाओ। N01 तो आप क्या लिखोगे, N01 में G42 D10 लिखोगे, फिर N02 लिखो जल्दी से, क्या कोड लिखोगे इसका जल्दी से लिख के बताओ, आपने अभी अभी सिखाया मैंने आपको, N01 सही है, N02 लिखो जल्दी से, N02 में क्या आएगा, यहां पे देख भी सकते हो एग्जांपल, अगर समझ में नहीं आ रहा जल्दी से लिख के बताओ N02 क्या आएगा,
N01 बिल्कुल सही है, N02 लिखा ही है, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ बिल्कुल करेक्ट है। क्या बात है फ्रोजन राय जी, तो N02 कितना आ जाएगा इस केस में? N02 आएगा आपका x की वैल्यू 100, y की वैल्यू 0, f की वैल्यू, फिड तो आपको कुछ भी दिया ही नहीं है, तो फिड को आप 7-8 कुछ भी मान लो, फिड को चलो 100 मान लो, फिड को 100 ही मान लो, 100 मान लिया ठीक है। अगर N03 लिख के बताओ आप N03 कितना देंगे, N03 फिड रेट आप 100 मान लो 100, ओके N03 लिख के बताओ, अरे जल्दी से बता दो रे बाबा, सबको समझ में आ रहा है क्या? N03 कितना आएगा जल्दी से बताओ, सबका आंसर आना चाहिए, जो स्टूडेंट बाद में देख रहे हैं वो भी रफली ट्राई कीजिएगा। चलिए आगे बढ़िए आगे बढ़िए, क्या बात है, काफी सारे लोग लिख पा रहे हैं। तो N03 कितना आ जाएगा, N03 को आप कैसे लिखोगे, x की वैल्यू आपका कितना लिखोगे जो ऊपर वाला कोऑर्डिनेट है 100, y की वैल्यू कितना आएगा 702, और G01 सबके साथ लगाना है, यहाँ पे G01 सबके साथ लगाना है, ये G01 सबके साथ लगेगा, वरना वो उसको पता ही नहीं चलेगा कंप्यूटर को जाना कैसे है वहां पे। बिल्कुल सही है, क्या कर लोगे या नहीं कर लोगे? तो आई होप आप लोग कोडिंग कर लोगे, ये वाली जो भी आपको प्रोग्राम दिया होगा उसके हिसाब से आप मोशन का कोडिंग करके बता दोगे। अब काफी सारे बोलेंगे सर गेट में क्वेश्चन क्या आएगा, या तो प्रोग्राम बना के देगा आपसे चेक करवा लेगा कि ये सही लिखा गया, या फिर ऐसा कोई डायग्राम बना देगा बोल देगा इस वाली लाइन से यहाँ वाली लाइन तक मोशन करना है, मुझे यहाँ वाली लाइन से यहाँ वाली लाइन तक मोशन करना है, क्या प्रोग्राम बनना चाहिए, ओके तो ऐसा क्वेश्चन दे सकता है। ग्रेट गाइस ग्रेट, काफी सारे स्टूडेंट ने सोल्व कर दिया। अगर मान लो विच रिपीट इन ईच ब्लॉक एंड रिमूव वाइल राइटिंग द प्रोग्राम ऑफ मशीन, अब टूल की कैटेगरी क्या होती है, जैसे मान लो आपका -10 का टूल हो सकता है, 0-10, ये वेरियस टूल टाइप है, तो ये टूल का मतलब आपको वेरायटी ऑफ कैटेगरीज होती है, डजंट इंपोर्टेंट फॉर द गेट, ओके। इन सिमिलर वे आप लेफ्ट हैंड कंपनसेशन भी दे सकते हो, अगर आप लेफ्ट हैंड कंपनसेशन दोगे इस डायग्राम में तो आपका टूल किधर कहां से मोशन जो है वो ऐसे होगा, फिर मोशन आपका ऐसे चलेगा ठीक है, अगर आपने लेफ्ट हैंड कंडीशन दिया तो उल्टा चलेगा फिर मोशन जी, आप ए पे खड़े होगे और जो लेफ्ट हैंड आपका होगा उस साइड में मोशन करोगे आप ठीक है, ओके। सो आई होप सभी को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अब ये काफी सारे बोलेंगे सर एम कोड भी याद रखने क्या, बिल्कुल एम कोड आपको याद होने चाहिए, एम कोड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू, एम कोड आपको याद होने चाहिए बिल्कुल अच्छे से। एम कोड कैसे याद रखेंगे, M000 का मतलब प्रोग्राम को रोकना है, नहीं तो प्रोग्राम चलता ही जाएगा चलता ही जाएगा, ओके। चिन्मय जी आपको डेफिनेटली मैं हेल्प कर दूंगा, यू कैन टेक्स्ट मी ऑन द अकेडमी, आई विल ट्राई टू हेल्प यू, ओके। चलिए M01 क्या आएगा, ऑप्टिमल प्रोग्राम स्टॉप्स, ऑप्टिमल, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी अनअकैडमी की लिंक है, वहां पे मैसेज कर दीजिए अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है कोई भी कैसे भी प्रिपरेशन में। M01 क्या है, ऑप्टिमल प्रोग्राम स्टॉप्स, क्या डिफाइन करता है ऑप्टिमल प्रोग्राम स्टॉप्स को। M03 क्या है, स्पिंडल को ऑन करना, क्योंकि आपका स्पिंडल को ऑन अपने आप थोड़े हो जाएगा कि अपने आप चले जा रहा है, ये कोड एक्स्ट्रा कोड आपको याद रखने हैं। M04 स्पिंडल को ऑन करना, लेकिन वो काउंटर क्लॉकवाइज में मोशन करना, अगर आपने M03 लगाया मतलब स्पिंडल ऑन तो होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोशन करेगा, अगर आपने M04 लगाया मतलब स्पिंडल ऑन तो होगा लेकिन काउंटर क्लॉकवाइज में मोशन करेगा, ओके। तो ये आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे सारे वापस भी लिखे हुए, अगर आप यहाँ नहीं देखे हो तो ऊपर देख लीजिए, सारे कोड यहाँ लिखे हुए M00, M01, M03, M04। M05 का मतलब क्या है, स्पिंडल को ऑफ करना, प्रोग्राम स्टार्ट नहीं हुआ है, स्पिंडल को ऑफ कर दिया आपने ठीक है। M06 का मतलब क्या है, टूल को चेंज कर देना, टूल को चेंज कर देना। M07 कैप्टन धोनी जो था, क्या था कैप्टन धोनी, क्या देते थे, कूल, कैप्टन कूल, तो कूलेंट को ऑन कर दो ठीक है, कूलेंट को ऑन कर दो। M08 क्या है, कूलेंट को ऑफ, जब यहाँ ऑन किया है तो यहाँ दूसरे वाले दो कूलेंट होते हैं, दूसरे वाले को भी ऑन कर दो। M09 क्या है कि कूलेंट को ऑफ कर दो, M09 क्या, कूलेंट को ऑफ कर दो। M10 क्या होता है, क्लैंप जो होता है, क्लैंप जो आपने टूल को पकड़ रखा होगा, किसी ना किसी से क्लैंप किया होगा, उसको ऑन करना कि वो क्लैंप ऑन होकर टूल को होल्ड कर ले। M1 क्लैंप को हटा देना, जिससे आप वर्कपीस को जो आपका ऑब्जेक्ट है उसको हटा पाओ, तो M11 आपका क्लैंप को ऑफ होता है। M02 और M13 इन दोनों का सेम मतलब है, दोनों सेम होता है, प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे और रीसेट टू स्टार्ट, मतलब रीसेट कर देंगे पूरे प्रोग्राम को, प्रोग्राम स्टॉप करके रीसेट कर देंगे, इन दोनों का मतलब ये, ओके। M02 और M30 का मतलब, इनका मतलब प्रोग्राम स्टॉप भी होगा लेकिन रीसेट हो जाएगा, रीसेट मतलब स्टार्ट से शुरू हो जाएगा वापस, ओके। तो आई होप आप सभी स्टूडेंट को ये समझ में आ गया होगा, कई बार गेट में एक दो बार इस पे बेस क्वेश्चन आए हुए हैं, कई बार आपको ऐसे कोड वोड दे देता है और उसमें से पूछ लेता है इस कोड का क्या मतलब है, इस कोड का क्या मतलब है, कई बार आपसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ओके। तो यू नीड टू नो अबाउट इट, आपको ऐसे कोड आने चाहिए। अब हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन,
इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ द गेट. ओके, काफी बार आपने देखा होगा ट्रांसलेशन इनके क्वेश्चन आए हुए हैं. गेट 2019 के जो सेट टू है उसमें भी एक क्वेश्चन आया था. अगर आपने देखा होगा सेट टू के एक क्वेश्चन आया था, इसमें एक क्वेश्चन इसमें भी आया था सेट टू के अंदर भी. दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रांसलेशन. तो उसमें हम देखेंगे 2D ट्रांसफॉर्मेशन. 2D मतलब कोई भी जो 2D ऑब्जेक्ट होता है उसको आप ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं. ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो सकता है? या तो आपने ये बोतल है यहां पड़ी है, इसको उठा के मैंने यहां कर दिया, क्या हो गया? ये ट्रांसलेशन. इसकी पोजिशन को चेंज करना क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन. इसको गोल गोल घुमा दिया, क्या हो गया? रोटेशन. इसको गोल गोल घुमा दिया, क्या हो गया? रोटेशन. ओके, ये आपका रोटेशन हो गया. इसके सामने मिरर रख दिया, इसकी कॉपी बन गई, मिरर कॉपी बन गई, मिरर इमेज हो जाएगा. इसको छोटी छोटा कर दिया, इसको बड़ा कर दिया, क्या हो जाएगा? साइज हो गया. एंड शेप जो होता है उसको बोलते हैं शेप्स भी हो सकते हैं, वेराइटी ऑफ शेप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी पॉसिबल है. आई होप यू गाइज आर एबल टू गेट इट. आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे. चलिए तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों. पोजीशंस आपको यहाँ शो कर रही है, ओरिएंटेशन आपको शो कर रहा है, मिरर इमेज आपको शो कर रहा है, साइज आपको शो कर रहा है, शेप भी आपको शो कर रहा है. ओके, तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? 2D ऑब्जेक्ट जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन इज टू चेंज ऑब्जेक्ट पोजीशंस, ओरिएंटेशंस, मिरर इमेज, साइज, शेप्स, ये सारी चीजें आपको आ जाएगा. ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट आपके क्या आ जाएंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रांसलेशन. अब मान लो कि कोई भी जो रोबोट होता है, ये रोबोटिक्स की बातें चल रही है, मशीन की बातें चल रही है, कैड गेम की, सीएनसी की भी मान, उसको थोड़े पता है कि उसको कैसे मोशन करना है. तो मान लो कि वो यहां था, उसको कैसे पता चलेगा कि मैं उठ के यहां चला जाता हूं? उसको कैसे पता चलेगा? तो या इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन. इस पॉइंट से उठ के इस पॉइंट पे चला गया, इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन. इसका मतलब एक्स में आपने इसको कुछ मोशन दिया होगा, उसको हमने टीएक्स बोल दिया, और जो वाई वाला जो है उसको टीवाई बोल दिया. तो क्या इस एक्स के अंदर में टीएक्स को एड करूंगा तो मुझे नया पॉइंट नहीं मिल जाएगा क्या? क्या इस एक्स में टीएक्स को एड करूंगा नया पॉइंट एक्स डैश नहीं मिल जाएगा क्या, जो या वाला है? और जो वाई वाला है इसके अंदर अगर मैं वाई प्लस टीवाई को एड कर दूंगा तो क्या वाई वाला पॉइंट मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा? Try to answer it. क्या अगर आपने x डेज़ के अंदर x प्लस टी एक्स को एड किया तो x वाला पॉइंट मिल जाएगा क्या? और y डेज़ के अंदर आपने y प्लस टी वाई वाला पॉइंट एड किया तो क्या y डेज़ मिल जाएगा क्या आपको? ओके, सो आई होप ये वाली चीजें आपको मिल गई. तो ट्रांसलेशन तो सबसे इजी होता है. इनिशियल पॉइंट एक्स वाई जो होगा, ट्रांसलेशन डिस्टेंस आपने बोल दी क्वेश्चन में टी एक्स एंड टी वाई, फाइनल पॉइंट. अगर मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया कि इफ द स्टार्टिंग पॉइंट इज 2 and 5 एंड वी विल गिव ट्रांसलेशन इन ईच एक्सेस 10 10, अगर 10 कोऑर्डिनेट एक्सेस मैंने दे दिया, 10 का दे दिया, तो मुझे बताइए नए पॉइंट क्या आएंगे? बच्चा बच्चा आंसर करके बता देगा. बताइए अगर जो इनिशियल पॉइंट है वो 2 और 5 है और मैंने ईच एक्सेस में 10 का ट्रांसलेशन दे दिया तो मुझे बताइए नए कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होंगे? काफी लोग बोलेंगे सर इतने इजी ट्रांसलेशन का क्वेश्चन गेट में बहुत ही कम आएगा. आगे वाले जो रोटेशन वगैरह है ना, इनके क्वेश्चन हिलेंगे नहीं. अभी बहुत दिक्कत वाले क्वेश्चन आते हैं, अभी मैं कवर करवाऊंगा. ठीक है, कितना आएगा नया कोऑर्डिनेट सिस्टम कोई बताएगा मुझे? 2 और 5 अगर आपको गिवन है तो नया कोऑर्डिनेट सिस्टम कितना होगा? 12 and 15. ओके, सो डेफिनेटली आप दोनों में जोड़ दोगे. अगर मैंने आपको ऐसे बोल दिया कि इसी क्वेश्चन में कि एक्स एक्सेस में जो ट्रांसलेशन है वो 5 है, वाई एक्सेस में जो ट्रांसलेशन है वो 7 है. एक्स में 5 दिया, वाई में, एक्स में 5 वाई में 7 दिया, तो कितना कोऑर्डिनेट आएगा? अगर मैंने x एक्सेस में 5 दिया और y एक्सेस में 7 दिया तब कितना कोऑर्डिनेट आएगा कोई बताएगा मुझे जल्दी से? ट्राई टू आंसर इट गाइस. देखिए मैं आपको काफी डिटेल में कैड गेम, सीएनसी, एनसी, 2D सब कुछ कवर करवा रहा हूँ. 3 घंटे के लिए आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो यू नीड टू वर्क. आपको रेस्पॉन्स आना चाहिए जल्दी से. ठीक है, और ये शॉर्ट नोट्स आपको लीड गेट में मिल जाएंगे, डाउनलोड कर लेना वहां से. एंड वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, 100 लाइक पहुंचने वाले हम लोग जल्दी से. ओके, सो आई होप यू गाइज आर एबल टू इंडेट. अगर 5 देंगे तो ये कितना बन जाएगा? 7 और 13 बन जाएगा न्यू कोऑर्डिनेट. आई होप यू गाइज 7 और 12 बनेगा, या 7 और 12, या 7 और 12 बनेगा. ओके, चलिए तो सभी को क्लियर है अभी तक. अब हम बात करेंगे दोस्तों, ट्रांसलेशन तो बच्चा बच्चा कर लेगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है रोटेशन. और इस पे बेस आपको एक गेट 2019 सेट टू के अंदर अगर आप प्रीवियस जाके देखोगे आपको एक क्वेश्चन दिखेगा. गेट 2019 सेट टू का क्वेश्चन देखना, वहां पे आपको एक क्वेश्चन दिख जाएगा. ओके, एक क्वेश्चन दिखेगा रोटेशन के ऊपर, एक क्वेश्चन आया हुआ है, अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा. ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं. अबाउट ओरिजिन बाय एंगल थीटा इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन. अगर कोई भी जो है आपको ध्यान रखना है, हमेशा जब भी आपको क्वेश्चन में कुछ डाटा नहीं दिया है कि किस डायरेक्शन में रोटेशन किया है, आप हमेशा क्या करोगे? काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेंगे जब तक आपको क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है. क्वेश्चन में मेंशन कर देगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर नहीं मेंशन करे मतलब हमेशा काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेना है.
हमेशा क्या करोगे आप, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन लोगे। अब मान लो कि ये जो आपकी लाइन थी, इनिशियल लाइन आपकी यहाँ पे थी, ये लाइन मैंने बना के दिखा रहा हूँ, ये आपकी इनिशियल लाइन है ओके, और इसका जो ये वाला पॉइंट है ये कितना पॉइंट है, एक्स और वाई इसकी वैल्यू है। आपने इसका जो इनिशियल एंगल है वो कितना है, साई मान रखा है, ये इनिशियल एंगल कितना है, साई आपने मान लिया है। अब आपने क्या किया, इसको थीटा एंगल रोटेट कर दिया, तो इससे आपको क्या मिलेगा, इसका जो हेड वाला पॉइंट है, क्या नए कोऑर्डिनेट नहीं मिल जाएंगे एक्स वाई एक्स और वाई डैश। लेकिन अब आपसे मैं पूछ लूं कि इस नए कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी होगी, गेट में यही पूछा जाता है और एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, इस एक्स न्यू और न्यू वाले जो एक्स डैश और वाई डैश है इसकी वैल्यू कितनी होगी, अगर मैंने ये आपसे आंसर पूछ लिया है तो व्हाट वैल्यू यू विल गेट इज द एक्स डैश और वाई डैश, आपको एक्स डैश और वाई डैश की वैल्यू क्या मिलती है ये आपको बताना है जल्दी से ओके। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे दोस्तों, जो एक्स डैश और वाई डैश है दैट विल हेल्प यू अलॉट, काफी ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होता है। कैसे निकालोगे इसके लिए मैं आपको फॉर्मूले बताऊंगा ओके। अब आपको क्या करना है, जो ओपी है क्या ओपी और ओपी डैश तो आ ही रहेगा, मतलब यहां से लेके ये जो डिस्टेंस है ये भी आ ही रहेगी और यहां से लेके ये तक डिस्टेंस है ये भी आ ही रहेगी क्या, क्योंकि देखो जो लाइन है, अब इस पेन को मैं इस एंगल पे रखा हुआ था, इस एंगल पे रखा हुआ था, पेन बड़ा थोड़ी हो जाएगा कि भाई पेन को ऐसे रखा हुआ था तो पेन छोटा था, पेन को ऐसा रख दिया पेन बड़ा हो गया, पेन की लेंथ तो सेम रहेगी ना, तो आर तो आपका दोनों में सेम रहेगा, ओपी में भी सेम रहेगा, ओपी डैश में भी सेम रहेगा। अगर आपको एक्स डैश के कोऑर्डिनेट पूछे तो क्या इसको आप यहां से ऐसे लिख सकते हो, आर कोस थीटा प्लस साई, क्योंकि ये वाला जो है वो देखिए एक्स का कोऑर्डिनेट कौन सा आ रहा है, अगर आप इस ग्राफ को मैं वापस थोड़ा सा जो डाटा लिखा हुआ इसको हटाऊं तो आपको मैं एक्स डैश का कोऑर्डिनेट सिखा रहा हूं, ये जो एक्स डैश का कोऑर्डिनेट मतलब इसकी बात कर रहे हैं हम, ये वाले की बात कर रहे हैं। अगर मान लो ये डिस्टेंस आर है, इसका कंपोनेंट मैं इस वाले को लूता हूँ, इधर वाले को कंपोनेंट देता हूँ, और इसका टोटल एंगल कितना हो जाएगा, थीटा प्लस साई हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, टोटल एंगल थीटा प्लस साई, तो यहाँ आर कोस थीटा प्लस साई आ रहा है या नहीं आ रहा है। और वाई डैश को अगर आप देखोगे, वाई डैश मतलब ये वाला कंपोनेंट की बात कर रहे हो ना वाई डैश आप, तो इसकी वैल्यू क्या आर साइन थीटा प्लस साई आ जाएगी या नहीं आ जाएगी, अगर ये वाली डिस्टेंस आर है। क्या परफेक्टली क्लियर है, तो माइंड में देखो थंबलिन वगैरह भेज दिया कीजिए, अगर आपको परफेक्टली माइंड में फिट हो गए ना चीजें कि सर बिल्कुल समझ में आ गया, तो थंबलिन वगैरह कुछ तो भेज दिया कीजिए, तो समझ में आ जाएगा मुझे कि एटलीस्ट आपको समझ में आ गया है ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर मैं आपसे पूछू कि एक्स डेज कितना आएगा, तो क्या इसको खोलना आता है आपको, आर कोस ए प्लस कोस बी को कैसे खोलते हैं, कोस ए प्लस कोस बी को कैसे खोलते हैं, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, क्या ऐसे खोलते हैं या नहीं खोलते, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ऐसे खोलते या नहीं खोलते। तो इस कोस थीटा प्लस साई को हमने खोल दिया, आर तो बार का बार रहेगा दोनों में ही आएगा, तो आर कोस थीटा कोस साई माइनस आर साइन थीटा आर साइन, आर कोस थीटा कोस साई माइनस आर साइन थीटा साइन साई ओके। तो ये आपको समझ में आ जाएगा। अगर जो वाई वाला कोऑर्डिनेट है उसको अगर मैं खोलूं, वाई वाला कोऑर्डिनेट साइन ए प्लस बी को खोलने वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, अगर याद नहीं है तो अभी देख लो, साइन ए प्लस बी कैसे खुलता है, साइन ए साइन बी प्लस साइन ए साइन बी साइन ए, क्या ये खोलना आता है या नहीं है, साइन ए साइन बी प्लस साइन ए साइन बी साइन ए, क्या ये खोलना आता है आप सभी को, क्या सभी को ये बिल्कुल परफेक्टली माइंड में खोलना आता है कि मैं उनको क्या खोलने की बातें कर रहा हूं, क्या खोलना है आपको, क्या समझ में आ रहा है, ओके चलिए। तो अब आपका क्या आएगा, अगर x को, अब काफी लोग बोलेंगे सर चलो ठीक है यहां तक तो बिल्कुल समझ में आ गया, अब मुझे ये बताओ कि सर जो x वाला है इसको तो मैं r cos psi भी लिख सकता था, भाई लिख सकते हो, मैंने कब रोका, क्या इस x वाले को, ये r है और ये psi है, तो इस वाले जो x वाला कोऑर्डिनेट है इसको अगर मैं देखूं तो क्या मैं इसको r cos psi लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, इस वाले के हिसाब से देखेंगे हम इसको, x को मैं r, डेफिनेटली इस r का कंपोनेंट ले लोगे नीचे वाला तो r cos psi लिख सकते हो, और y को क्या r sin psi लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो, कोई बच्चा बच्चा मुझे बता दो क्या लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल डेफिनेटली, क्या क्लियर हो गया माइंड में कि लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते इसको, तो डेफिनेटली आप इसको क्या लिख सकते हो, x को आप r cos psi लिख सकते हो, y को आप r sin psi लिख सकते हो
ओके अब मैं आपको बोलूं कि इसमें जो जो वैल्यू जहां पे आपको आर कोस साई दिख रहा है उसको आप एक्स से रिप्लेस कर दो, जहां जहां पे आपको आर साइन साई लिखता है उसको वाई से रिप्लेस कर दो। तो यहां पे देखो मुझे आर कोस साई दिख रहा था, इसको मैंने रिप्लेस कर दिया, तो एक्स डेस की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स कोस थीटा, यहां पे वैल्यू कितनी आ गई वाई साइन थीटा, वाई डेस की वैल्यू भी आपने इसी तरीके से बना ली। ओके तो आपने क्या किया, उस इक्वेशन जो मैंने आपको बताई है कि वाई कैसे है, जो नीचे वाला जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उससे एक्स और वाई की वैल्यू निकाल के उसके अंदर रिप्लेस कर दी, तो फाइनली आपको एक्स डेस वाई डेस की वैल्यू ये वाली मिल गई। अब इसको क्या करेंगे, हम मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, दैट्स व्हाई ये इजी रहेगा। तो जब भी आपको क्वेश्चन बोले कि एक्स डेस वाई डेस है, इसको किसी भी एंगल से रोटेशन करने को बोले, आप इसको देखो उसको मैट्रिक्स फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं, इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना आता होगा आपको, अगर आप इसको इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना आता ही होगा आपको कि यहाँ पे जो एक्स डेस की वैल्यू अगर आप मल्टीप्लाई करोगे एक्स कोस थीटा माइनस वाई साइन थीटा बनने वाला है वैसे भी, तो आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हो। तो अगर मान लो मैंने आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम दे दिया कि चलो फोर और फाइव कोऑर्डिनेट सिस्टम है, मुझे जल्दी से बताएंगे आप लोग आंसर, अभी मैं पूछ रहा हूं, इनिशियल कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो एक्स और वाई फाइव है, अगर मैंने आपको बोला कि मैंने इसको 30 डिग्री रोटेशन कर दिया, मैंने आपको बताया नहीं किधर रोटेट कर रहा हूं, मतलब जब नहीं बताया तो काउंटर क्लॉकवाइज लेना है, अगर मैंने आपको बोला कि 30 डिग्री इसको रोटेशन कर दिया तो नए कोऑर्डिनेट कितने आएंगे, जल्दी से बताओ कि मुझे नए कोऑर्डिनेट कितने आएंगे। तो आप क्या करोगे, ये जो 30 वाला है इसको उठा के यहां रख दोगे, कोस 30 माइनस साइन 30, यहां पे भी साइन 30 माइनस कोस 30, ये कोस 30 यहां पे प्लस में है, यहां एक्स और वाई की जगह क्या रखोगे 4 एंड 5, इस मैट्रिक्स जो भी इससे मैट्रिक्स बनेगी इसको 4 5 से सोल्व करोगे तो एक्स डेस और वाई डेस की वैल्यू मिलेगी, बताओ जल्दी से क्या आंसर आने वाला है। अरे बता दो भाई, ये फॉर्मूला याद रखना, इसके अलावा कुछ याद नहीं रखना आपको, मैं बता रहा हूँ मजा आ जाएगा, ये फॉर्मूला जिसने सीख लिया उसको पूरा रोटेशन देखने की झंझट ही नहीं है, चाहे कितना ही एंगल पे घुमाए वो आपसे 120 130 140 कुछ भी घुमाए आपसे, और ये आपको स्पेशल एप्टीट्यूड में भी हेल्प करेगा। कितना आएगा, कोस की वैल्यू 30 रखो तो कोस 30 माइनस साइन 30, या भी यहाँ क्या आ जाएगा साइन 30 कोस 30, एक्स और वाई की जगह 4 और 5 रखोगे, नया मैट्रिक्स बनेगा उसको सोल्व करोगे तो आंसर कितना आ रहा है बता दो जल्दी से, यहाँ कितनी वैल्यू आ रही है एक्स डेस वाई डेस की इसको सोल्व करके, यहाँ पे आपने 30 रख दिया, यहाँ भी 30 रख दिया, यहाँ भी 30 रख दिया, यहाँ भी 30 रख दिया, कोस 30 की वैल्यू निकाल लो, साइन 30 की वैल्यू निकाल लो, फिर इस मैट्रिक्स में 4 5 निकाल लो, दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो तो एक ऐसी वैल्यू आ रही होगी, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, जो यहाँ पे वैल्यू आ रही होगी ये एक्स डेस की वैल्यू है, जो यहाँ वैल्यू आ रही होगी ये वाई डेस की वैल्यू, जल्दी से बताओ कितना आ रहा है, जल्दी से बताओ कितना वैल्यू आ रहा है यहाँ पे, जल्दी से आंसर आने दो, क्या सबको बता दो कि एक्स डेस और वाई डेस की वैल्यू कितनी आ रही है, एक्स डेस और वाई डेस की वैल्यू कितनी आ रही है, अभी तक एक ने भी आंसर नहीं किया है, नहीं निकालना पड़ेगा क्या। निक्की मैकेनिकल जी, मैंने इंडस्ट्रियल आपको कंप्लीट रिविजन करवा दिया है, 2-3 दिन पहले ही करवाया है, सेम इसी चैनल पे जाके रिवाइज कर लीजिए, मैंने सेम इसी चैनल पे जाके रिवाइज करवाया है तो जाके आप रिवाइज कर लीजिए, ओके सेम इसी यूट्यूब चैनल पे रिवाइज करवा रखा है तो जाके आप रिवाइज कर लीजिए, ओके वहां पे आपको कवर हो जाएगा। तो ये मैट्रिक्स आपको यूज करनी आनी चाहिए, यहाँ से आपको आर डेटा की वैल्यू मिल जाएगी। ओके आप देखो फॉर रोटेशन ऑफ काउंट क्लॉक वाइज डायरेक्शन, आप काफी लोग बोलेंगे सर ये तो चलो ठीक है, कई बार क्वेश्चन में अगर क्लॉक वाइज बोल देगा तब क्या करेंगे, ये तो ठीक है लेकिन अगर क्वेश्चन में कई बार मुझे क्लॉकवाइज बोल दिया तब क्या करेंगे, तो जहां जहां थीटा दिख रहा है वहां पे माइनस थीटा पुट कर देना बस, मतलब जैसे अगर मान लो आपको 30 डिग्री क्लॉकवाइज बोला उसने तो आप क्या करोगे, यहाँ पे कोस थीटा ना पुट करके कोस माइनस 30 पुट करेंगे आप, ओके तो आपको कोस माइनस 30 तो आपको पता है कोस 30 ही होता है, लेकिन साइन माइनस 30 क्या होता है आपका, साइन माइनस 30 साइन 30 नहीं होता है, वो माइनस साइन 30 होता है, ओके ये ध्यान रखना है आपको। तो बस क्या करना है, ओनली आपको चेंज कर देना है जहां थीटा है वहां पे माइनस थीटा आप पुट कर दोगे, क्लॉकवाइज का क्वेश्चन भी हो जाएगा, ओके चलिए। अब अगर हम देखें रोटेशन अबाउट एनी आर्बिट्री पॉइंट, किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में, मतलब अभी हम क्या कर रहे हैं ओरिजिन के रेस्पेक्ट में कर रहे थे अभी तक जो कर रहे थे, अब हम किसी आर्बिट्री पॉइंट के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो उसमें क्या करोगे, सबसे पहले आप ट्रांसलेट कर लो उस पॉइंट को, ओरिजिन पे ले जाओ उसको, जो भी पॉइंट आपको जैसे इस वाले क्वेश्चन में मैं करवाऊंगा ये 2 और 3 पे है, ये 5 और 7 पे है, तो आप इसको क्या करोगे, अज्यूम करोगे इसको उठा के ओरिजिन पे लेके चले जाओगे, इस 2 और 3 वाले को क्या करोगे ओरिजिन पे लेके चले जाओगे इस वाले को, ठीक है। फिर आपको सेम तरीके से जो लास्ट वाला मैंने तरीका बताया था उस तरीके से रोटेशन कर लोगे, परफॉर्म करोगे रोटेशन, फिर वापस इसको जब रोटेशन हो जाएगा वापस उठा के इसको उस पॉइंट पे ले जाके रख दोगे,
समझ में आया नहीं आया क्या कर रहे हैं, मतलब जब अगर आपको कई बार ऐसे दे दे कि 2-3 पॉइंट ये है, ये 5-7 है, आपको इसको रोटेट करना है, आप इसको क्या करोगे, पहले इसको ओरिजिन पे लेके आ जाओ, उठा के यहाँ पे 2-3 को ट्रांसलेट कर दो, इसको ट्रांसलेट करने के बाद इसको रोटेट कर दो जितने एंगल पे आपको बोला है, फिर वापस ट्रांसलेट कर दो इसको 2-3 पे। ओके, एग्जाम्पल क्वेश्चन बताता हूँ जब ज्यादा समझ में आएगा। मान लो एक रोबोट है, एक रोबोट की जो आर्म है उसका एक एंड कोऑर्डिनेट पी जो है वो 2/3 है, 2 और 3 है, और एक क्यू जो है वो 5-7 है, ये कोऑर्डिनेट गिवन है 2, 3 और 5, 7। अगर इसको रोटेट किया जा रहा है काउंटर क्लॉकवाइज अबाउट पी, पी के पॉइंट, पी पॉइंट के रेस्पेक्ट में काउंटर क्लॉकवाइज किया जा रहा है 30%, आपको नए कोऑर्डिनेट बताने क्यू के कितने आएंगे, तो आप क्या करोगे, क्यू के कोऑर्डिनेट आपको पता 5-7 है, इसके 2-3 है, आप इस 2-3 वाले को उठा के यहाँ रख दोगे तो ओरिजिन कितना होगा, 0-0, 0-0, मतलब अगर आप इस पॉइंट को यहाँ उठा के रखोगे तो इस 5 में से कितना कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 2-3 जब सेंटर पे आएगा तो ये 5 में से 2 हटा देंगे, 3 आएगा, और 7 में से कितना हटा देंगे, 3, तो वो कितना आएगा, 4। क्या ये क्लियर है क्या, एक बार बता दो मुझे कंफर्म, मुझे लग रहा है कई स्टूडेंट को डाउट आएगा यहाँ पे, कई स्टूडेंट को डाउट आएगा कि ये नए कोऑर्डिनेट 3 और 4 कैसे मिले, क्योंकि इनिशियल कोऑर्डिनेट 2 और 3 थे, आपने उसको 0-0 बनाया, मतलब जो x वाला है उसको आपने 2 का मोशन दिया होगा यहां से, तब ये 0 पे आया होगा, मतलब जो 5 वाला था वो कितना इधर शिफ्ट हो जाएगा 2 पे, तो 3 आएगा या नहीं, ओके okay, और जो y वाला है इसको आपने 3 नीचे लेके आए होगे तभी तो ये सेंटर में आएगा, मतलब ये जो 7 था वो नीचे आके कितना हो जाएगा 3 और 4 आएगा, ठीक है, ओके okay, अब देखिए दोस्तों, अगर आप इसको इस तरीके से रोटेशन कर रहे हो इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, ये आपका क्या हो गया P हो गया, ये आपका क्या हो गया Q हो गया, अगर आपने इसको 30 डिग्री रोटेशन किया तो सेम तरीका है, अब तो आप कर ही लोगे, ये वाला जो अभी अभी सिखाया था मैंने 30 डिग्री है तो सेम अभी अभी तो वैल्यू निकाली थी आपने, cos 30 माइनस sin 30 आप फॉर्मूला लगा दोगे क्योंकि क्लॉकवाइज है ना, काउंटर क्लॉकवाइज है सॉरी, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका sin 30 होगा, ये कितना होगा sin 30 cos 30, ओके टेबल बनाओगे और जो कोऑर्डिनेट है वो कितने है 3 और 4, इसमें 2/2 की मैट्रिक्स बनेगी, ये आपके 2/1 की मैट्रिक्स बनेगी, सोल्व करोगे तो 2/1 की मैट्रिक्स मिलनी चाहिए, उससे आपको नए कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, नए कोऑर्डिनेट आ गए आपके जो भी आ गए, मान लो 0.598 आपका आ गया सोल्व करके, और ये आपका 4.961 आ गया, देखना आप ऑप्शन के अंदर ये भी दिया होगा आपको, क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं इसको यहां से वापस ट्रांसलेट नहीं करते, क्योंकि नया ट्रांसलेशन भी तो करना है वापस, ये तो आपका 0 के रेस्पेक्ट में आया, आपने 0 पे उठा के ले गए थे उसको, अब आप क्या करोगे जिसको वापस उधर ऐड कर दोगे, तो यहां हमने कम किया था, यहां पे जितना भी एक्स का कोऑर्डिनेट था पहले पी वाला वो इसमें ऐड कर दो, तो 2 ऐड करोगे तो कितना मिलेगा 2.598 आपको, ये वाला तो 2-3 पे ही रहेगा, इस वाले में ऐड करोगे तो ये आपको क्या मिल जाएगा 2.598 मिलेगा क्यू का, और इस वाले 4 में ऐड करोगे तो ये कितना मिलेगा 7.968, तो पी और क्यू के पॉइंट आपको नए वाले ये मिल जाएंगे, क्योंकि आपने वापस उसको सेंटर से उठा के ट्रांसलेट कर दिया। आकाश जैन जी सुबह हो गई की आपकी, अभी अभी उठे दिखते हो आप, सुबह हो गई की आपकी, चलिए बढ़िया बढ़िया, रात को सुबह हो गई आपकी, चलिए क्या सभी को ये वाला क्रिस्टल क्लियर हो गया है, जो भी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन किया है कि कैसे हमने कोऑर्डिनेट रखा, पहले 0 पे लेके जाना है, रोटेशन करना है, जितना उसका 2-3 पॉइंट पे 0 पे लेके गए थे उतना वापस ऐड कर देना है, क्यू के पॉइंट मिल जाएंगे, ओके चलिए काफी इजी था। अगला हम देखेंगे दोस्तों रिफ्लेक्शन, कई बार रिफ्लेक्शन के क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार आपके रिफ्लेक्शन के क्वेश्चन आ जाते हैं, रिफ्लेक्शन में क्या होता है, मान लो आपको इनिशियल जो कोऑर्डिनेट है ये एक्स है, ये आपका वाई है, ठीक है, और यहाँ पे पी पे वो रखा हुआ है। आकाश जैन जी अगर आपके 60 आ रहे हैं यू विल एबल टू सिक्योर 80+ मार्क्स इन गेट, अगर आप 60 मार्क्स भी लेके आ रहे हो आप उसको कंटिन्यू करिए, बार बार रिवाइज करिए, आप 80 से ऊपर मार्क्स लेके आ सकते हो, ओके चलिए, तो ये पी क्या आ जाएगा आपका एक्स और वाई, पी क्या है आपका एक्स और वाई, अगर आप यहाँ पे देखोगे दोस्तों ये वाला जो पॉइंट है ये कौन सा पॉइंट है आपका क्यू पॉइंट है, ठीक है, अगर आपको मैं बोलूं इसका आप मुझे एक्स एक्स के रेस्पेक्ट में मिरर इमेज बनाओ, तो एक्स एक्स के रेस्पेक्ट में आप क्या करोगे, जो एक्स डैश है वो तो सेम रह जाएगा और जो वाई डैश है उसको माइनस वाई लिख दोगे, ये उसका आपका क्या पॉइंट है, मैं आपको तीन एक्सेस के रेस्पेक्ट में करके बता रहा हूँ, ये आपको याद होना चाहिए, कैसे याद करोगे इसका देखो मैं वापस बता रहा हूँ आपको, अगर आपको कोई भी पॉइंट गिवन है यहाँ पे एक्स पे, एक्स का कोऑर्डिनेट अगर आप इसके रेस्पेक्ट में मिरर इमेज लेते हो तो एक्स का तो सेम रहेगा, वाई का जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव हो जाएगा, मान लो मैंने आपको बोला कि 4 और 5 का मिरर इमेज बताओ एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में क्या नया कोऑर्डिनेट बनेगा, जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ दोस्तों, देखिए मैं पूरा आज आपको केड केम सीएनसी एनसी ट्रांसफॉर्मेशन जो गेट में आता है बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग एक सिंगल वीडियो में कवर कर रहा हूँ, ठीक है, लाइक दिस वीडियो टू, ओके चलिए, तो क्या सबको समझ में आ रहा है क्या करना है, नए कोऑर्डिनेट क्या देंगे, एक्स वाले को सेम लिख दो वाई वाले के आगे माइनस लगा दो, मतलब ये किसके रेस्पेक्ट में रोटेशन कर दिया हमने,
तो रोटेशन ने किसके रेस्पेक्ट का मिरर इमेज ले लिया, एक्स के रेस्पेक्ट में। ओके चलिए, तो डेफिनेटली ये आपको पता होना चाहिए। आकाश जैन जी अभी तो आप बोल रहे थे 60 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, अभी आप मैट्रिक्स नहीं लिख पा रहे, ठीक है। तो मैट्रिक्स लिखने के लिए आप इस वीडियो को थोड़ा सा देख जाइए, यहाँ पे मैंने पूरा प्रोसीजर समझाया था मैट्रिक्स बनाते कैसे, यहाँ कैलकुलेट करके पूरा का पूरा प्रोसीजर समझाया था मैट्रिक्स बनाते कैसे। ओके तो इसको सीख लीजिएगा, वीडियो के थोड़ा बेग जाके देख लीजिए। ओके चलिए, ऑलरेडी मैंने अभी भी एक्सप्लेन किया है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे अगर आप देखोगे अबाउट एक्स एक्सेस जो है वो आपका क्या आएगा, एक्स डेस इज इक्वल टू एक्स, वाई डेस इज इक्वल टू माइनस वाई। तो यहाँ पे जो भी आपको कोऑर्डिनेट एक्सेस देंगे ना, उसको आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, इस वाली मैट्रिक्स से। ये मैट्रिक्स आपको ध्यान रखना है, अगर मैंने आपको बोला कि चलो 10 और 15 ले लो, तो 10 और 15 को इससे मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आंसर मिलता है। यहाँ 10 रखा, यहाँ 15 रखा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना मिलेगा, 10 और माइनस 15, ठीक है। तो ये क्या है आपका, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बोलते हैं इसको, रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स बोलोगे इसको, सॉरी रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स बोलोगे, ट्रांसफॉर्मेशन भी बोल सकते हो, ट्रांसफॉर्मेशन में तो सारे ही आते हैं ये रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन सब। ओके तो ये आपकी क्या ट्रांसफॉर्मेशन, इससे मल्टीप्लाई करोगे आपको आंसर मिलेगा। कभी भी आपसे एक्स एक्सेस के लिए नहीं पूछेगा, काफी इजी क्वेश्चन बन जाता है आपसे पूछेगा, वाई एक्सेस का भी नहीं पूछेगा। वाई एक्सेस में बस क्या करना है, एक्स वाला कोऑर्डिनेट है उसको माइनस एक्स डेस कर देंगे। ओके एक्स डेस को माइनस एक्स डेस कर देंगे और वाई डेस को वाई कर देंगे। ओके तो यहाँ पे जो एक्स डेस वाई डेस है उसमें आर वाई एक्स और वाई आ जाएगा। इसको अगर आप सोल्व करोगे तो इसमें ये वाला मैट्रिक्स ध्यान रखना, देखो यहाँ पे माइनस वन आ गया, यहाँ वन आ गया, ठीक है, बाकी सेम है। ओके तो यू नीड टू नो अबाउट इट, आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। अगर इस ये भी आपसे गेट में नहीं पूछेगा, बस पता होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों अबाउट ओरिजन है। तो अगर मान लीजिए मैंने आपको एक पॉइंट दिया, सभी स्टूडेंट मुझे बताएंगे 10 और 15 मैंने आपको पॉइंट दिया, मुझे बताइए ओरिजिन के रेस्पेक्ट में अगर इसका मिरर इमेज मैं लूं तो नया कितना आएगा ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, मतलब इस डायग्राम को देखो, ये अगर एक्स वाई आएगा तो माइनस एक्स हो जाएगा, एक्स का कोऑर्डिनेट और वाई का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा माइनस वाई। तो आपको मिरर जो मैट्रिक्स होगी वो ये मिलेगी। इस मैट्रिक्स से अगर आप 10 और 15 को मल्टीप्लाई करोगे आपको कितना मिलेगा माइनस 10 और माइनस 15। क्या नया कोऑर्डिनेट एक्सेस आप निकाल लोगे, क्या नया कोऑर्डिनेट एक्सेस आप निकाल लोगे रिफ्लेक्शन के लिए, क्या समझ में आ जाएगा आकाश जैन जी? ये मैट्रिक्स आपको पता होनी चाहिए। देखिए वैसे तो आप इस क्वेश्चन को देख के ही कर लोगे कि एक्स एक्सेस में चार है तो माइनस में जाके माइनस चार होगा, तो वैसे तो बच्चा क्वेश्चन है, बट अगर आप मैट्रिक्स से करोगे तो काफी ज्यादा क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे। ओके अगर हम बात करें दोस्तों फ्यूजन के बारे में, अगला कौन सा कॉन्सेप्ट करें दोस्तों, अगला हम कॉन्सेप्ट करेंगे कि मान लो आपको एक पॉइंट दे दिया, ये वाला, ये पॉइंट आपको दिया है क्वेश्चन में, जस्ट वेट ए सेकंड गाइस। मान लो आपको क्वेश्चन में ये वाला पॉइंट दिया, ये पी वाला पॉइंट आपको दिया है जिसकी वैल्यू एक्स और वाई है, ये पी वाले पॉइंट की वैल्यू कितनी एक्स और वाई। या आकाश जैन जी मैट्रिक्स बनाना मैंने आपको यहाँ सिखाया, अगर आपने मैट्रिक्स बनाना नहीं सीखा तो थोड़ा पीछे जाके ये वाला देख लीजिएगा, इस वाले सेक्शन को देखिएगा, 20-30-40 सेकंड पीछे जाइए, यहाँ पे पूरा मैंने प्रोसीजर समझाया मैट्रिक्स बनाते कैसे। ओके चलिए तो यहाँ पे आपको देखना है कि ये वाली वैल्यू भी आपकी आ जाएगी। अगर इस पी वाला जो पॉइंट है इसको अगर मैं रेस्पेक्ट में रोटेशन लू, किस नई आपको बोल दिया कि इसको वाई बटा एक्स के रेस्पेक्ट में रोटेशन कराओ, सॉरी मिरर इमेज लो, मतलब मिरर जो है वाई बाई एक्स लाइन पे रखा हुआ है, तो उसमें आप कैसे कैसे करोगे दोस्तों, जो एक्स वाला कोऑर्डिनेट है वो वाई वाला कोऑर्डिनेट बन जाएगा, जो वाई वाला कोऑर्डिनेट है वो एक्स वाला कोऑर्डिनेट बन जाएगा। जैसे मान लो मैंने आपको बोला 10 और 15 है, अब मुझे इसका y बटा x के रेस्पेक्ट में मैंने क्या किया, इसका मिरर इमेज ले लिया, तो नया कोऑर्डिनेट x का कितना आ जाएगा 15 और y का कितना आ जाएगा 10। क्या समझ में आया नहीं आया? ओके क्या सबको समझ में आया नहीं आया? क्या किया हमने, अगर मान लो कोई मैट्रिक्स में आपको ऐसे बोले कि y इज इक्वल टू x के रेस्पेक्ट में हम ले रहे हैं, तो जो x वाला कोऑर्डिनेट है वो y बन जाएगा, y वाला कोऑर्डिनेट x बन जाएगा। ओके तो उसका जो मैट्रिक्स है वो जीरो, देखो इस तरीके से आ रहा है, 1-1 मैट्रिक्स होगा, ये ट्रांसलेशन मैट्रिक्स आपको पता होना चाहिए। ये मैट्रिक्स पे बेस्ड डायरेक्टली क्वेश्चन भी आते हैं, आपको पता होना चाहिए कि वाई एक्सेस की मिरर इमेज का ये मैट्रिक्स होता है, एक्स एक्सेस की मिरर इमेज का ये होता है, अगर दोनों का ओरिजिन के रेस्पेक्ट में देखते हैं तो ये आता है, और अगर मान लो नॉर्मल आता है तो ये आता है, ऐसा एक क्वेश्चन आया हुआ है गेट में, आपको ये वाला पता होना चाहिए। अगला देखेंगे दोस्तों, अगर वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स बोला तो ये मैट्रिक्स आपको याद होना चाहिए, वो आप देख रहे हो बन कैसे रही है, क्योंकि फाइनली आपको क्या करना है, आपको सॉल्यूशन निकालना है, तो ये मैट्रिक्स फॉर्म अगर आपको याद होगी तो ज्यादा बेटर रहेगा। अगर आपको y इज इक्वल टू माइनस एक्स लाइन बोल दी तो ये वाला याद होना चाहिए आपको, y इज इक्वल टू माइनस एक्स, y इज इक्वल टू माइनस एक्स वाली लाइन बोल दी तो ये वाली मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे आपको आंसर मिल जाएगा। ये 3-4-5 मैट्रिक्स याद भी होनी चाहिए, डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछ लेता है इन मैट्रिक्स का। ओके अब हम बात करेंगे दोस्तों स्केलिंग की, व्हाट इज द स्केलिंग। मान लो किसी चीज को बड़ा कर रहे हो, मतलब मान लीजिए कोई जो पॉइंट है, अगर ये लाइन जो थी ना आपकी, अगर मैं आपको बोल दूं कि ये जो लाइन है वो पहले इतनी सी थी, इसका कोऑर्डिनेट 2 और 4 था,
अब मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ कितना, इस लाइन को मैं 2 से बड़ा कर रहा हूँ, 2 एक्स एक्सिस में भी 2 से, वाई एक्सिस में 3 से बड़ा कर रहा हूँ। मतलब ये 2 क्या है, जिस 2 से मैं बड़ा कर रहा हूँ, ये इसका स्केलिंग एस एक्स का कौन सा वैल्यू कितना आएगा, 2, एस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 3, मतलब आप उसको बड़ा कर रहे हो ना। तो इसकी मैट्रिक्स आपको ये याद रखनी है, एस एक्स और एस वाई, एक्स वाई। तो जब आप पुट करोगे ना इसको 2, मतलब जो एक्स वाला कोऑर्डिनेट पहले 2 था वो अब 4 बन जाएगा, वाई वाला कोऑर्डिनेट जो 4 था वो अब 12 बन जाएगा। मतलब ये लाइन अब आगे जाके इतनी बड़ी, 3 गुना बड़ी बन जाएगी, मतलब 4 12 जो है वो 2 3 2 4 वाले पॉइंट का 3 टाइम बड़ी लाइन होगी। समझ में आया नहीं है, मतलब किसी चीज को बड़ा कर देना, इनलार्ज कर देना, या फिर छोटा भी कर सकते हो आप। अगर पॉइंटों में ले लोगे ये इसके एस एक्स और एस वाई की वैल्यू 0.2 0.3, तो उतना ही छोटा कर देगा वो उसको। ओके डेफिनेटली आकाश जेंदी, आई विल ट्राई टू कवर इट। ओके चलिए अगला हम देखेंगे शेयरिंग, व्हाट इज द शेयरिंग। शेयरिंग में क्या होता है, आपको अबाउट एक्स एक्सेस आप रोटेट कर रहे हो, मान लो शेयरिंग जो कर रहे हो आप अबाउट एक्सेस कर रहे हो, तो उसमें इसमें आपका 1/1 ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स याद रखना है कि सारे वैल्यू 1/1 होंगे, बस ये एक्स एक्सेस वाला आपका कोई टी एक्स यहाँ पे वैल्यू होगा। अगर वाई एक्सेस के रेस्पेक्ट में शेयरिंग कर रहे हो तो आपका टी वाई होगा और बाकी सारे जो होंगे वो 1/1 होंगे और बाकी सारे जो बचे हुए 0। अगर आपको बोल दिया एक्स और वाई दोनों में कर रहे हैं तो यहाँ पे टी वाई भी आएगा, टी एक्स भी आएगा, ठीक है। तो ये 3 मैट्रिक्स की फॉर्म याद रखनी है, बहुत ही कम क्वेश्चन आता है इस टॉपिक इस वाले में से, तो डू नॉट वरी। ओके अगला हम देखेंगे रोटेशन ऑफ द पॉइंट इन 3D प्लेन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और इसी में से क्वेश्चन आए हुए हैं, गेट 2019 के सेट 2 में भी क्वेश्चन आया था, इसमें से सेट 2 में इसमें क्वेश्चन आया था, गेट 2019 के पेपर में भी, रोटेशन ऑफ ए पॉइंट इन ए 3D प्लेन, रोटेशन ऑफ पॉइंट इन ए 3D प्लेन, उसमें भी क्वेश्चन आया था। सो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कैसे आएगा। अगर आपने एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में किया तो ये वाला मैट्रिक्स याद होना चाहिए, इससे आप मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा, काफी आसान है दोस्तों। अगर आपको याद होगा तो ये वाला हमने पहले ही पढ़ा था, ये क्या हमने पढ़ा था क्या मैट्रिक्स रोटेशन वाले में, कोस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा कोस थीटा, क्या ये पहले पढ़ा था। तो अगर आपने आर एक्स निकाल लेना है, अगर यू वांट टू निकालना है आर एक्स, तो आप एक्स वाले कोऑर्डिनेट को 1 ले लोगे, बाकी इन दोनों को पुट कर दोगे, एक्स वाले के जो बाकी बचे हुए आएंगे जो एक्स वाली लाइन में आ रहे वो 0 हो जाएंगे। क्या समझ में आया नहीं आया, तो ये वाला तो आपने ऑलरेडी पढ़ा, याद क्या रखना है, जब आर एक्स है तो 1 को यहां रख दोगे, अगर आर एक्स का यहाँ पे वापस बनाया हुआ देखो आर एक्स होगा तो ये रख दोगे, अगर आर वाई आया तो आर वाई का मतलब बाकी सबको रख दोगे, बस आर वाई में ये 1 आएगा और माइनस देखो इसमें उल्टा हो रहा है, बस आर वाई का ही ध्यान रखना है, बाकी सब में आपका सेम ही हो रहा है। आर जेड में क्या रखोगे, जेड वाले को 1 रख दोगे, बाकी जो मैट्रिक्स है ये वाली हमने ऊपर वाली उठा के रखी है सेम मैट्रिक्स है, बस ये ध्यान रखना है आर वाई वाले में जो माइनस का सिंबल है वो चेंज हो जाता है, यहां नहीं आके वो यहां आता है, ठीक है। बाकी सब में तो जो हमने रोटेशन की मैट्रिक्स सीखी थी वही याद रखनी है आपको, ठीक है, उसी से हो जाएगा, ठीक है। केवल आर वाई का ध्यान रखना है, आर वाई स्पेशल केस है जिसमें माइनस आ जा रहा है यहाँ पे, बाकी आप वो याद रख लो। और ये याद रख लो कि जो आर एक्स बोलेगा तो जो एक्स वाला कोऑर्डिनेट है 1 1 उसको 1 रख दूंगा, अगर आर वाई बोलेगा तो इसको 1 रख दूंगा, अगर आर जेड बोलेगा तो इसको 1 रख दूंगा। अंदर वाला जो रोटेशन वाला मैट्रिक्स आपको ऑलरेडी याद है, और इस वाले को अगर आप देखोगे तो ये आर वाई में बस माइनस चेंज हो जाता है। ओके सो आई होप आपको ये वाला चीजें सारी ऑब्जर्व हो गई होगी, सारी वैल्यू याद हो गई होगी, ठीक है। वी विल रीच आउट द 98 लाइक, जल्दी से हम 100 लाइक पहुंचने वाले हैं, थैंक यू सो मच फॉर दैट। ओके अब हम बात करेंगे दोस्तों एग्जांपल की। मान लो एक क्वेश्चन दे दिया आपको, ये गेट का क्वेश्चन है, मान लो यही गेट में क्वेश्चन आएगा, वो ऐसे आएगा आपको गेट में क्वेश्चन ऐसे देगा, मान लो एक पॉइंट है 1 3 -5, ये ट्रांसलेटेड बाय 2i 3i -4j, इसमें दोनों क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों। ओके आकाश जैन जी, आपसे थोड़ी गुजारिश है, आज मैं केड केम पढ़ा रहा हूँ तो प्लीज आप केड केम पे फोकस करिए, अगर आपको एक्स्ट्रा नॉलेज चेक करनी है, अगर आपको मेरा टेस्ट लेना है तो आप, मैं आपको टेलीग्राम पे आके मेरा टेस्ट ले लीजिएगा, जो भी आपको आप पेपर बना के दे दीजिए, आई विल ट्राई टू सोल्व योर क्यूरी। ओके तो अभी आपको डाउट पूछना है तो प्लीज आप डाउट क्लास भी लेता हूँ मैं, उसमें डिस्कस करिए, बार बार आप जो क्लास का फ्लो है उसको खराब मत करिए, आई रिक्वेस्टेड फ्रॉम यू। ओके अगर आपको डाउट है तो आप मुझे टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, अलग पूछ सकते हैं, हम पर्सनली फोन पे फोन कॉन्टेक्ट बाद अनअकैडमी की ऐप पर भी बात कर सकते हैं, बट बार बार ऐसे आप क्लास को थोड़ा डिफेक्ट वो मत करिए, आई वांट टू रिक्वेस्ट फ्रॉम योर साइड। ओके चलिए तो क्या बात है, आपको सबको ये क्लियर है क्या। तो यहाँ पे आपका 2i -3j -4k जो है, देन रोटेट काउंटर क्लॉकवाइज बाय 90 डिग्री अबाउट जेड एक्सेस, फाइंड द न्यू पोजीशन ऑफ द पॉइंट, इट इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, अगर हम गेट के हिसाब से देखें तो ये बन सकता है। ओके वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन अगर हम देखें दोस्तों गेट के हिसाब से बन सकता है। और दोस्तों आज के इस वीडियो में अगर आपने देखा होगा, आई विल वर्क हार्ड फॉर यू, और ये शॉर्ट नोट्स आपको लीड गेट में डाल दूंगा मैं, पूरा मैट्रिक्स सीएनसी एनसी कोडिंग सब कुछ आपको कंप्लीट करवा दिया यहां तक,
इसके बाद सोम का रिवीजन भी जल्दी करेंगे, तो यहाँ पे आपको एनसी सीएनसी कोडिंग सारे कोड सारा ट्रांसलेशन ट्रांसफॉर्मेशन रोबोटिक्स के जो छोटे मोटे टॉपिक है अपने सिलेबस में, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग करवाने वाला हूँ अभी थोड़ी सी देर में, तो जो बच्चे अभी भी आए हैं वो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग पढ़ लीजिए, बाकी बाद में पढ़ लीजिएगा, लास्ट टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन का, फिर एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग पढ़ेंगे। ओके चलिए, तो क्या यहाँ पे अब आपको इस क्वेश्चन में ट्रांसलेशन का भी दिया है और रोटेशन का भी दिया, दोनों दिया है, तो मान लो कि अगर आपका जो इनिशियल पॉइंट था वो कितना है 1, 3 और माइनस फाइव है, ये आपको इनिशियल पोजीशन गिवन है कितना है 1, 3 और माइनस फाइव, आपको बोला इसको 2i माइनस 3j माइनस 4k से ट्रांसलेट करो, मतलब जो इसमें 2i दिख रहा है ना, मतलब x वाले को कितना रोटेट कितना करेंगे प्लस 2, तो कितना बन जाएगा नया 3 बन जाएगा या नहीं बन जाएगा, y वाले को कितना ट्रांसलेट कर रहे हैं, y वाले को कितना कर रहे हैं 3, ऑलरेडी 3 से ट्रांसलेट कर रहे हैं और 3 पहले से ही है, क्या वो 6 बनेगा या नहीं बनेगा जल्दी बता दो मुझे, और जो माइनस 5 है इसको किससे ट्रांसलेट कर रहे हैं माइनस 4 से, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट माइनस 4 है, तो माइनस 4 और माइनस 5 कितना हो जाएगा माइनस 9, क्या ये आफ्टर ट्रांसलेशन वाली मैट्रिक्स आपको समझ में आई कैसे पॉइंट निकाला मैंने, क्या ये आफ्टर ट्रांसलेशन वाली मैट्रिक्स का पॉइंट समझ में आया आपको कैसे निकाला मैंने, कैसे मैंने कैलकुलेट किया आफ्टर ट्रांसलेशन की मैट्रिक्स का पॉइंट, आई होप यू गाइस आर गेटिंग इट, आपको ये वाली चीज समझ में आई होगी कि आफ्टर ट्रांसलेशन की मैट्रिक्स हमने कैसे कैलकुलेट की है। ओके तो क्या कर रहे हैं हम, जो भी हमें पॉइंट गिवन है वेक्टर की फॉर्म में उसमें जो कंपोनेंट है उसको ऐड कर देंगे उस पॉइंट के अंदर, अब आपको बोला 90 डिग्री जेड एक्सेस में, तो आपको जेड वाला याद रखना है, जेड वाली मैट्रिक्स कौन सी थी, ये वाली, क्या जेड वाली मैट्रिक्स ये वाली मैट्रिक्स थी, यही तो थी जेड वाली मैट्रिक्स, तो इस वाली मैट्रिक्स से आप क्या करोगे जो भी आपके कोऑर्डिनेट सिस्टम ट्रांसलेशन के बाद वाले हैं उनको मल्टीप्लाई कर दोगे, तो देखो नए कोऑर्डिनेट क्या है 3, 6, -9 और यहाँ पे कोस थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा यहाँ 1 है, अब आप क्या करोगे कोस थीटा की इसको अगर वैल्यू को सोल्व करते हो तो आपको पता है ये मैट्रिक्स कितनी है 3/3 की मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स 3/1 की मैट्रिक्स है, सॉल्यूशन कितना मिलेगा 3/1 का मिलेगा, सोल्यूशन आपको कितने का मिलेगा 3/1 का, मतलब आप इसमें वैल्यू रख के सोल्व करोगे तो क्या एक्स डेस की वैल्यू ये नहीं आ जाएगी 3 cos θ - 6 sin θ, आपको मैट्रिक्स सोल्व करना आता होगा, इस cos θ को 3 से करोगे माइनस साइन थीटा को 6 से करोगे और ये 0 को 9 से करोगे तो आपको एक्स डेस की वैल्यू मिल जाएगी, ऐसे ही साइन थीटा को 3 से करोगे cos θ को 6 से करोगे 0 को माइनस 9 से करोगे वाई डेस की वैल्यू मिल जाएगी, और इस जेड को किससे करोगे सॉरी जेड की वैल्यू के लिए कोई नहीं है ये 0 हो जाएगा ये 0, इस 1 को माइनस 9 से करोगे तो जेड डेस की वैल्यू डायरेक्टली आपको माइनस 9 मिल गई। ओके तो ये आपको अगर आप इसमें थीटा की वैल्यू 90 पुट कर दोगे, जो क्वेश्चन में कितना भी एंगल दिया है मान लो 90 दिया 30 दिया, अगर आप उसकी वैल्यू पुट कर दोगे यू विल डायरेक्टली गेट द न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम, और यही आपका गेट में एक दो बार ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं आके देख लेना, प्रीवियस ईयर में आपको 2-3 क्वेश्चन दिखेंगे। क्या सबको माइंड में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ईच एंड एवरीथिंग यू गाइज एबल टू अंडरस्टैंड, जो मैंने आपको ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन किया, क्या सभी पॉइंट आपको समझ में आए बिल्कुल अच्छे से, भाई आज के इस वीडियो में आपको इतने अच्छे से पूरे टॉपिक कवर करवा दिया मैंने, एनसी सीएनसी कैड गेम कवर हो चुका है, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग ट्रांसफॉर्मेशन भी कवर हो चुका है, अब मैं एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग करवा रहा हूँ। ओके तो डेफिनेटली दोस्तों थ्योरेटिकल पार्ट है, तो थ्योरेटिकल पार्ट में हम थोड़ा थ्योरेटिकल को थोड़ा थ्योरेटिकल वे में पढ़ेंगे। ओके क्योंकि इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही बनेगा एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में, इसमें न्यूमेरिकल नहीं बनेगा, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बनेंगे, तो मैं जल्दी से भी आपको सारी चीजें कवर करवा रहा हूँ, फास्ट आपको बस समझते जाना है, जो मैं लाइनें समझा रहा हूँ उस लाइन को समझना है, आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। ओके एंड एक बार जल्दी से थंबनेल भेज दो और वीडियो को लाइक कर दो, देखिए गाइस आई विल वर्क हार्ड, आपको ये शॉर्ट नोट्स में लीड के टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, सारे सब्जेक्ट के डले हुए ऑलरेडी, जाके डाउनलोड कर लीजिएगा आप, ठीक है। चलिए एक बार आग लगा दीजिए, लाइक वगैरह कर दीजिए, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, देन हम शुरू करते हैं वापस एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का टॉपिक, फास्ट पढ़ेंगे। ओके सो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग आपका क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग रेफर करता है प्रोसेस को बाय विच डिजिटल 3D डिजाइन जो है डाटा जो है उसको यूज किया जाता है बिल्ड करने में कंपोनेंट इन ए लेयर मैनर बाय डिपॉजिटिंग मटेरियल। ओके अब काफी सारे स्टूडेंट मैं इसमें आपको क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ, एक देखिए यहाँ पे क्वेश्चन भी एड किया हुआ है आपके लिए, तो एक क्वेश्चन भी मैं आपको सोल्व करवाऊंगा जिसपे क्वेश्चन आ सकता है, ये देखिए एक अच्छा सा क्वेश्चन है आपके लिए, तो क्वेश्चन भी सोल्व करवाऊंगा, डू नॉट वरी, कैसा एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का एक न्यूमेरिकल भी सोल्व कवर करवाने वाला हूं मैं आपको, ठीक है। चलिए एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग रेफर करती है एक ऐसे प्रोसेस को जिसमें जो डिजिटल 3D डिजाइन जाता है उसको यूज किया जाता है बिल्ड करने में कंपोनेंट को लेयर बाय लेयर, मतलब आपने क्या किया, आपने बचपन में देखा होगा 3D प्रिंटिंग, किस किसने देखा है 3D प्रिंटिंग आपने देखा होगा, तो उसमें क्या होता है कंप्यूटर के अंदर एक डिजाइन होती है, 3D डिजाइन बनी हुई होती है, उस 3D डिजाइन को हम क्या करते हैं
3D प्रिंटर के माध्यम से उसको रियल में लेके आते हैं, जिसमें लेयर बाय लेयर क्या होता है उसका मैन्युफैक्चरिंग होता है। अगर आपको आपको देखना है कि सर 3D एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग होता किसे, तो आप क्या करोगे, कोई भी मशीन लोगे, उस कोई भी मशीन के अंदर आप क्या कर दोगे, कोई भी मशीन लेके उस मशीन के अंदर आप क्या करोगे कि जल्दी से आपने डिजाइन डाला और उसमें आपने जिस भी मटेरियल का आपको डालना बनाना है वो मटेरियल डाल दो, वो ऑटोमेटिकली जो शेप उस डिजाइन में बना हुआ है उस शेप को क्रिएट कर देगा लेयर बाय लेयर बना के। ओके, सो डेफिनेटली ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि जो आपका एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग है किसको डिफाइन करता है। आपका एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग रिफर करता है एक ऐसे प्रोसेस को जिसमें जो डिजिटल 3D डिजाइन है वो कन्वर्ट होती है किसमें, डिपोजिटिंग मटेरियल में। ओके, अगला आएगा 3D प्रिंटर, इसी का टाइप है, रैपिड प्रोटोटाइपिंग, फ्री फॉर्म फैब्रिकेशन, ये सारे आपके एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग ही है। अगर आपको बोल दे कि एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग कौन कौन सी जगह देखी है, तो आप बताओगे 3D प्रिंटिंग में देखी है, रैपिड प्रोटोटाइपिंग में देखी है, फ्री फॉर्म फैब्रिकेशन में देखा है। इस टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए जो 3D ऑब्जेक्ट है उनको प्रोड्यूस किया जाता है स्टैकिंग लेयर ऑफ मटेरियल वन बाय वन ओवर द प्रीसीडिंग लेयर्स बाय मेल्टिंग और पर्टिकुलर मेल्टिंग मेटल। मतलब ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें आप क्या करोगे, कोई भी जो 3D ऑब्जेक्ट होता है उसको लेयर बाय लेयर टेक्निक से, एक लेयर आएगी दूसरी लेयर पे चिपक जाएगी, दूसरी लेयर आएगी तीसरे लेयर पे चिपक जाएगी, तीसरी लेयर आएगी चौथी लेयर पे चिपक जाएगी, तो लेयर बाय लेयर आप क्या करते हो इसमें मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट कर देते हो। ओके, तो व्हाट यू कैन डू, लेयर बाय लेयर आप क्या करते हो इसमें मैन्युफैक्चरिंग करना आप स्टार्ट कर देते हो। तो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग आप एक का ऐसा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं लेयर बाय लेयर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं किसी भी 3D ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए। ओके, तो इसका ब्लॉक डायग्राम क्या होगा, मान लो कि आपने कंप्यूटर के अंदर कोई भी 3D मॉडलिंग करी, कंप्यूटर एडेड ड्राइविंग करी, या फिर रिवर्स इंजीनियरिंग आपने कोई टेक्निक यूज की। ओके, इसके बाद में आप क्या करोगे, इसको CAD को किसमें कन्वर्ट करेंगे, कोई भी जो फंक्शन है ठीक है STL में कन्वर्ट कर लेंगे। इसके बाद STL क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, STL होता है आपका स्टीलोथोग्राफी फाइल, स्टीलोथोग्राफी फाइल वो मैं बताऊंगा वो क्या होती है, इसको डिस्कस करूंगा मैं, डू नॉट वरी। ये आपने क्या किया, CAD को STL फाइल में कन्वर्ट कर लिया, इसको क्या होगा स्लाइस के फॉर्म में ये कन्वर्ट करेगा, एक स्लाइस बनेगी दूसरी स्लाइस, ये चलता जाएगा, लेजर स्कैनर इसको समझेगा, पाथ जनरेट करेगा कि कौन सा पाथ उसको फॉलो करना चाहिए, एंड देन पोस्ट प्रोसेसिंग आपका होगा और वो मशीन जो है वो लेयर बाय लेयर मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट कर देगी। ओके, चलिए तो ये ज्यादा थ्योरेटिकल वे में आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला आएगा कन्वर्जन ऑफ CAD फाइल टू सिंपल लिथोग्राफिक फाइल। तो इसके लिए क्या होता है, आपको जरूरी है जो भी आप कंप्यूटर में डिजाइन बनाते हो, कंप्यूटर एडेड ड्राइंग, आपने कई लोगों ने CAD का कोर्स किया होगा, आप में से कितने लोगों ने CAD का या KEM का या इन सब का कोर्स किया है कंप्यूटर में, कितने लोगों ने कंप्यूटर एडेड ड्राइंग वगैरह का कोर्स कर रखा है बीटेक लाइफ में, आप में से आई होप आप में से कई स्टूडेंट जो होते हैं उन्होंने कंप्यूटर एडेड ड्राइविंग वगैरह इनका कोर्स कर रखा होगा। तो आप क्या करेंगे, कन्वर्जन करेंगे CAD फाइल को STL फॉर्मेट में, कन्वर्जन किसको करेंगे, CAD फाइल को STL फॉर्मेट में आप कन्वर्ट करेंगे। मतलब इट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट CAD मॉडल इनटू STL, यानी कि स्टीलोथोग्राफिक फाइल में आप क्या करोगे उसको कन्वर्ट कर लोगे। ये एक ऐसी फाइल है जो रिक्वायर्ड होती है कन्वर्ट करने में, कंप्यूटर एडेड जो CAD फाइल है उसको किसमें कन्वर्ट कर रहे हो आप, स्टीलोग्राफिक फाइल में कन्वर्ट कर रहे हो। ओके, चलिए तो यहाँ पे आप क्या होगा, जो STL होती है यूज करती है ट्राइंगल पॉलीगन्स टू डिस्क्राइब सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये STL फाइल क्या करती है, उस सरफेस को ऑब्जर्व करती है, उसको समझेगी कि जो आपका मान लो जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा दिखेगा। तो ईच ट्राइंगल इज डिस्क्राइब एज 3 पॉइंट एंड फैक्ट नॉर्मल वेक्टर इंडिकेटिंग द आउटवर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल। अब मान लीजिए आपने जो STL बनाया वो एक हर एक सर्फेस को ऑब्जर्व करेगी, उस सर्फेस के हिसाब से अपना डिसीजन लेगी कि उसको कैसे कैसे लेयर बाय लेयर सेमली आपको प्रोसीजर बनाना है। ओके, चलिए वेलकम रोशन जी। तो अब मेन पर्पस क्या होता है STL फाइल का, ये क्या करती है कि जो 3D ऑब्जेक्ट आप बनाते हो उसकी जो सरफेस ज्योमेट्री है उसको इनकोड करती है, क्या करेगी उसको इनकोड करती है, ठीक है। और इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं टेसिलिएशन। ओके, ये टेसिलिएशन वर्ड आपको याद होना चाहिए, अगर कई बार आपका क्वेश्चन आ जाए गेट में अगर थ्योरेटिकल आ जाए, क्योंकि नया टॉपिक ऐड किया है, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग पहले नहीं हुआ करता था, तो आपको पता होना चाहिए टेसिलिएशन मतलब जो आपका 3D ऑब्जेक्ट है उसकी जो सरफेस ज्योमेट्री को रीड करना, इनकोड करना STL फाइल फॉर्मेट के अंदर, उसको हम बोलते हैं टेसिलिएशन। ओके, तो जो टेसिलिएशन प्रोसेस होता है ये वेरी करता है सरफेस ऑफ CAD मॉडल से, कि आप पीस वाइज अप्रोक्सीमेशन लगा रहे हो या किस तरीके से लगा रहे हो, उस हिसाब से आप अपने पर्टिकुलर सरफेस को लिस्टेड कर लेते हो। ओके, तो आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब जो STL फाइल होती है वो आल्सो रेफर करती है स्टैंडर्ड ट्राइंगल, इसका फुल फॉर्म अगर आप देखोगे स्टैंडर्ड ट्राइंगल लैंग्वेज, क्या है इसका फुल फॉर्म, स्टैंडर्ड ट्राइंगल लैंग्वेज या फिर स्टैंडर्ड टेसिलिएशन लैंग्वेज, दोनों ही बोल सकते हो आप।
एचटीएल को क्या बोल सकते हो आप, स्टैंडर्ड ट्राइंगल लैंग्वेज, फुल फॉर्म आ सकता है, गेट में एक क्वेश्चन आ सकता है, स्टैंडर्ड ट्राइंगल लैंग्वेज या फिर स्टैंडर्ड टेसिलेशन लैंग्वेज, दोनों ही करेक्ट होंगे। तो एचटीएल फाइल जो होती है उसको दो वे में हम स्टोर करते हैं। अब एचटीएल फाइल बन गई, जो हमने कंप्यूटर एडेड ड्राइंग के अंदर जो आपने सॉफ्टवेयर बनाया था उसमें सारे जो डाटा बन चुके थे उस डाटा को अब आप क्या करोगे, सारा डाटा बन चुका था तो आप एचटीएल में कन्वर्ट कर लोगे। एचटीएल को क्या करोगे, आप स्टोर करके रखोगे। तो उसके लिए आपका दो तरीका होता है, एक है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज, इसको शॉर्ट में बोलेंगे ASCII इनकोडिंग, ओके। तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, इसमें आप क्या करते हो, जो फाइल होती है इसको विजुअली अर्ली टू आप इसको रीड कर लोगे, मतलब ये फाइल को आप बहुत जल्दी रीड कर सकते हो, चेक कर सकते हो, ओके, और मैन्युअली इंस्पेक्ट कर सकते हो इन वाली फाइल को। जो एचटीएल फाइल होती है इसको अगर आप इस कोडिंग में डालोगे तो आप इसको मैन्युअली इंस्पेक्ट भी कर सकते हो कि जो कोडिंग हुई है, एचटीएल फाइल बनी हुई है, क्या वो सही से बनी है नहीं बनी, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्या है आपका, बाइनरी एचटीएल फाइल फॉर्मेट, ये सेकंड तरीका है, ये नाम याद होने चाहिए। बाइनरी फाइल आर स्मॉलर साइज में, छोटी होगी, इजी होगी शेयर करना, इसको आप आसानी से शेयर कर सकते हो और रिकमांड कर सकते हो 3D प्रिंटिंग में काफी इजीली। तो सबसे ज्यादा अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा फाइल फॉर्मेट एचटीएल का यूज होता है 3D प्रिंटिंग में, तो आप बोलोगे बाइनरी एचटीएल फाइल फॉर्मेट, ओके। अब एचटीएल फाइल फॉर्मेट के कुछ रूल्स होते हैं, वो कौन से रूल है, वर्टिक्स टू वर्टिक्स रूल। ये क्या है, ईच ट्राइंगल जो आप बनाओगे मस्ट शेयर टू वर्टिक्स विद अ नेबरिंग ट्राइंगल, दैट इज वर्टिक्स ऑफ वन मस्ट नॉट लाई ऑन द साइड ऑफ अनदर वन। मतलब अगर मान लो आपने एक शेप बनाया तो वो ऐसे ट्राइंगल शेप बन जाएगा, दूसरा क्या करेगा फिर इसके ऊपर बन जाएगा, ठीक है, कुछ ऐसा बन जाएगा, तो ऐसे ट्राइंगल बाय ट्राइंगल शेप बनता हुआ जाएगा, ओके। जो हमने 3D प्रिंटिंग का मॉडल बनाते हैं उसमें ट्राइंगल बाय ट्राइंगल शेप बनता हुआ जाएगा, ओके ओके तो वर्टिक्स टू वर्टिक्स बनेगा। दूसरा आएगा ओरिएंटेशन रूल, ये क्या है, ओरिएंटेशन ऑफ फेस मस्ट बी डिफाइंड क्लियरली, मतलब जो भी ओरिएंटेशन होगा फेस का वो आपको डिफाइंड होना चाहिए क्लियरली। और जो ओरिएंटेशन जो होगा वो दो वे में हम डिफाइन कर सकते हैं, पहला आपका आएगा डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल वेक्टर मस्ट पॉइंट आउटवर्ड, जो भी आपका पॉइंट वेक्टर नॉर्मल वेक्टर होगा वो आउटवर्ड की तरफ शो करना चाहिए। एंड जो वर्टिक्स शुड बी लिस्टेड इन काउंटर क्लॉकवाइज ऑर्डर व्हेन लुकिंग फ्रॉम द आउटसाइड, अगर आप बाहर से देखोगे ना तो जो भी वर्टिक्स आपकी दिखेगी उसको काउंटर क्लॉकवाइज ऑर्डर में देखना है आपको, जब भी आप आउटसाइड में देखोगे। तो ओरिएंटेशन और वर्टिक्स वर्टिक्स रूल, काफी लोग बोलेंगे सर ये थ्योरेटिकल गेट में कैसे बनेंगे, तो मेंस द कॉलम के क्वेश्चन बनेंगे, थोड़ा थोड़ा आपको नॉलेज होना चाहिए, ज्यादा डिटेल में जाने की नीड नहीं है, ओके, क्योंकि एक नया टॉपिक एड किया है, दैट्स व्हाई वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस, ओके। ऑल पॉजिटिव ऑक्टेंट रूल क्या है, ये ऑल पॉजिटिव ऑक्टेंट रूल इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू, ऑल द कोऑर्डिनेट ऑफ द ट्राइंगल वर्टिक्स मस्ट बी पॉजिटिव, जितने भी कोऑर्डिनेट है आपके ट्राइंगल वर्टिक्स के सारे क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, मस्ट बी पॉजिटिव, मतलब सारे के सारे आपके क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। इसका मतलब क्या है, जितने भी कोऑर्डिनेट है आपके ट्राइंगल वर्टिक्स में सारे के सारे आपके क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए, यू नीड टू नो अबाउट इट। अगला क्या आएगा, लिमिटेशन ऑफ टेसिलेटेड एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ केड फाइल, ये क्या है, लिमिटेशन को डिफाइन करता है टेसिलेटेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ केड फाइल, मतलब उसमें लिमिटेशन क्या है, कुछ लिमिटेशन भी तो होगी, हो सकता है जब आप क्रिएट कर रहे हो, तो इंक्रीज द रिवोल्यूशन, अगर आप जैसे जैसे रिजोल्यूशन को बढ़ाते जाओगे मोर ट्राइंगल आपको अप्रोक्सीमेट करने पड़ेंगे किसी भी 3D मॉडल को डिफाइन करने के लिए। मतलब आपने जैसे जैसे रिजोल्यूशन बढ़ाया, अगर आप मान लीजिए कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में अगर आप कोई डिजाइन बना रहे हो उसमें जैसे जैसे रिजोल्यूशन बढ़ाओगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा ट्राइंगल यूज करने पड़ेंगे, क्योंकि हम जो भी मान लो ये केड मॉडल जो था वो आपका ऐसा बन के आया, तो एचटीएल मॉडल में देखो ट्राइंगल 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 के फॉर्म में दे दिया, अब आपने रिजोल्यूशन बढ़ाओगे तो यहाँ नंबर ऑफ ट्राइंगल आपको बहुत ज्यादा लगाने पड़ेंगे। या प्रजक्ता पगार जी, इट विल बी इंपॉर्टेंट फॉर द गेट बिकॉज आपका एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग बिल्कुल नया टॉपिक एड किया है, तो आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन जाए इस पे, ओके। अगला आएगा कि बेटर बट आल्सो इंक्रीजिंग साइज ऑफ एचटीएल फाइल भी आपको देखना है, आल्सो रिजोल्यूशन मस्ट नॉट बी टू लो, आपका बहुत ज्यादा लो नहीं होना चाहिए 3D प्रिंटिंग में, मतलब रिजोल्यूशन ऐसा हाई भी नहीं करना है, हाई कर दोगे तो ज्यादा नंबर ऑफ ट्राइंगल चाहिए, रिजोल्यूशन काफी कम भी नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने कम कर दिया तो फिर आपके ट्राइंगल बिल्कुल कम हो जाएंगे, जो आपका आप केड को एचटीएल में कन्वर्ट करना चाहोगे होगा ही नहीं, ओके। अगर आप ओरिजिनल डिजाइन की बात करें तो वो आपका लिस्ट बिकॉज ऑफ पीस वाइज अप्रोक्सीमेशन ऑफ सरफेस दिस मैक्सिमम डेविएशन बिटवीन ओरिजिनल केड सरफेस इज ट्रांसलेशन मॉडल टर्म इज क्रेडाइल एरर, क्रोडाइल एरर आ जाएंगे। क्रोडाइल एरर क्या होता है, मान लो कि आप जो भी केड मॉडल बनाओगे उसको पीस वाइज बनाते हो सकता है कि कोई भी एक ट्राइंगल का जो शेप है वो इफेक्ट हो गया, या फिर कोई भी जो ओरिजिनल शेप है किसी भी पर्टिकुलर पीस वाइज अप्रोक्सीमेशन हुआ सरफेस का, तो उसमें थोड़ा सा भी डेविएशन आ गया
तो जो डेविएशन आ रहा है उसकी वजह से क्या हो जाएगा, कोरोडाइल एरर्स आपका आपका आ जाएगा. ओके, तो वी वांट टू प्रोड्यूस सर्कुलर डिस्क बाय 3D प्रिंटिंग. एक एग्जांपल मैं बताता हूँ. मान लो हमने कंप्यूटर एडेड ड्राइविंग सॉफ्टवेयर के अंदर जाके एक मॉडल बनाया 3D बिल्डिंग का. अब आप इसको 3D प्रिंटिंग से करना चाहते हो तो आप STL कन्वर्जन करोगे तो इसको ट्राइंगल शेप में कर लिए, तो इसको बोलते हैं टेसिलेटेड मॉडल. अब इसको अगर आप अंदर इंटरनली अगर आप जाके देखोगे ना, तो देखो ये जो सरफेस है ना, ये तो चलो ट्राइंगल टू ट्राइंगल है, लेकिन ये ट्राइंगल थोड़ी, ये फिर ये जो सरफेस है इसको बोलते हैं हम क्रोडाइल एरर. व्हाई? बिकॉज आपने मान लो कोई सर्कुलर डिस्क बना रहे हो तो आप ट्राइंगल बनाओगे तो ये तो ट्राइंगल होगा नहीं, बाकी सब तो चलो ट्राइंगल है सारे अंदर, लेकिन जो सरफेस पे होगा उसमें तो ट्राइंगल नहीं बन पाएगा. क्या समझ में आया नहीं आया? ये मेरे को बता दो, ये कौन से समझ में आया नहीं आया? इस डायग्राम में पूरा एरर दिख रहा है. हो सकता है कई बार क्वेश्चन आ जाए आपसे पूछ ले व्हाट इज कोडल एरर. अगर मान लो आपका पूरा का पूरा जो शेप है वो तो ट्राइंगल में आ रहा है, लेकिन ये जो कॉर्नर वाला शेप है ये ट्राइंगल में नहीं आएगा क्योंकि ये सर्कुलर आर्क की फॉर्म में है. तो इसी के कारण क्या बोलते हैं, क्रोडाइल एरर. जो भी ट्राइंगल की शेप में नहीं आ रहा है उसको बोलते हैं हम क्रोडाइल एरर. ओके, तो ये आपका टेसिलेटेड डिजाइन हो गई और ये आपका ओरिजिनल केड डिजाइन जो काली वाली स्क्रीन है उससे बन रही है. क्या सबको क्लियर हो गया ये वाला कॉन्सेप्ट? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों. अब आएगा स्लाइसिंग द STL फाइल. मतलब मान लो आपने जब भी CAD मॉडल बनाया होगा, 3D प्रिंटिंग में जब आप मॉडल बनाते हो तो कैसे बनता है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे बनता जाता है, ऐसे बनते बनते. मान लो 3D मॉडल में आपको A बनाना है, अगर 3D मॉडल के ऊपर आपको 1 बनाना है तो कैसे बनेगा? 1 बनाना है आपको सॉलिड फॉर्म में, तो कुछ ऐसे बनेगा, लाइन एक लाइन स्लाइस की फॉर्म में चलता जाएगा. ऐसे बड़ा सा वन बनाना है तो इसे स्लाइस की फॉर्म में चलता जाएगा, स्लाइस बाय स्लाइस ऐसे करते 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 फाइनली फिर ऐसे स्लाइस कटेंगी थोड़ी सी और ये आपका क्या बन गया, वन. फिर मान लो नीचे भी स्लाइस पहले से कटती हुई आई थी क्योंकि वर्टेक्स मोशन होता है, तो ये आपका क्या बन गया, वन. अगर आपको टू बनाना है तो पहले नीचे वाली सर्फेस ऐसे ऐसे बनती जाएगी, फिर नीचे नीचे धीरे धीरे ये ऐसे बनेगा, नीचे नीचे बनता 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 स्लाइस करते 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 क्या बन जाएगा, ये टू बन गया. ठीक है, तो इस वाले में जो स्लाइसिंग होता है इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्लाइसिंग. तो STL फाइल की जो स्लाइसिंग होती है उसको हम कैसे देखेंगे, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों. इट विल बी आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर अगर नया टॉपिक ऐड किया है. वंस STL फाइल अगर आपकी जनरेट हो गई, दिस फाइल इज इम्पोर्टेड टू प्री प्रोसेसिंग प्रोग्राम. मतलब स्लाइसर प्रोग्राम जिसको बोलते हैं उसके अंदर हम उसको प्री प्रोसेस कर देंगे. अब इस प्रोग्राम को कन्वर्ट कर लेंगे. इसमें भी बहुत आपका सेम होता है, जी कोड वगैरह, न्यूमेरिक कोड जो आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के होते हैं. इस वाले जो 3D प्रिंटर होते हैं इसमें भी कोडिंग होती है, तो अकॉर्डिंग टू द मोशन ज्योमेट्री उसका जी कोड STL फाइल जो होता है जी कोड में कन्वर्ट कर लिया जाता है. दिस स्लाइसर प्रोग्राम आल्सो अलाउ द डिजाइनर टू कस्टमाइज बिल्ड पैरामीटर. लाइक आप जो मान लो जो स्लाइसर प्रोग्राम होता है ना, अगर आपने स्लाइसर प्रोग्राम में डाला और आपने देखा कि कोई ना कोई उसमें चेंज करने हैं, कस्टमाइज करना है, तो आप उसको चेंज भी कर सकते हो इसमें. तो आप साइज को ऑफ लेयर को डिसाइड कर सकते हो, कितनी साइज डालनी है आपको. बिल्ड ओरिएंटेशन का जो शेप है, फ्लैटनेस, इंक्लाइंड एंगल, स्ट्रेटनेस, ये सब भी आप उसमें चेंज कर सकते हो स्लाइसर प्रोग्राम में. ओके, एंड दिस प्रोग्राम मे आल्सो जनरेट ऑक्सिलरी सपोर्ट स्ट्रक्चर्स टू सपोर्ट द मॉडल ड्यूरिंग बिल्ड. ओके, तो ये प्रोग्राम आपको ये भी सपोर्ट करता है, ऑक्सिलरी सपोर्ट भी देता है किसी भी स्ट्रक्चर्स को प्रोड्यूस करते वक्त. ओके, अब हम देखेंगे. मान लो आपको L शेप बनाना था, ये L का शेप बनाना था. ओके, तो यहाँ पे आप इस L के शेप को दो तरीके से बना सकते हो. एक तो आपने ऑब्जेक्ट को क्या करा, नीचे लेयर बाय लेयर बनी, ऐसे भी आप L बना सकते हो. एक आप इसको वर्टिकल फॉर्म में बना सकते हो. तो क्या पता जब आप इसको बना रहे हो तो ये टूट के गिर जाए, तो उस केस में आपको ऑक्सिलरी सपोर्ट देना पड़ेगा जिसको प्रिंटिंग के बाद आप हटा लोगे. तो ये ऑक्सिलरी सपोर्ट आप देके रखोगे, क्योंकि नहीं तो ये वेट के कारण क्या होगा, गिर जाएगा. 3D प्रिंटिंग होती जाएगी, जैसे उसका वेट सीजी पॉइंट हटा वो गिर जाएगा. या तो आप इसको ऐसे बना लो, ये आसान है. अगर वह ऐसे बनाना चाहते हो तो आपको एक्स्ट्रा सपोर्ट देना पड़ेगा. आई होप यू गाइज आर गेटिंग. तो इसमें आपका लेयर बाय लेयर कंस्ट्रक्शन होता है, एक साथ नहीं होता है, लेयर 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 बनेगी. आप 3D प्रिंटिंग का एक वीडियो देख लेना नेट पे, आपको और ज्यादा क्लियरिटी आएगी. ओके, एक्चुअल कंस्ट्रक्शन ऑफ पार्ट प्रोग्राम यूजिंग वन ऑफ द सर्वाइवल रैपिड प्रोटोटाइपिंग मशीन. बहुत सारी सर्वाइवल रैपिड मशीन क्या करती है, पार्ट प्रोग्राम को कन्वर्ट कर देती है. पार्ट प्रोसेसिंग क्या होता है, ये आपका क्लियरिंग होता है, क्लियरिंग करेगा एलिमेंट अब्स्ट्रैक्ट विद पार्ट रिमूव ऑक्सिलरी सपोर्ट स्ट्रक्चर. तो जैसे मान लो आपने यहाँ पे ऑक्सिलरी सपोर्ट दिया था, जब प्रोग्रामिंग हो गया सारा बन गया, तो इसको हटाना, ऑब्जेक्ट को सही से रखना, ये सब पार्ट प्रोसेसिंग में आता है. ओके, अब आपका आएगा क्लासिफिकेशन ऑफ रैपिड प्रोटोटाइपिंग टेक्निक. ये क्या है, इसमें आपको दो तीन रैपिड प्रोटोटाइप टेक्निक होती है, वो मैं डिस्कस करूंगा. बेस्ड ऑन द इनिशियल फेस ऑफ मटेरियल इट कैन बी क्लासिफाइड. मतलब जो पहला फेस है ना, इनिशियल फेस, वो कैसा है,
अगर सोलिड है तो सोलिड सोलिड आपका होगा रैपिड प्रोटोटाइपिंग, अगर लिक्विड है तो लिक्विड रैपिड प्रोटोटाइपिंग होगा, अगर पाउडर है तो पाउडर रैपिड प्रोटोटाइपिंग होगा। जो पाउडर रैपिड प्रोटोटाइपिंग होता है उसी को हम पाउडर मेटलर्जी में भी पढ़ते हैं, अगर आपने देखा होगा। लिक्विड वाला जो है वो भी आप देख सकते हो, कास्टिंग वगैरह में एक तरीके से हम प्रोटोटाइपिंग करते हैं, लेकिन वो ऑटोमेटेड नहीं है, वो कन्वेंशनल मेथड है। ओके, उसको हम आज के मॉडर्न मेथड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। देन आपका आएगा सोलिड बेस। सोलिड बेस में क्या आएगा, मटेरियल हैज इट्स इनिशियल स्टेट एज सोलिड एंड कैन बी इन फॉर्म ऑफ वायर रोल्स लेमिनेट्स इटीसी। ओके, तो जो भी आपका मटेरियल होगा वो इनिशियल स्टेज तो उसकी सोलिड होगी एंड उसको बाद में हम फॉर्म करेंगे किसमें, वायर में, रोल्स में, लेमिनेट्स में, इस सब में हम इसको फॉर्म करेंगे। ओके, चलिए, सोलिड बेस्ड आरपी सिस्टम्स वर्क ऑन प्रिंसिपल ऑफ आइदर जॉइनिंग मेथड और फ्यूजिंग मेथड। तो जो भी आपके सोलिड बेस्ड आरपी सिस्टम्स होता है वो किस पे वर्क करता है, आपका किस पे वर्क करता है, जॉइनिंग मेथड पे और फ्यूजिंग मेथड, दोनों पे वर्क करता है। मतलब जॉइनिंग, या तो आप ज्वाइन कर दोगे उसको 3D प्रिंटिंग से, या फ्यूजिंग कर दोगे उसका, ठीक है, और इनिशियल पोजिशन जो होगी वो सोलिड होगी। जैसे मान लो कि आपने लेमिनेशन करवाने गए अपनी शॉप के अंदर, अपनी मार्कशीट के ऊपर, तो उसमें क्या होता है, दो प्लास्टिक्स होती है वो सोलिड फॉर्म में होती है और आपकी मार्कशीट भी सोलिड में, वो उसे गरम गरम कंप्रेसर उसमें से निकलती है प्रेशर वाले रोलर में से, तो वो क्या होती है, लेमिनेट हो जाती है। दैट विल बी कॉल्ड एज ए सोलिड टाइप ऑफ रैपिड प्रोटोटाइपिंग। ओके, फॉलोइंग आर द टाइप ऑफ सोलिड, मतलब फ्यूजन डिपोजिशन मॉडलिंग हो सकती है, लेमिनेटेड ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग ये भी हो सकता है। तो ये तो आपने कई जगह देखा होगा, फ्यूजन डिपोजिशन मॉडलिंग भी आपका यूज होता है। ओके, चलिए, आफ्टर दैट गाइज, अगर हम देखेंगे फ्यूजन डिपोजिशन मॉडलिंग के बारे में डिटेल में देखते हैं कि फ्यूजन डिपोजिशन मॉडलिंग है होता कैसे, देन लेमिनेटेड ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी देखेंगे क्योंकि ये नया टॉपिक ऐड किया है, दैट्स व्हाई गाइज वी नीड टू अंडरस्टैंड इट। ओके, तो प्लास्टिक फिलामेंट जो होता है कम इन फॉर्म ऑफ कोयल, एक्ट लाइक ए मटेरियल, इज फॉरवर्डेड टू एक्सट्रूजन नोजल्स, दिस प्लास्टिक मटेरियल इज देन हीटेड टू द एक्सट्रूजन नोजल। मतलब आप क्या करोगे, मान लो कि ये कोई आपका प्लेटफॉर्म है और यहां से आपका प्लास्टिक क्या आएगी, रोड की फॉर्म में आएगा, इसमें से पास होगा, हिटअप होगा, और फिर ये क्या होगा, बिल्ड मटेरियल फिलामेंट आपका लिक्विडाइजर इस नोजल में से निकलेगा और देन आपका क्या होगा, शेप क्रिएशन शुरू हो जाएगा। इसको बिल्ड मटेरियल जो है यहां से क्या होगा, आपका प्लास्टिक मोल्डिंग क्रिएट होगा। ओके, तो द नोजल इज माउंटेड ऑन द एक्स वाई प्लेटर टाइप मैकेनिज्म विच ट्रेस आउट टू द कंट्यूर। जो भी आपको शेप बनाना है वो उसमें माउंटेड होती है, वो शेप में नोजल आपके मोशन करते रहते हैं। देर इज ए सेकेंड एक्सट्रूजन नोजल फॉर सपोर्ट मटेरियल डिफरेंट फ्रॉम द मॉडल मटेरियल। अगर मान लो आपको दो मटेरियल को मिक्स करना है, एक मटेरियल अलग होना चाहिए एक अलग होना चाहिए, तो आप दो नोजल लगा दो, ठीक है। अगर नोजल जो मूव करता है टेबल के, इट डिपोजिट थिन लेयर ऑफ एक्सट्रूडेड प्लास्टिक टू फॉर्म इट्स रिक्वायर्ड ज्योमेट्री। ओके, तो नोजल जैसे जैसे उसमें मोशन करते जाएंगे उसमें से वो निकलता जाएगा और वो क्या करेगा, शेप को क्रिएशन करता जाएगा, तुरंत तुरंत ठंडा होता जाएगा, तो उसमें आपका क्या बनेगा, मॉडलिंग। इसको पढ़ने, इस वीडियो को देखने के बाद एक बार 3D प्रिंटिंग का वीडियो जरूर देखना आप नेट पे, आपको बिल्कुल आइडिया आएगा। ओके, द बेड प्लेटफॉर्म मूव वर्टिकली डाउनवर्ड एज वन कंप्लीट लेयर फॉर्म एंड दिस प्रोसेस इज कंटिन्यू टिल प्रोडक्ट इज कंप्लीटली फैब्रिकेटेड। ये चलता जाएगा, बेड भी मूव करता जाएगा, तब तक करता जाएगा जब तक फाइनल आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, एंड देन आपका जो फाइनल होगा फिक्स डिपोजिट मॉडलिंग आपका हो गया। इसमें आप मटेरियल कौन से यूज करते हैं, ABS यानी एक्रोलानाइट, बेटाडीन, स्टेरीन आप यूज करते हो, या PC यानी पॉलीकार्बोनेट आप यूज करते हो। पार्ट्स मेड यूजिंग FDM आर स्ट्रॉन्गेस्ट अमोंग अदर पॉलीमर बेस्ड ऑन द AM प्रोसेस। ओके, तो जो भी पार्ट आप मेड करते हो यूजिंग FM मॉडल से, तो वो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट होता है पॉलीमर्स बेस्ड AM प्रोसेस के अंदर। ओके, चलिए, अब आपका आएगा लेमिनेटेड ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग। अगला क्या आएगा, लेमिनेटेड ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग, यानी अनादर सोलिड बेस्ड आरपी टेक्निक टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ रोल्स ऑफ पेपर। तो इसमें आपका लेमिनेटेड मतलब आपने लेमिनेशन वाली जो मशीन देखी है ना, सेम उससे मिलता जुलता है। इधर भी मान लो आपका क्या है, मटेरियल सप्लाई रोल है, इधर भी आपका देखो ये टेप अप रोल है। ओके, तो यहां से क्या होगा, लेमिनेटिंग रोलर आपके आ रहे हैं सीट, ये रोलर के बीच में क्या हो रहा है, लेमिनेशन हो रहा है। ओके, तो ये आपका इसमें एक लेयर आएगी, फिर CO2 लेजर आएगा, फिर उसमें चलता जाएगा। तो इसी तरीके से एडेसिव कोटिंग अगर आपको करनी है लोअर साइड में, लेमिनेटेड इज कॉम्प्लाइज विद द हीटेड स्टील रोलर में से उसको पास किया जाता है। अगर आपने इसको देखा होगा प्रैक्टिकल लाइफ में, कई जगह देखा भी होगा, रोलर प्रोवाइड प्रेशर टू ब्रिंग न्यू लेयर इनटू कॉन्टेक्ट विद द ऑलरेडी बिल्ड लेयर। ईच लेयर इज कट विद CO2 लेजर बीम टू ए क्रॉस सेक्शन डिटरमाइंड बाय द किट फाइल। अब मान लो जो लेयर आया ना, ये लेयर आई, इसके ऊपर गई, जैसे ही जो पुरानी लेयर के बराबर शेप लिया, ये इसने कट कर दिया, देखो यहां से कटा हुआ निकल रहा है। समझ पा रहे हो आप क्या प्रोसीजर हो रहा है,
इससे रोलर ने क्या किया, इस रोलर ने इस वाले रोलर पे चिपका दिया इसको, एक लेयर आई वो चिपक गई, CO2 लेजर ने इसको काट दिया, जो लेयर था उस साइज का देखो ये कटा हुआ निकल रहा है, ठीक है। फिर इसमें से फ्रेश रोलर आया, फिर वो इसके ऊपर आया, फिर उसने उसका शेप लिया, फिर उस CO2 लेजर ने चारों तरफ से काट दिया जो शेप चाहिए, फिर वो आगे निकल गया। ऐसे आपका लेयर बाय लेयर फॉर्मेशन चलता जाएगा और आपका फाइनल ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। ओके चलिए अगला आपका लिक्विड बेस देखेंगे और देन आपका फिनिश हो जाएगा दोस्तों, थोड़ा सा बचा है। ओके तो हेयर बेस मेटल जो होगा वो लिक्विड फॉर्म में होगा, लाइक रेजिन और पॉलीमर जो हो गए उस फॉर्म में आपका हो सकता है लिक्विड बेस्ड अगर हम यूज करें। एंड लिक्विड मटेरियल जो होता है उसको कन्वर्ट किया जाता है सॉलिड फॉर्म में विद द हेल्प ऑफ फोटो क्यूरिंग और फोटो पॉलीमराइजेशन प्रोसेस से हम जो लिक्विड वाला है उसको भी किसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, सॉलिड के प्रोसेस में। तो जो भी लिक्विड वाले आपके सिस्टम्स होते हैं मोस्ट ऑफ द सिस्टम बिल्ड पार्ट इन वेट ऑफ द फोटो कैनेडाइड रेजिन एंड ऑर्गेनिक रेजिन दैट सोलिडिफाई अंडर द एक्सपोजर ऑफ यूवी लेजर रेडिएशन। तो जो भी आप मतलब लिक्विड बेस लोगे उसमें अंदर आप क्या करोगे, पहले तो लिक्विड बेस से आप करते जाओगे उसको यूवी लेजर रेडिएशन से तुरंत उसको सोलिडिफाई करते हुए चले जाओगे। ओके एंड जो लेजर क्योर करती है रेजिन को नियर द सर्फेस फॉर्मिंग इज हार्डेंड लेयर, दिस फिनोमिना इज टर्म एज वेट पोलमराइजेशन। तो वेट पोलमराइजेशन आपका एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है फोटो जो आपका फोटो कार्बाइड जो रेजिन होगा ऑर्गेनिक रेजिन जो होगा सोलिडिफाइड होगा अंडर द एक्सपोजर ऑफ यूवी लेजर रेडिएशन। और जो लेजर होती है वो क्या करती है, जो रेजिन होती है उसको नियर जो सर्फेस है उसके पास में जाके फॉर्मिंग करेगा, उसको हार्डनेस देगा, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वेट पोलमराइजेशन। ओके अगला आपका आएगा स्टेलेटोग्राफी, व्हाट इज द स्टेलेटोग्राफी, मूवेबल टेबल इज प्राइमरली फिक्स्ड एंड पोजीशंस बिलो वेट विच होल्ड लिक्विड फोटो पॉलीमर रेजिन, दिस प्रोसेस स्ट्रोक एज ए लेयर बीम इज पास्ड ओवर द लिक्विड फोटो पॉलीमर टू ट्रेस द ज्योमेट्री ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस इनिशिएशन इज द हार्डनिंग ऑफ रेजिन। ओके तो स्टेलोग्राफी थी आप एक ऐसा तरीका है जिसमें आप एक मूवेबल टेबल लेते हो जिसको प्राइमरली फिक्स होती है उसकी पोजिशन उसके नीचे, अगर आपने देखा होगा इस डायग्राम में देखो नीचे एक टेबल फिक्स है प्लेटफॉर्म पर। ओके देन अगर आप इसको ऑब्जर्व करोगे द प्रोसेस जो होती है इसमें लेजर बीम जो पास की जाएगी लिक्विड से और वो क्या करेगा सोलिडिफाई हो जाएगा और जो रिक्वायर्ड ज्योमेट्री आपको मिल जाएगा लेजर उसी से पास होगी जो आपको शेप चाहिए। ओके जैसे मान लो कि इसमें वेट पूरा का पूरा लिक्विड भरा हुआ था, ये पूरा का पूरा लिक्विड भरा हुआ था, ठीक है। अगर आपने देखा ये मान लो आपका एक प्लेटफॉर्म था, अब इसके ऊपर आपने एक्स वाई स्कैनर से लेजर डाली, यूवी लेजर डाली, तो ये जो क्या करेगा सोलिड ही जो इस लिक्विड को सोलिड करना शुरू कर देगा। तो उसी शेप में ये लाइट हम डालेंगे जिस शेप में हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ये यूवी लेजर उसी लाइट उसी शेप में डालेंगे जिस शेप का हमें ऑब्जेक्ट चाहिए और उसी शेप का क्या होगा उस लिक्विड जो है वो सोलिडिफाई होगा। ओके तो ये आपका इनिशियल लेयर मान लो प्लेटफॉर्म की है, देन फाइनल लेयर ऑफ प्लेटफॉर्म की आपकी हो गई, ये लिक्विड रीजन है, ये वेट रीजन आपने बोल ही दिया है। इसमें पॉलीप्रोपिलीन आप मटेरियल यूज करते हो, सेम आपका थ्योरेटिकल वे में अगर आप देखो इन जो मैंने बताया, आफ्टर द लेयर हैज बीन कंप्लीटली ट्रेस मोस्ट पार्ट आर हार्डनेड द टेबल इज लोअर इन टू वेट, जब हम उसको और नीचे ले जाएंगे वापस उसके ऊपर लिक्विड आ जाएगा। आफ्टर ऑल द फेब्रिकेशन हैज बीन कंप्लीटेड द ऑब्जेक्ट इज राइज फ्रॉम द वेट एंड द एक्सेस रेजिन इज थ्रू आउटली वास्ट यूजिंग द एल्कोल, एल्कोल से उसको साफ कर लेते हैं। मतलब हम क्या करेंगे मान लो एक शेप बन गया उसको नीचे ले जाएंगे, फिर दूसरा लिक्विड आएगा वो बना देगा, फिर नीचे ले जाएंगे फिर तीसरा लिक्विड आएगा, जब पूरा फिनिश हो जाएगा तो हटा लेंगे। दिस ऑब्जेक्ट इज कर्व बाय बाथिंग देन इन इंटेंस लाइट इनसाइड अ बॉक्स लुक लाइक ए ओवन कोल्ड पोस्ट क्यूरिंग अपार्टस। ओके तो ये इट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। ओके चलिए अब हम कुछ थ्योरिटिकल देख लेते हैं, पॉलीजेट भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, व्हाट इज द पॉलीजेट। ओके इन दी जेटिंग मेथड हेड स्लाइड बैक फोर्थ अलोंग द एक्स एक्सिस सिमिलर टू द इंजेक्ट प्रिंटर, और इसमें क्या होता है जो डिपोजिशन होगा वो सिंगल सुपर थीन लेयर ऑफ फोटो पॉलीमर की फॉर्म में होगा, देन उसके ऊपर आप यूवी बल्ब जो है वो जलाएंगे और उससे ब्रीज जो यूवी ब्रीज है यूवी लाइट है इमीडिएटली क्यूरिंग और हार्डनिंग आपका लेयर का कर देगा। ओके तो पॉलीजेट की फॉर्म में आप डालेंगे और उससे इमीडिएटली यूवी लाइट के माध्यम से उसको सोलिडिफाई कर लेंगे। ओके ये थ्योरेटिकल लैंग्वेज में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए दोस्तों, नॉलेज होगा तो आप क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे, मैक्सिमम थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनेंगे तो अगर आपको पता होगा तो आप कर लेंगे। ओके पाउडर बेस अगला आ गया आपका, पाउडर बेस, व्हाट इज पाउडर बेस, ऑल पाउडर बेस आरपी सिस्टम वर्थ ऑन प्रिंसिपल ऑफ ज्वाइनिंग एंड बाइंडिंग। तो जितने भी पाउडर बेस होते हैं आपने पाउडर बेस तो मैं आपको बताऊंगा नहीं ज्यादा बिकॉज आप ऑलरेडी जानते हो पाउडर बेस कैसे होता है, जो पाउडर मेटलर्जी वाला जो आपने पढ़ा हो सेम सारी को होगा, बाइंडर मेटेरियल होगा उसमें डिपोजिशन होगा, ठीक है, सिलेक्टेड रेजिन होंगे, लेयर ऑफ पाउडर पार्टिकल टू प्रोड्यूस पाउडर पाउडर मेटेरियल। ओके तो जो पाउडर मेटलर्जी आपने पढ़ा है सिमिलर मिलता जुलता टाइप होगा, वो भी रैपिड प्रोटोटाइपिंग का ही टाइप है। ओके अगला हम देखेंगे सिलेक्टिव लेजर सिंटरिंग, व्हाट इज द सिलेक्टिव लेजर सिंटरिंग, इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट, देन आपका फिनिश हो जाएगा, एक क्वेश्चन बचेगा आपका
एप्टीट्यूड बेस्ड न्यूमेरिकल अप्रोच, एक क्वेश्चन करेंगे देन आपका खत्म हो जाएगा ये टॉपिक। ओके सो लास्ट टू स्लाइड है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट, मैंने आपको एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग भी कवर करवा दिया है। पार्ट्स आर बिल्ट बाय सिंटरिंग ऑफ सिलेक्टेड एरिया ऑफ लेयर ऑफ पाउडर यूजिंग लेजर। तो अगर आप पाउडर बेस्ड मेथड में सबसे इंपॉर्टेंट मेथड देखो तो वो है सिलेक्टिव लेजर सिंटरिंग। इसमें क्या होगा, जो भी पार्ट आपको बनाना है उसको सिंटर किया जाता है किसी भी सिलेक्टेड एरिया में ऑफ लेयर्स बाय पाउडर यूजिंग लेजर, या मतलब लेजर और पाउडर, पाउडर जो है उसको लेजर की फॉर्म में यूज करके आप यूज कर सकते हो। SLS जो आपका होगा यूजिंग फाइन पाउडर विच इज, जो SLS मतलब सिलेक्टिव लेजर सिंटरिंग जो प्रोसेस है ये फाइन पाउडर का यूज करता है जिसको स्प्रेड किया जाता है रिकोटर और मशीन बेड के ऊपर एंड स्कैंड किया जाता है सिलेक्टिवली यूजिंग लेजर बीम सच दैट द सरफेस टेंशन ऑफ ग्रेन इज ओवरकम एंड दे आर सिंटर्ड टूगेदर। तो जो भी मान लो कि आपकी किसी भी बॉडी के ऊपर डाला जाएगा और जो सर्फेस टेंशन क्या करेगी उसको कैचअप कर देगी एंड देन उस लेजर लाइट से वो सिंटर हो जाएगी एंड डेफिनेटली आपका शेप क्रिएशन होता जाएगा। ओके अगर आपने किसी पेज के ऊपर देखा होगा कि आपने पेज के ऊपर जो वर्ड लिखे हुए देखे या फिर कोई भी लाइन आपने देखे टाइप किए हुए तो वो भी आप एक तरीके से लेजर प्रिंटिंग, सुना होगा आपने नाम, तो वो लगभग मिलते जुलते प्रोसेस होते हैं। लेजर प्रिंटिंग में बस हम क्या करते हैं केवल वर्ड लिखते हैं, उसको अगर बहुत बड़े मैनर में करोगे तो क्या होगा कि एक ऑब्जेक्ट भी बना सकते हो आप, उसको जैसे वर्ड लिख सकते हो वैसे ऑब्जेक्ट भी बना सकते हो। बिफोर द लेजर स्कैन इंटायर मशीन बेड इज हीटेड, तो जो जब हम लेजर से स्कैन करेंगे उससे पहले पूरे मशीन बेड को हीट कर देंगे। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मटेरियल बाय इंफ्रारेड हीटर्स टू मिनिमाइज थर्मल डिस्टोर्शन रैपिंग एंड टू फैसिलिटेट फ्यूजन ऑफ प्रीवियस लेयर। इसको क्यों करते हैं, जिससे जो हमारी नीचे वाली जो लेयर बन चुकी है ना वो ऑलरेडी क्या रहे, ऑलरेडी वो गर्म रहे, जिससे जो दूसरी लेयर आ रही है वो उसपे ऑटोमेटिक स्टक हो जाए। ओके दैट्स व्हाई जो नीचे वाला जो हमारा बेड होगा उसको हम क्या रखेंगे, हीटअप रखेंगे। लेजर पाउडर इज एडजस्टेड टू द ब्रिंग द सिलेक्टेड पाउडर एरिया, जो भी आपको एरिया रखना है उस पर आप लेजर पाउडर को डाल दोगे, लेजर की पावर से आप एडजस्ट कर लोगे जितना आपको पाउडर उस एरिया पे डालना है और उसी हिसाब से टेम्परेचर को ग्रेडियंट कर लोगे तो प्रॉपर्टीज का वेरिएशन भी आप कर सकते हो। ओके चलिए देन लास्ट दोस्तों, आपको कुछ और चीजें पता होनी चाहिए। आफ्टर अलाइविंग सफिशियंट टाइम, आप ले जब मान लो कुछ सफिशियंट टाइम हुआ और जब आपको पता है कि वो कूल डाउन हो गया तो केसिंग सिग्निफिकेंट इंटरनल स्ट्रेस द पार्ट बेड मूव डाउन बाय द वन लेयर थिकनेस टू फैसिलिटेट न्यू पाउडर लेयर एंड स्प्रेड बाय री हीटर। ओके तो आप क्या करोगे, इसी तरीके से इस प्रोसेस को सेम रिपीट करते जाओगे, एक बार उसको करोगे फिर ठंडा कर लोगे फिर नया लेयर बनाओगे, ये प्रोसेस चलता जाएगा। तो जो सिंटरिंग मटेरियल होता है फॉर्म द पार्ट व्हाइल दिस अनसिंटर्ड पाउडर रिमाइन इन पैलेस टू सपोर्ट द स्ट्रक्चर्स मे बी क्लीन अवे वंस द बिल्ड इज कम्प्लीट। तो मान लो जो सिंटर्ड हो गया पाउडर वो तो चलो वो वहां पे रह जाएगा, ओके लेकिन जो अनसिंटर्ड है वो वहीं पे रहेगा जिससे वो पार्ट को सपोर्ट कर देगा। फॉर एन एग्जांपल मुझे एक बात बताओ, अगर मान लीजिए ऐसी कोई ऑब्जेक्ट है, आपको पूरा का पूरा पाउडर तो आपने ये डाला ए शेप में पाउडर डाल रखा लेकिन आपने लेजर लाइट से केवल ए बनाया सिंटर्ड, तो ये ए वाला तो क्या हुआ, ये तो हार्ड एंड हो गया, बाकी तो पाउडर ही है। ओके तो फिर दूसरी लेयर बनाओगे तो फिर बाकी तो पाउडर ही रहेगा, बस बाकी ये वाला बनता जाएगा ऊपर ही ऊपर, तो ये इसको सपोर्ट भी दे देगा पाउडर, जो ये कहना चाह रहा है। ओके अब इस एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग जो हमने आज पूरा पढ़ा इसका लिमिटेशन क्या है, अनएक्सपेक्टेड प्री एंड पोस्ट प्रोसेसिंग होती है। क्या होता है इसमें, अनएक्सपेक्टेड प्री एंड पोस्ट प्रोसेसिंग आपकी होती है, इसमें अनएक्सपेक्टेड प्री एंड पोस्ट प्रोसेसिंग आपकी होती है। अगला क्या होगा, लो स्पीड होगा, मतलब बहुत धीरे धीरे लेजर लाइट मोशन करके आपको बनाएगी। हाई इक्विपमेंट कॉस्ट होता है, पैसा बहुत ज्यादा लगेगा, 3D प्रिंटर बहुत महंगे आते हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ मटेरियल होते हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ मटेरियल हर एक को नहीं कर सकते। अब ऐसे मटेरियल को कर दिया जो लेजर उसके अंदर जाके पहले ठंडा हो गया, तो मटेरियल ऐसे रखेंगे जो मतलब बहुत ही कम टाइप के मटेरियल रखेंगे। ओके और पोरोसिटी बहुत ही कम होती है, मतलब डेंसिटी आप बहुत अच्छी ले सकते हो इसमें, क्योंकि आप स्लाइस खुद बना रहे हो ना। अगर आप कास्टिंग वेल्डिंग करते हो तो आपके अंदर कंट्रोल नहीं होता ठंडा होने के बाद क्या मिलेगा, लेकिन एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में आप लेयर बाय लेयर करते हो तो डेंसिटी हाई रख सकते हो। ओके तो दे आर द ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे हम लिमिटेशन तो देख ही चुके हैं, लिमिटेशन तो आपका हो ही चुका है, तो ये वाला पॉइंट तो हमने कवर कर दिया, दोबारा लग गई ये स्लाइड। ओके यहां देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। तो एरोस्पेस में जो भी होता है मैन्युफैक्चरिंग, जो इंडस्ट्री होती है, चाहे हवाई जहाज वगैरह जो बनाते हो, मेडिकल में जो आप यूज करते हो उसमें भी होगा, ऑटोमोटिव में भी होगा, लाइफ स्टाइल में जो होगा, और जो टिश्यूज बन रहे हैं ना आजकल, टिश्यू जनरेशन हो रहा है, आपने देखा होगा कई लेजर पे 3D मॉडल में हार्ट बना दिया, हार्ट वगैरह बन रहे हैं ना आजकल, आपने देखा मेडिकल इंडस्ट्री में हार्ट लीवर ये सब भी बनने लग गए आजकल 3D प्रिंटिंग से। तो ये सारे एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के एप्लीकेशन है। एरोस्पेस की बहुत सारी जो रॉकेट्स वगैरह होती है ये सब हो गए, ठीक है, एविएशन की इंडस्ट्री के जो पार्ट्स हो गए ये सब आपके क्रिएशन होना शुरू हो गया। आई होप यू गाइस आर गेटिंग इट। ओके आपको ये सारे टॉपिक समझ में आ रहे होंगे। चलिए ओके अब हम देखेंगे एप्टीट्यूड बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। ये क्या है एप्टीट्यूड बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, मान लीजिए एक क्वेश्चन में आपको बताता हूँ, एक प्रोटोटाइप है,
एक प्रोटोटाइप है ट्यूब विच विद अ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन टू बी फैब्रिकेटेड यूजिंग स्टेलोग्राफी। ये क्वेश्चन दे दिया, आउटर स्क्वायर इज 100 mm, आपको बोला कि जो इसका आउटर स्पेस है ना ये 100 mm आपको दिया है इन डायमेंशन एंड इनर स्क्वायर इज 80 mm इन डायमेंशन। मतलब आउटर स्क्वायर जो है ट्यूब है ना ट्यूब, तो ये 100 mm की होगी। जो इनर वाला होगा ना इनर वाला, मान लो यहाँ पे कोई इनर वाला जो शेप होगा वो कितना होगा आपका, वो 80 mm होगा अगर आपको बोल दिया। देन हाइट ऑफ द ट्यूब इन जेड डायरेक्शन इज 100 mm, तो ये तो जेड है, मान लो ये ट्यूब कैसे बना रहे हैं, अगर इसका एक व्यू देखोगे टॉप व्यू तो ऐसे दिखेगा ये। ओके, तो इसकी जो हाइट है ना वो ट्यूब की वो 100 mm आपको यहाँ पे लिखी हुई है, और 100 mm इसका क्या है, इसका एक्सटर्नल ये वाला देखोगे और ये 80 गिवन है, ये 100 गिवन है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। ओके, तो लेयर थिकनेस जो आपको बोली है 0.25 गिवन है, मतलब 100 mm की अगर हाइट है ना तो हर इस हाइट में कितनी लेयर लगेगी ये मुझे बता सकता है कोई? ये अब ये सब पूछूंगा मैं अभी आपसे, ठीक है। द डायमीटर ऑफ लेजर बीम स्पॉट साइज जो है वो 0.2 mm अगर आपको गिवन है, एंड द बीम मूव्ड अक्रॉस द सरफेस ऑफ फोटोग्राफ की 1 मीटर पर सेकंड से घूम रही है, तो 25 सेकंड आर लास्ट इन लोवरिंग द प्लेटफॉर्म आफ्टर ईच लेयर, कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर बिल्ड द पार्ट। ओके, तो अभी मैं आपको इसको वन बाय वन बताता हूं। अगर आप मुझे ये बता दीजिए हाइट जो है टोटल 100 mm हाइट है और हर एक एक लेयर जो है वो 0.25 mm का बना रहा है, एक लेयर कितना बना रहा है, केवल 0.25 का बना रहा है। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का क्वेश्चन करवा रहा हूँ दोस्तों, ओके, नया टॉपिक जो ऐड हुआ है और पूरा कंप्लीट भी करवा दिया मैंने, पेड केम एनसी सीएनसी सारे टॉपिक कवर करवा दिया, जाओ 3 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, एक लाइक तो बनता है आपका, लास्ट 3 घंटे से पूरा लेक्चर कंप्लीट करवा रहा हूँ आपको। ओके, तो 0.25 mm आपका क्या जाएगा यहाँ पे, 0.25 mm मान लो ये एक लेयर बना रहा है तो टोटल कितनी लेयर लगेगी, कोई बताएगा मुझे? एनीबडी हैड टू आंसर मी? आरके मैकेनिकल जी लीड गेट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे मैं सारे नोट्स आपको अपलोड कर दूंगा, यू कैन विजिट द लीड गेट टेलीग्राम चैनल। ओके, चलिए तो जल्दी से बताइए कि कितने टोटल लेयर लगेंगे। देखो 100 mm तो हाइट है और थिकनेस लेयर की 0.25 mm है, तो 400 लेयर बनानी पड़ेगी, 100 में अगर आप 0.25 का भाग दे दोगे तो आपको पता लग जाएगा ना, टोटल 400 लेयर आपको बनानी पड़ेगी, टोटल 400 लेयर आपको लगानी पड़ेगी छोटी छोटी छोटी, क्योंकि टोटल हाइट 100 है, एक लेयर की थिकनेस 0.25 mm है, तो 400 लेयर बनाओगे तो 100 mm के इक्वल मिल जाएगा ना, तो नंबर ऑफ लेयर अगर आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ ले तो आप ऐसे आंसर कर दोगे। ओके, तो लेयर आपको पता लग जाएगा। अब अगला अगर मान लो आपसे एक और क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे कि अंदर जो ट्यूब है ना वो 80 mm का तो ये है इनर वाला, और जो आउटर वाला है वो कितना है, ये 100 mm है, ये आपको क्वेश्चन गिवन है, तो ये आपको कई बोलेंगे सर रेक्टेंगुलर ट्यूब है क्या, तो जो ट्यूब है वो स्क्वायर क्रॉस सेक्शन आपको बोला है यहाँ पे, देखो स्क्वायर क्रॉस सेक्शन क्या बोला था, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन बोला था ना, मतलब ये 80 होगा तो ये भी 80 होगा, ठीक है, और ये 100 होगा तो ये भी 100 होगा, स्क्वायर ही तो है ये। ओके, अब मुझे बताइए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना आएगा, तो 100 स्क्वायर माइनस 80 स्क्वायर का 3600 स्क्वायर आ जाएगा, इसका जो मेटल जिसमें लग रहा है वो एरिया तो इतना का, बाकी तो होलो है, क्या एरिया निकाल लोगे? अब अगर क्योंकि देखिए जो बाहर वाला है उसका 100 स्क्वायर एरिया हो जाएगा स्क्वायर का, अंदर वाले का 80 स्क्वायर माइनस कर लोगे तो जो बीच का है वो आ जाएगा। अब लेजर की स्पॉट साइज आपको क्वेश्चन में गिवन है 0.2 mm, और लेजर की स्पीड गिवन है 1 मीटर पर सेकंड, इसको मतलब आप एमएम में कन्वर्ट कर लोगे तो कितना आ जाएगा 1000 mm पर सेकंड। तो अगर आपको लेजर की स्पॉट साइज इतनी दी है और लेजर की स्पीड इतनी दी है तो आप क्या करोगे, लेयर डिपोजिशन रेट निकाल लोगे। वो कैसे निकलती है, लेजर स्पॉट साइज को लेजर की स्पीड से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको लेयर लेजर डिपोजिशन रेट आ जाएगी। आप ये फॉर्मूला लिख सकते हो, अगर आप अपने नोट्स में ये फॉर्मूला लिख लेना, लेजर डिपोजिशन रेट इज इक्वल टू लेजर स्पॉट साइज इंटू लेजर स्पीड। ओके, तो आपने ये निकाल लिया। अब आप देखो टोटल इतना एरिया चाहिए लेकिन एक बार में इतना हो रहा है, एक सेकंड में इतना बन रहा है, टोटल इतना एरिया आपको क्या करना है प्रोड्यूस कर, इतना क्रॉस सेक्शन आपको चाहिए एक सेकंड में, इतना टोटल क्या कर रहा है लेयर आपका बन, इतना वो आपका क्रॉस सेक्शन बन रहा है, तो आपको कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा 3600 बनाने के लिए, जब एक सेकंड में इतना लग रहा है वो टोटल इतना बनाना है तो टोटल 18 सेकंड लगेंगे आपको। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इतना बनाने में कितना सेकंड लगेगा, देखिए एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के कम से कम 7-8 क्वेश्चन सोल्व करवा दिए मैंने। ओके, सो गाइस लाइक दिस वीडियो एंड डेफिनेटली आप लाइक करिए, इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा स्टार्टिंग से, मैंने आज आपको अगर आप देखोगे स्टार्टिंग से क्या क्या टॉपिक कवर करवा दिए, आपको एनसी सीएनसी कोडिंग डीकोडिंग प्रोग्रामिंग सारे टॉपिक एक ही सिंगल वीडियो में कवर करवा दिए। इस वीडियो को देख लेना और लीड गेट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, अगर नहीं मिलता है लीड गेट टेलीग्राम चैनल यूट्यूब पे सर्च करो लीड गेट, उस चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे ज्वाइन कर लेना, नोट्स मिल जाएंगे आपको। ओके, चलिए तो आई होप सभी को यहाँ तक क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है।
यहाँ तक सभी को क्रिस्टल क्लियर है, आई होप सभी को माइंड में बिल्कुल क्लियर है। चलिए अब अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो जो हमने पढ़ा है इसी में ही हम बात करें। टाइम 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 का क्वेश्चन आएगा तो टाइम भी देख लोगे। हैंस 18 सेकंड इज रिक्वायर्ड टू मेक वन लेयर, तो कितने सेकंड लग रहेंगे? एक लेयर को बनाने में आपको 18 सेकंड टोटल लग रहे हैं। तो लेयर डाउन देखो, ये अगर मैंने जो क्रॉस सेक्शन लिखा है ना, वो कितना क्रॉस सेक्शन लिखा है, वो एक लेयर का क्रॉस सेक्शन चल रहा है। ये पूरी ज्योमेट्री नहीं बन गई, पूरी ज्योमेट्री के लिए तो आपको कितना 400 तक जाना पड़ेगा ना, 400 टोटल बनेंगे। तो 18 सेकंड लगाएगा और आपको बोला है कि 25 सेकंड लगता है उसको ठंडा होने में। क्वेश्चन में दिया है, अगर आप देखोगे ना क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ पे देखो कि 25 सेकंड आर लास्ट इन लोअरिंग द प्लेटफॉर्म आफ्टर द ईच लेयर, मतलब एक लेयर बनाने के बाद उसको नीचे करने में 25 सेकंड और लगेगा आपका। ओके हेलो रोहित जी, कैसे हैं आप? तो 25 सेकंड आपको नीचे ले जाने में लगेगा, तो मतलब 18 सेकंड में आपकी एक लेयर बन रही है और 25 सेकंड आपका क्या लग रहा है एक्स्ट्रा टाइम उसको नीचे लेके जाने में, जो लेयर बनी है उसको नीचे लेके जाने में। तो एक लेयर बनाने का टोटल टाइम कितना हो गया? 43 सेकंड हो गया ना बनाने का, प्लस उसको नीचे ले जाने का। और टोटल कितनी लेयर बनानी है आपको? 400, मतलब 4 घंटे लगेंगे इसको बनाने में। 4.77 आवर बने लग जाएंगे आपको इसको टोटल बनाने में। क्या सबको क्लियर हुआ या नहीं हुआ ये क्वेश्चन जल्दी से बता दो मुझे। ओके दोस्तों, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का इसमें कम से कम 7-8 क्वेश्चन है गेट के। अगर एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग देखो, कई बार आपसे लेयर डिपोजिशन रेट पूछ लेगा, कई बार आपसे पूछ लेगा कि एक लेयर बनाने में कितना टाइम लगेगा, कई बार आपसे पूछ लेगा पूरी बॉडी बनाने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। और कई बार आपसे लास्ट वाला जो मैंने बताया टोटल कितनी लेयर बनानी पड़ेगी, तो इतने कितने 5-6 क्वेश्चन कवर हो गए आपके एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के, जो भी गेट 2021 में नया एड किया। क्या आग लगाती नहीं लगाती? तो दोस्तों इसी के साथ हमारा पूरा केड गेम कवर हो चुका है। आज के इस वीडियो में हमने कवर किया है केड पूरा, गेम पूरा कवर कर दिया है, ठीक है। एनसीएनसी पूरा कवर कर दिया है, प्रोग्रामिंग भी हमने पूरा कवर कर दिया है। ट्रांसफॉर्मेशन जो अब आपके सिलेबस में टॉपिक है और क्वेश्चन आते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, ये एनसीसीएनसी का ही पार्ट है सिलेबस में। अगर आप देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन भी पूरा कर लिया है और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग भी जो इस साल नया एड हुआ है इसको भी हमने पूरा कर लिया है। तो दोस्तों इसी तरीके से जो आपने ये वीडियो देखा है, अगर आप केवल इसी वीडियो को देख रहे हो तो मैं आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी लीड गेट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे सारे सब्जेक्ट के, इस सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स में डाल दूंगा, कल तक आपको शॉर्ट नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे इस पर्टिकुलर जो भी मैंने आज आपको पढ़ाया है डिटेल में। बाकी सारे सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स भी वहां पे अपलोडेड है, सो आप उनमें से एडवांटेज ले सकते हो। सारे सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स आपको वहां पे मिल जाएंगे। ओके ईच एंड एवरी सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स आपको मिल जाएंगे। सिमिलर मैनर में मैंने प्रोडक्शन के सारे टॉपिक कवर करवाए, मेटल कटिंग, फॉर्मिंग, ईच एंड एवरी टॉपिक। आपको क्या करना है, यूट्यूब पे सर्च करना है मेटल कटिंग बाय कुलदीप सिंह राठौर, मशीनिंग बाय कुलदीप सिंह राठौर, नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग बाय कुलदीप सिंह राठौर, मेटल साइंस। जो सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, सोम मैकेनिक्स अभी मैंने नहीं पढ़ाया, सोम और मैकेनिक्स नहीं पढ़ाया, इसके अलावा थ्योरी ऑफ मशीन, वाइब्रेशन, मशीन डिजाइन, ओके थर्मल के सारे, थर्मोडायनेमिक्स, पावर प्लांट, आरएसी, जो पढ़ना है आपको सारे के सारे आपको मिल जाएंगे यूट्यूब के ऊपर। मैंने सबको दो दो तीन तीन घंटे में, चार चार घंटे में कवर करवाया, 3-5 आवर्स में सारे के सारे टॉपिक मैंने कवर करवाए। ओके सो दैट विल हेल्प यू अलॉट दोस्तों, आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा आई होप। एंड डेफिनेटली आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, एंड इफ यू गाइज एंजॉय इट प्लीज लाइक दिस वीडियो, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, एंड लीड गेट टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे आपको शॉर्ट नोट्स में अपलोड कर दूंगा। अगर आपको नहीं मिलते हैं यू कैन टेक्स्ट मी ऑन द अनअकैडमी। और दोस्तों रोजाना शाम को मैं आपको बताना चाहूंगा, रात को 10:15 पे, रोजाना शाम को 10:15 पे अभी इस क्लास के बाद में मैं आपको एफटी मेस के 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाता हूँ अनअकैडमी लर्निंग ऐप के ऊपर, गेट तक चलेगा, चाहे आप आज देख रहे हो कभी भी देख रहे हो आप आके ज्वाइन कर सकते हो। आपको क्या करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, उसके बाद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी प्रोफाइल लिंक है उस पर क्लिक कर दीजिए, लीड गेट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे मैं लिंक शेयर कर देता हूँ क्लास वगैरह की। एंड देन दोस्तों आपको कुलदीप वन कोड लगा देना है तो आपका फ्री क्लास जो है वो क्लास फ्रीली आपको एक्सेस मिल जाएगा, उसमें आप फ्री क्लास का एक्सेस ले सकते हैं, कुलदीप वन कोड अप्लाई करके और अटेंड कर सकते हैं। रोजाना शाम को 3 PM पर मैं अभी फुल लेंथ टेस्ट कंडक्ट करवा रहा हूं, तो ये भी आप मेरे साथ आके ज्वाइन कर सकते हैं। ओके थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड, एंड गुड लक गाइज, टेक केयर, आई होप यू गाइज विल एंजॉय टुडेज लेक्चर्स, काफी ज्यादा आपने एंजॉय किया होगा, एंड आई ट्राई माई बेस्ट टू टॉच यू ऑल ऑफ द थिंग इन वेरी वेल मैनर। ओके गुड लक गाइज, टेक केयर, बाय बाय, एंड सी यू इन द अनदर लेक्चर। एंड कल दोस्तों एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आ रहा है, आप में से जिन स्टूडेंट भी लाइव देखा है, कल मैं एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो लेने वाला हूँ लीड गेट चैनल पे, अभी जाके देख लो, रिमाइंडर सेट कर लो वहां पे जाके।
वहां पे मैं एक वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो लेने वाला हूँ, स्क्रूबल पेड और वर्चुअल कैलकुलेटर के कॉम्बिनेशन को यूज करके हम अपनी स्पीड को कैसे बढ़ा सकते हैं गेट में। स्क्रूबल पेड एंड वर्चुअल कैलकुलेटर का यूज करके आप कैसे अपनी स्पीड बढ़ा सकते हो गेट एग्जामिनेशन में। तो कल 8 बजे लीड गेट पे चैनल आएगा। अगर आप बाद में भी देख रहे हैं तो आप एक बार इस यूट्यूब चैनल पे जाके ये वीडियो देख लीजिएगा, जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं। थैंक यू सो मच गाइज, गुड लक, टेक केयर, बाय बाय, सी यू। It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test. And battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive gamified contest for gate till date. With the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now.